प्रस्ताव बोला कि सुनो, तुम तो चाहते नहीं हो कि कोई भी दुनिया में एक मरा खुशी से रहे, तुम तो सबके सौतन हो, एक काम करो ना, डेनमार्क दिए थे डेनमार्क का, ठीक है, 64 रोटी खाई मार्क को गैस हुआ, 64 रोटी, तो 64 में युद्ध हुआ था मार्क यानी डेनमार्क का युद्ध हुआ था किसके साथ, ऑस्ट्रिया और प्रसा के साथ। स्वागत है आपका हिस्ट्री के इस मैराथन क्लास में, और एक चीज याद रखिएगा, हिस्ट्री आपको पूरा दिमाग में बैठने वाला है, एक ऐसा जबरदस्त क्रीम वाला ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि क्रीम से ही आपको पूरा का पूरा ट्रिक याद हो जाएगा और इस ट्रिक से पूरा डेट याद हो जाएगा। इतना बड़ा पूरा लेसन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ट्रिक दिमाग में बैठिए, एकदम जबरदस्त रामबाण उपाय है और आपका नंबर बहुत शानदार आने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बेहतर लगेगा तो आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में एक चीज तो बनता है, लाइक जरूर कीजिएगा। और फिर आपको ट्रिक, पहले हम आपको क्या बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं, क्या बता देते हैं, चलिए ट्रिक बता दें, सुनिए, आप एक काम कीजिए, इस ट्रिक को पहले देख लेते हैं फिर ये कहानी को समझते हैं। पहला लेसन का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका पूरा जितना भी डेट है और युद्ध कहाँ कहाँ हुआ है, कैसे कैसे राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ है, इस टोटल डेट ये पूरा का पूरा ट्रिक में लिखा है, लेकिन आपको क्रीमी ट्रिक देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद, पहले आपको एक चीज़ बता दें कि पूरे विश्व में सबसे पहले यूरोप का एक देश है, यूरोप एक महादेश है, इस महादेश में एक छोटा सा देश था फ्रांस, यहाँ पे क्रांति हुई थी। कब हुई थी तो याद रखिए, 1789 में पहली बार क्रांति हुआ था और यहाँ के राजा को, फ्रांस के राजा जो निरंकुश था जिसका नाम था लुई 16, उसको मार के भगा दिया गया था। उसके बाद से नेपोलियन राजा बना और इसके बाद पूरा का पूरा ट्रिक समझते हैं नेपोलियन। वैसे एक ट्रिक आपको पहले बता दें कि नीपू के चार संगतियाँ राजा बने, इससे भी आपको याद हो जाएगा, नीपू के चार संगतियाँ, नीपू से नेपोलियन हो जाएगा, नीपू के चार संगतियाँ, तो चार हो जाएगा, 1804 में राजा बना, और संगतियाँ से संहिता हो जाएगा, संहिता तो नेपोलियन संहिता क्या हो जाएगा 1804 में आया, तो नीपू से नेपोलियन, नीपू के चार गो संगतियाँ थे, कगो चार गो, संगतियाँ से संहिता, यानी नेपोलियन राजा भी बना और नेपोलियन अपना संहिता, संहिता का मतलब होता है अपना नियम दिया, अब तुम राजा बनोगे तो अपना नियम दोगे कि नहीं कि अब ऐसे काम होना चाहिए, तो नेपोलियन राजा भी बना और संहिता भी कब दिया 1804 में, ये आप ट्रिक दिमाग में रखिएगा। चलिए एक ट्रिक आपको बताते हैं, पूरा याद हो जाएगा। यहाँ देखिए, एक लड़का, अब देखिए थोड़ा सा याद किया, पान धर बिना वाटर ले लूं, 54 तरह का क्रीम लगाऊं, आ गया ना बात, अब समझिएगा, मान लीजिए कि कोई पान खा नहीं रहा है, हाथ में पकड़ा है, तो बोला कि थोड़ा सा पान पकड़ लीजिए, क्या पकड़ लीजिए, पान पकड़ लीजिए, तो पान धर, पान धर से 15 हो जाएगा कि नहीं, समझिएगा, पान धर, थोड़ा मैं वाटर ले लूं, ठीक है, तो पान धर से 15 यानी कि 1815 में, यानी क्या, पान धर बिना, बिना का मतलब हो जाएगा बियना का संधि, ठीक है, 1815 में बियना का संधि भी हुआ, और वाटर ले लू से वाटरलू युद्ध हो जाएगा, पान धर, थोड़ा पान धर बिना क्या ले लूँ, वाटर ले लूँ, और 54 तरह का क्रीम लगाऊं, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, याद हो जाएगा। तो यानी कि, यानी बिना से बियना की संधि और वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, पान धर है ना, तो 15 में हुआ था, और 54 तरह का क्रीम लगाऊं, अब बताइए मुंह में क तरह का क्रीम लगाना है, 54 तरह का, तो 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था, ये आपको याद हो गया। अब देखिए, एक लड़का था, अब सोचा कि थोड़ा पर्सनालिटी हैवी था, अब सुनिए आपको डेट याद क्या रखना है, आपने याद किया 54 में क्रीम लगाए थे, उसके बाद इसमें 10 जोड़िएगा हो जाएगा 64, इतना डेट याद रखिए 54 64, ठीक, उसके बाद से 64 के बाद एक और डेट याद रखिए 66 के बाद 70 और 71, ये लाइन से है, यहाँ देखिए ये भी लाइन से है, 54 में 10 जुड़ेगा 64, उसके बाद से 64 में 2, 66 और 70 ये याद रखिए और 71 ये दोनों याद रखिएगा। अब सुनिए, 54 रोटी खाया था मार्क नाम का एक लड़का था, 64 रोटी खाया था, सॉरी कितना रोटी, 64 रोटी खाया, तो मार्क के पेट में गैस होगा नहीं, बाप रे बाप इतना रोटी खाया, तो 64 से याद रखना 1864 में मार्क यानी डेनमार्क में युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था, डेनमार्क में युद्ध हुआ था, और युद्ध होने के बाद लास्ट में बैठक होगा ना, इसे संधि कहते हैं, तो 64 रोटी खाया है तो मार्क को गैस हुआ है, तो गैस से गैस्टीन की संधि हुई थी, कौन सी संधि हुई थी, गैस्टीन की संधि हुई, तो याद हुआ 64 में। अब बताओ, गैस तो हो गया तो दवा तो खाना पड़ेगा ना, तो यहाँ देखिए 66 दवा के लिए, अब गया दवा खाने, बाप रे 54 को रोटी खाया, तो डॉक्टर बोला कि ठीक है तो 66 को दवा खाओ, ठीक है, तो 66 दवा मांगने के लिए गया, तब तक वहाँ एक डॉन था, डॉन के साथ युद्ध हो गया, ठीक है, यहाँ देखिए 66 दवा के लिए डॉन से 70 बार युद्ध हुआ, और 70 बार युद्ध किया ना, तो 71 बार बम फेंका, कितना बार बम फेंका, 71 बार, हम क्या बोले हैं, 66 दवा के लिए
डॉन से 70 बार युद्ध हुआ, कितना बार, 66 के लिए 70 बार युद्ध हुआ और 71 बार बॉम्ब फेंका था, ठीक है। तो याद रखिए 66 दवा, 1866 में दवा से सेडेवा का युद्ध हुआ था और डॉन, डॉन से 70 बार युद्ध हुआ था, तो सेडान का युद्ध 70 में, और यहाँ देखिए 71 बार बॉम्ब फेंका था, तो 71 में फेंका से फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से क्या हो जाएगा, फेंका वाला फटा है, बम फटा, 71 बार बम फटा, याद रखिएगा बम फटा फ्रैंकफर्ट, ठीक है, 71 में याद हुआ डेट। यहाँ देखिए 54 तरह का क्रीम लगाया था, और यहाँ देखिए उसके बाद से 64 गो रोटी खाया था, 64 क्या खाया था, रोटी खाया था, और दवा, दवा का वो खाया था, दवा खाया था 66 गो, और 66 गो दवा के लिए 70 बार डॉन से युद्ध हुआ, किसके साथ, डॉन से युद्ध हुआ, और जब 70 बार डॉन के साथ युद्ध हुआ तो वहाँ कौ गो बम फटा था, 71 गो बम फटा था, तो फटा से हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। तो यहाँ पे आपको याद हो गया सेडेवा 66 बार, सेडान का युद्ध 70 में, और फ्रैंकफर्ट की संधि 71 में, ये पूरा का पूरा ट्रिक आपको याद हो गया होगा। चलिए ये अगर आपको याद हो गया, अब यहाँ पे कहानी को शुरू करते हैं, अब तो आपको मजा ही नहीं आएगा कि सर ऐसे ही याद हो गया, यहाँ समझिएगा। सबसे पहली बार फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था, उस वक्त सबसे निरंकुश राजा पता है कौन था, यहाँ पे लुई 16, इनकी पत्नी थी मेरी एंटोनेट, वो और ही खराब थी, ठीक है, ये तो निरंकुश था ही, गुंडा था तो गुंडी थी, ठीक है। तो यहाँ पे बुर्बो वंश का राजा लुई 16 था, और ये 1789 में सभी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद, अपने राष्ट्र के प्रति भावना आई, और लुई 16 को राजगद्दी से हटा दिया गया। तो भाई अब फ्रांस में राजा बनेगा कौन, तो इस सब युद्ध में सबसे फेमस एक व्यक्ति हो रहा था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, और वो राजा बना कब, 1804 ईस्वी में राजा बना, और अपना नियम नेपोलियन संहिता, बताए थे ना नीपू की संहिता वाला, 1804 में उन्होंने क्या किया था, नेपोलियन संहिता दिया, और अपने सभी कार्यों को कि भाई अब फ्रांस कैसे चलेगा उसको बताया गया था। अब बात करते हैं कि जब ये चीज़ देख करके ना यूरोप के अन्य देशों में, यूरोप एक महादेश है, फ्रांस में जब सब देश देखा कि फ्रांस का राजा निरंकुश था, तो वहाँ के सभी लोगों ने मिल करके क्या किया, वहाँ के राजा को हटा दिया, और अच्छा से राज चलाने वाला एक बहुत अच्छा व्यक्ति चला रहा है, तो काहे नहीं हम भी ऐसा अपने अपने राजा को हटा दे। तो पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद उत्पन्न हो गया, किसकी वजह से, फ्रांस की वजह से, और इस सब को देख के जल रहा था एक ऑस्ट्रिया का राजा जिसका नाम था मेटरनिक, राजा नहीं था, ऑस्ट्रिया का चांसलर कहेंगे वहाँ पे, क्या बोलते हैं, चांसलर, प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। मेटरनिक हर मैटर में पड़ जाता था, कहता था यूरोप में कहीं भी अगर राष्ट्रवाद हो रहा है तो भाई हम ही दबाएंगे, क्योंकि आज अगर एक देश के सभी लोग अगर एक राजा को हरा दे रहे तब तो कहीं हरा देंगे, हम लोगों का तो कोई वैल्यू ही ना रह पाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए उसके बाद से फिर पूरे लोगों ने प्लानिंग बनाया कि नेपोलियन को हरा दें, और नेपोलियन को 1814 में हरा दिया गया, और हराने के बाद से उस पूरे यूरोप में मान लो कि जितना भी इलाका था नेपोलियन सभी इलाका में, फ्रांस में तो यहाँ शासक बना ही, और सभी जगह जाके बोल दिया था कि तुमको कोई भी परेशानी हो, तुम्हारी जनता सबको, सभी लोगों को बोला था आपको किसी प्रकार की अगर परेशानी है तो हमें बताइएगा, हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है, ऐसा बोल दिया गया था। इसीलिए सभी लोग, यहाँ के जितने भी राजा थे निरंकुश, सभी लोगों ने मिल करके और नेपोलियन को ही हरा दिया, कब, 1914 में हरा दिया। और हराने के बाद से सब लोगों ने सोचा कि आइए एक जगह बैठते हैं, अब बैठ करके नेपोलियन द्वारा जितने भी जीते हुए राज्य हैं उसका बंटवारा कर देते हैं। तो नेपोलियन द्वारा जो भी नियम लगाया गया था सब नियम को बंद करके बोला कि जौन पहले राजा था ना वही वंश का राजा बनेगा, वैसे ही पुराना निरंकुश रहेगा, वैसे ही लोगों को परेशान करने वाला राजा होना चाहिए, सब पुनर्व्यवस्था कर दिया गया, ठीक है, यानी कि इसके जीते हुए राज्यों को बांट दिया गया। और ये कहाँ पे बुलाया गया था बैठक बांटने के लिए, तो ऑस्ट्रिया, वही मेटरनिक जहाँ का था, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो थी वियना, वहीं पे बुलाया गया क्या मीटिंग, जिसे वियना की संधि कहते हैं, 1815 में बुलाया गया था। कितने देश थे महान महान, प्रसा, ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया, ये 4 गो देश था, और इन मेन मैन ये क्या किया, पूरे के पूरे फ्रांस का बंटवारा कर दिया, और फ्रांस में फिर दोबारा क्रांति नहीं हुई, लेकिन बाद में होगी। जब ये फ्रांस का राजा नेपोलियन हार गया तो उसके बाद वंश कौन था स्टार्टिंग में, लुई 16वां, तो एकरे खानदान का राजा बना लुई 18वां, लेकिन ये राजा थोड़ा अच्छा था, लेकिन कहा जाता है ना कि अच्छाई ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है, जब वो उसकी भी मृत्यु हो गई, और जब लुई 18वां की मृत्यु हो गई, ये भी बेचारा संवैधानिक घोषणा पत्र दिया, यानी कि बोला कि कोई बात नहीं, हम आप पर कोई अत्याचार नहीं करने वाले, जनता को बोला, लुई 18वां फ्रांस का शासक था जो जनता को बोला, ठीक है, तो अच्छाई ज्यादा दिन तक टिकी नहीं, और फिर इसकी भी मृत्यु हो गई, और जब इसकी मृत्यु हुई ना तो फिर लुई बुर्बो वंश का बहुत ही क्रूर अत्याचारी शासक पैदा हुआ, ठीक है, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था चार्ल्स दशम, यहीं से जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं, ठीक है,
चार्ल्स दसम पैदा हुआ, और चार्ल्स दसम जब राजा बना 1830 में तो ये बड़ी लोगों को परेशान करता था, और अपना प्रधानमंत्री तो और घटिया चुन लिया दसम ने, पोलिग्निक, नामे में है पोलिग्निक, लग रहा है पोलियो मार दिया इसको। ये बहुत ही, ये भी निरंकुश था, ये बोला कि अच्छा जनता अगर कुछ भी कहेगी तो उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इन्होंने चार अध्यादेश जारी किया, कब, 1930 में ही, 25 जुलाई को, इसीलिए तो इसे जुलाई 1930 की क्रांति कहते हैं, 1830 की क्रांति कहते हैं। 25 जुलाई 1930 को चार अध्यादेश जारी किया, और ये चार गो नियम ऐसा ऐसा था जो लोग राष्ट्रवाद उत्पन्न करते थे ना, उनको पकड़ के मरवा देता था सब, ठीक है। तो लोग बड़ी नाराज हो गए, और नाराज हो गए तो राजा को बोले कि ये तुमको नियम नहीं लगाना चाहिए था, राजा के खिलाफ हो गए, तो उसको बोलते हैं गृह युद्ध। तो यहाँ पे क्या हो गया, गृह युद्ध छिड़ गया, और पेरिस में क्रांति फैल गई, पेरिस में फ्रांस की राजधानी, क्योंकि फ्रांस है ना जी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्रांति छिड़ गई, जिससे राजा पूरा का पूरा डर गया, ठीक है। 28 जून को ये गृह युद्ध हुआ था, और पेरिस में क्रांति की लहर उठी, तब तक देखा राजा कि बाप रे क्रांति बड़ी खतरनाक है, भागना पड़ेगा, और बेचारा यहाँ पे कौन, चार्ल्स दसम क्या किया, अपना राज का छोड़ करके अब कहाँ, लंदन, ब्रिटेन भाग गया। कोई भी राजा भागेगा ना तो अंग्रेजों से यहाँ भागता है, ठीक है। और इस तरह से बुर्बो वंश का अंत हो गया, और फिर तब तक एक नया वंश आ गया जिसका नाम था आर्लियंस वंश। ये सोचे कि हम आ रहे हैं तो हम तो बहुत बढ़िया फ्रांस को चलाएंगे, ठीक है। तो ये दिखावटी अच्छा था, ये रियल में अच्छा नहीं था, ये गरीबों का सपोर्ट नहीं करता था, ये अमीरों के साथ रहना पसंद करता था। आर्लियंस वंश का राजा लुई फिलिप, क्या था, लुई फिलिप था, ठीक है। ये क्या था, ये भी निरंकुश था लेकिन दिखावटी अच्छा था, और इसका प्रधानमंत्री गिजो था, क्या था, गिजो, ये थोड़ा निरंकुश था। यहाँ देखिए, चार्ल्स दसम का प्रधानमंत्री पोलिग्निक, और फिलिप का प्रधानमंत्री गिजो, 1840 में ये बेचारे प्रधानमंत्री बने लेकिन बड़ी निरंकुश थे। ये पता है क्या किया, सोचा कि हमारे विरोध में जो जो आएगा ना उसको खुश करने के लिए वो जिस तरह चाहेगा उसको उसी तरह रखेंगे, तो उसी को कहते हैं स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अपनाया, कौन, लुई फिलिप। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति किसने अपनाया, तो लुई फिलिप, किस लिए, अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अपनाया गया। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा समझ में आया होगा इतना। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि जुलाई 1830 की क्रांति के कारण क्या थे, तो बोलिएगा कि यहाँ पे चार्ल्स दसम की निरंकुशता, और उन्होंने चार को ऐसा नियम दिया जिससे लोग बहुत परेशान हो गए, और उन्हें 28 जून को फ्रांस में क्रांति कर दी, और 28 जुलाई को नियम दिया गया था, इसीलिए इस नियम को क्या बोलते हैं, जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। यहाँ देखिए, अब ये रहा पूरा, अब आपको पता होना चाहिए कि पूरे यूरोप में हर जगह राजा अत्याचारी था, लेकिन एक बार जब नेपोलियन फ्रांस में गया था और फ्रांस में राजा को हटा करके नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, फ्रांस में राजा को हटा करके और अपना राज्य स्थापित किया था, तो सब लोगों, सब राज्य में एक चीज खटक गया था, जानते हो क्या, कि हम लोग भी तो अपने राजा को हटा सकते हैं। तो इस तरह से दो गो इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है, इटली के राजा को भी हटाना है, इटली को भी एक करना था, इटली जानते हो बहुत इलाका में टूटा हुआ था, इटली को एक करना बड़ी मुश्किल था, क्योंकि एक कब होगा, जब बीच वाले मानेंगे तब ना सबको एक करोगे। तो यहाँ देखो इटली का एकीकरण पढ़ते हैं, सबसे पहले इटली को एक करने में कितने लोगों का हाथ है, तो मेजनी का हाथ है, गैरिबाल्टी का हाथ है, काउंट कबूर, इनके बारे में हम बताएंगे आपको, काउंट कबूर का हाथ है, और विक्टर इमैनुअल राजा है और इनके प्रधानमंत्री काउंट कबूर हैं, इतना याद रखिएगा। अब मेजनी के बारे में पहले समझ, अब देखिए बाधाएं भी समझ लें, इटली एक क्यों नहीं हो पा रहा था, बाधा था धार्मिक एकीकरण, वहाँ पे पोप लोग रहते थे, जैसे हिंदू में पंडित जी लोग होते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे कैथोलिक धर्म जो होता है उसमें पोप लोग होते हैं, पोप लोग देखे होंगे आप, फादर जिसको बोलते हैं, पूरा व्हाइट पहनता है, प्लस जैसा माला पहनता है, ये आप देखे होंगे ना, तो वही बात है। तो धर्म ही चाहते थे कि भाई इटली एक हो, लेकिन धार्मिक हिसाब से एक हो, एक ही धर्म के लोग पूरे इटली में रहे, ये भी गलत है। इटली के शासक नहीं चाहते थे, क्योंकि मान लो कि इटली थोड़ी देर के लिए इटली है, यहाँ कोई और राजा था, यहाँ कोई और, यहाँ कोई और, यहाँ कोई, तो ये नहीं चाहते थे कि इटली एक हो, जब इटली एक हो जाएगा तो राजा कोई एक एक न रहेगा, तो और लोग तीन आदमी क्या करेंगे, तो शासक भी वहाँ पे कारण था कि ये नहीं चाहते थे कि एक हो। और दूसरा, इटली कुछ इस तरह से टूटा हुआ था कि बीच वाला कबर, भौगोलिक स्थिति, इसकी भूमि की स्थिति ऐसी थी कि इधर वाला कोनो नहीं चाह रहा था, कोनो कह रहा था कि हम नहीं एक होंगे, टेढ़ा मेढ़ा भौगोलिक स्थिति था, और बीचे में थे पोप, ही कह रहे थे कि हम तो एक होने ही नहीं देंगे, तो इनको तो मार के हटाना पड़ेगा तब नहीं एक होगा, ठीक है। तो ये तीन कारण है, बाधा थी कौन कौन, और एक सबसे बड़ी बाधा थी ऑस्ट्रिया, बाधा था एक जो देश है ना ऑस्ट्रिया, मेटरनिक वाला, वो तो हर चीज में एकदम क्या बोलते हैं उसको, बाधा था ही था, सौतन का काम करता था कौन, मेटरनिक, कहीं भी पूरे यूरोप में क्रांति हो पहुंच जाता था दबाने के लिए कि नहीं भाई गरीबों को ऊपर नहीं होने दिया जाए, ये चीजें था। आते हैं इटली का एकीकरण देखने, सबसे पहले मेजनी को देखते हैं, मेजनी चाहते थे कि भाई यहाँ इटली एक हो जाए, ठीक है, अच्छा तरीका से भी एक हो जाए, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इटली के एकीकरण के वक्त वहाँ का जो शासक था,
वहाँ का जो शासक था कहाँ का, सर्डिनिया पिडमाउंट। अब कहेगा ये क्या बला है सर, तो सुनिए ध्यान से। यहाँ पे सपोज मान लीजिए यहाँ पे कि ये इटली हो गया और इधर एक छोटा सा इलाका था सर्डिनिया पिडमाउंट। सर्डिनिया पिडमाउंट ही चाहता था क्या कि पूरा इटली एक हो जाए, लेकिन यहाँ का जो शासक था उसको दिमाग नहीं था। मेजनी बार बार समझाता था कि तू समझ नहीं रहा यार, सबको एक करो। यहाँ का पहला शासक बहुत ही घटिया था। जब सर्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक बना कौन, विक्टर इमैनुअल, तब ये सोचा कि नहीं इटली को एक होना चाहिए। तब वो सोचा कि एक काम करते हैं, हम अपना प्रधानमंत्री नया बनाते हैं। हमारे बाबूजी जब थे, ठीक है, विक्टर इमैनुअल के पुराने दादा परदादा, ठीक है, तो वो तो अपना प्रधानमंत्री बहुत घटिया रखा था। हम कोई तेज तराड़ प्रधानमंत्री को रखें जो इटली को एक करना चाहे और मेरे तरह सोचे। तो इन्होंने अपना प्रधानमंत्री काउंट कावूर को बनाया, ठीक है, कि अब इटली एक हो जाएगा। मेजनी के बारे में जान लो, तो मेजनी ना कार्बोनरी का एक सदस्य था। अब कहिएगा सर कार्बोनरी क्या होता है, तो देखिए पूरे यूरोप की बात करें, अभी इटली की बात करें, तो पूरे इटली को लोग एक करना चाहते थे। क्या करना चाहते, एक। लेकिन एक प्रॉब्लम ये था कि जो भी एक करने की कोशिश करता था, ठीक है, उसको मेटर्निक दबा देता था। ये उसके माने ये प्रॉब्लम चल रहा था। तो सोचा गया कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए। क्या बनाया जाए, एक ऐसा संगठन जिसमें लड़का सबको ला करके ट्रेनिंग दिया जाएगा युद्ध का, और जब सब लोग ताकतवर हो जाएंगे ना, तब एकाएक हम लोग क्रांति करेंगे और मेटर्निक को हराएंगे। तो जो संगठन बनाया गया ना कार्बोनरी था, उस संगठन का क्या नाम था, कार्बोनरी। और इसी में स्टूडेंट कौन थे, ये आपके मेजनी थे। तो मेजनी कार्बोनरी का क्या था, एक सदस्य था, कार्बोनरी का एक सदस्य था। कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी, 1810, और मेजनी का जन्म हुआ था 1805 में, ठीक है, जेनेवा में, याद रखिए। और कार्बोनरी जो संस्था थी वो 1810 में बनी थी, और जब मेजनी बड़ा हो गया तब जाके कार्बोनरी ज्वाइन किया था। ये मत समझिएगा 5 साल के बाद ज्वाइन किया है, ऐसा कुछ नहीं था। अब यहाँ देखिए, मेजनी सोचा कि हम तो कार्बोनरी से निकलेंगे तो हम भी जा करके स्कूल स्कूल खोलेंगे अपना, और उसी में सब लड़के को बुलाएंगे, हम भी ट्रेनिंग देंगे। जैसे कार्बोनरी ट्रेनिंग दे रहा है, हमको ट्रेनिंग दिया है, हमको शिक्षा दिया, हम भी जब बड़े हो जाएंगे तो अपना एक अलग पार्टी बनाएंगे और उसमें भी क्रांतिकारी लड़कों को लाएंगे। तो उन्होंने इटली को एक करने के लिए एक ग्रुप बनाया जिसे यंग इटली कहते हैं, और इसमें ट्रेनिंग दिया जाता था कि इटली को एक कैसे किया जाए। तो यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने ही की थी। कब, तो 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना हुई, ये याद रखिएगा। गैरिबाल्टी में थोड़ा सा योगदान जान लें कि गैरिबाल्टी का क्या योगदान है, तो इनका योगदान थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए फिर से यही यही देखिए, इतना ही जगह है, इतना ही में देखिए, ये अपना हो गया थोड़ा देर के लिए इटली। तो ये गैरिबाल्टी तो पहले पेशे के एक नाविक थे, माने इनका खानदानी पेशा था नाव चलाना, इसलिए पेशे के, लेकिन बड़ी ईमानदार आदमी था, और ये ना लोगों को बड़ी अच्छा से मोटिवेट करता था, बाल्टी में मोटिवेट कर लेता था। गैरिबाल्टी नाम है, गैरों को मोटिवेट कर दे, दूसरों को मोटिवेट कर दे, समझा देते थे। ये इतना समझदार व्यक्ति, बोला कि इटली को तो हम लोग एक कर सकते हैं। इन्होंने किसान को लेकर के और एक एकजुट बना के सेना बना दिया, किसान को इतना मोटिवेट किया कि एकदम वो सेना तैयार हो गया, और उनको लाल कपड़ा पहना दिया जिसे लाल कुर्ती सेना कहते हैं। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, गैरिबाल्टी के द्वारा ही बनाया गया था, और जा करके इटली पर अटैक कर दिया, और अटैक करके इधर के दो राज्य को पीट पाट करके राजा को हटा के एक कर दिया, दोनों को मिला दिया, ठीक है। इस राज्य का नाम था नेपल्स और सिसिली, दो क्षेत्र नेपल्स और सिसिली को गैरिबाल्टी एक कर दिया। बाद में ये बेचारे सब अपना जितना भी संपत्ति था राजा को दे करके, राजा माने कौन, विक्टर इमैनुअल, यही चाहते थे कि पूरा एक हो जाए, इनको दे करके और किसान की जिंदगी बिताने चला गया, ठीक है। ये कब किया था, अब सोचा कि जब दोनों यहाँ पे नेपल्स और सिसिली, गैरिबाल्टी सोचे एक हो गया, तो कहे नहीं बीच में पोप जी लोग हैं, इन लोगों को भी थोड़ दें। तब तक काउंट का बोला कि रुक 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 मत जा, अगर इनको मारेगा ना तो ये तो सिर्फ इटली है, पूरे यूरोप में, जैसे हम लोग पूरे भारत में जितने भी हिंदू लोग हैं वो पंडित जी को रेस्पेक्ट करते हैं, तो पूरे यूरोप में पादरी लोगों को यानी पोप लोगों को रेस्पेक्ट दिया जाता है। तो जैसे पोप लोगों को हटाएगा ना, सारा देश से जुट जाएगा कि बताओ हमारे धार्मिक लोगों को मार दिया तुम, ठीक है, इसीलिए मत मारो। तो 1862 में ही जाने वाला था किस पर, पोप को मारने के लिए, और काउंट कावूर क्या कर दिए, रोक दिए, क्या कर दिए, रोक दिए। लेकिन बेचारे कुछ दिमाग लगाते तब तक 1862 में किसी कारण बस काउंट कावूर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं इटली का एकीकरण करने, लेकिन उससे पहले काउंट कावूर बहुत दिमाग लगा चुका था, क्या क्या दिमाग लगाया था वो समझते हैं। यहाँ देखिए, क्रीमिया के युद्ध में काउंट कावूर सहयोग किया। अब मामला ये फंस गया कि क्रीमिया का युद्ध हुआ, अब काउंट कावूर सोचा कि बाप रे इटली को एक करना है, और इतना बड़ा बड़ा देश है जो इटली को थोड़ा थोड़ा, मान लो कि ये इटली हो गया, ये क्या हो गया, इटली हो गया, और इटली के कुछ इलाका पर दूसरा राज्य, कुछ इलाका पर यहाँ देश, अलग अलग देशों ने कब्जा किया था, इस सब को इन लोगों से छीनना था, ये बहुत भारी भारी देश थे। तो ये सोचा काउंट कावूर कि इन लोगों से छीने कैसे, जब तक हम ताकतवर नहीं बनेंगे नहीं छीनेंगे। तो यहाँ पे काउंट कावूर दिमाग लगाया,
कि पहले हम अपनी सेना को मजबूत कर लेते हैं, फिर एक काम करते हैं किसी बड़े देश के साथ जाके मिल जाते हैं, ठीक, और उस देश के साथ खूब अच्छा दोस्ती कर लेंगे, ताकतवर हो जाएंगे तो इनको चढ़ा देंगे कि सुनिए ना चलिए ना इसको मार करके क्या कर लीजिए, इसको जीत लिया जाए तो ये भी जीत जाएंगे, इसको सबको जीत करके मान लीजिए कि भले काउंट कपूर नहीं राजा बनेगा, यही जो देश है वही बनेगा। अब बाद में इस देश के राजा अकेले कहीं घूमेंगे तो मार देंगे, अकेले पूरा को एक कर देंगे, ये दिमाग लगाया गया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्रीमिया के युद्ध में काउंट कपूर को बुलाया नहीं गया था कि आओ मेरे साथ युद्ध करो, वो अपने से चला गया था फ्रांस के साथ। क्रीमिया का युद्ध फ्रांस और रूस के बीच चल रहा था, इसमें तुर्की भी था, तो सोचा काउंट कपूर कि कहे नहीं फ्रांस का सहयोग कर दें, क्योंकि फ्रांस के तरफ से रूस भी था, ब्रिटेन भी था और फ्रांस भी था, एक तरफ तीन गो देश, अकेले एक तरफ रूस था। तो काउंट कपूर दिमाग लगाया कि जहाँ तीन गो देश हैं उधर सपोर्ट करेंगे तो ढेर सेनों नहीं लाएगा, आज जानता है कि जीती हो जाएगा क्योंकि उधर अकेले इधर तीन तीन को बड़ा बड़ा देश है, तो ये बहुत दिमाग लगाया आज जीत भी गया, ये तो वैसे भी जीत जाता क्योंकि तीन गो देश एक तरफ था रूस अकेले था, ठीक है। तो ये अपना थोड़ा सा सेना लगभग 18,000 सेना भेज दिया और यहाँ पे युद्ध हुआ और ये युद्ध जीत गया। और फिर युद्ध के बाद से संधि बुलाई गई पेरिस में, पेरिस शांति सम्मेलन, जिसमें काउंट कपूर को भले बुलाया नहीं गया लेकिन जबरदस्ती गया और वहाँ जाके बीच में खड़ा होकर बोला कि हम इटली के तरफ से आए हैं, सर्डिनिया पेडमाउंट के राजा जो हैं विक्टर इमैनुअल हमको भेजे हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि इटली एक हो जाए। उस वक्त इटली का चर्चा कहीं नहीं चलता था, ठीक है, लेकिन पहली बार पूरे सभा में इटली का नाम रखा कि अरे यार ये तो बंदा इटली का कोई नामों नहीं जानता, इटली को एक करना चाहता है, तो इन लोगों के दिमाग में डाल करके चला आया, लेकिन कोई फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ राजा लोग के दिमाग में बैठ गया कि इटली एक होना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए नेपोल से ये भी बता दिए थे, अब आगे ऑस्ट्रिया और प्रसा के साथ युद्ध हुआ। एक बार मामला ये फंसा कि यही सबके सौतन का काम ऑस्ट्रिया करता है, ठीक है, सब मामला में ऑस्ट्रिया और प्रसा के साथ युद्ध हुआ पहला, और दूसरा प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध चल रहा था। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे कहानी, जब सबके दिमाग में चला गया इधर का दो गो इलाका नेपल्स और सिसिली एक हो गया, काउंट कपूर सब युद्ध करके इधर का सब इलाका एक कर दिया था, बच गया था पोप, और ये पोप लोगों को एक करना थोड़ा मुश्किल है, इनको हटाना है ना इधर से, इसका रक्षा कर रहा था फ्रांस, क्या कर रहा था फ्रांस, इनकी रक्षा कर रहा था। अब मामला फंस गया, काउंट कपूर सोच रहा है कि अब हम क्या करें, फ्रांस के साथ युद्ध कैसे करें, बड़ी ताकतवर है। तब तक जानते हो क्या हुआ, फ्रांस का एक युद्ध चल रहा था जर्मनी को एक करने के लिए प्रसा के साथ, तो अपनी सारी सेना को बुला के ले चला गया प्रसा लड़ने, किससे प्रसा, बस इन लोग खाली हो गए। तब तक काउंट कपूर विक्टर इमैनुअल यहाँ पे पहुंच गया, काउंट कपूर तो मर चुका है क्योंकि वो 62 में, विक्टर इमैनुअल अपनी सेना लेकर के पहुंच चुका है और सेना जाके पोप लोगों से पूछा बताइए अब तक की रक्षा करने वाले कोई नहीं है, हमको तो इटली को एक करना है, आप हटिएगा कि कुछ हम मदद करें। तो यहाँ से पोप लोग धीरे से हट करके साइड में आ गए, यहाँ अपने आप को एक रूम में बंद कर लिए, बोले कि नहीं हमको छोड़ दो, हम हट गए हैं, तुम जाके एक कर लो इटली को, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूम में आ करके बंद हो गए और इस इलाका में जहाँ बंद हुए उसका नाम था वेटिकन, तो सारे पोप लोग वेटिकन सिटी में रहने लगे, इन लोगों को एक अलग शहर दे दिया, तो पूरे विश्व का सबसे छोटा शहर वेटिकन सिटी है, ये याद रखिएगा। और इस तरह से इटली का हो गया एक हो गया। अब यही जो प्रसा और फ्रांस, यहाँ फ्रांस सेना लेकर गया था प्रसा से लड़ने, वो पढ़ना है आपको किस में, जर्मनी के एकीकरण में, कि कब लेकर के गया था, यहाँ देखिए यही तो लेकर के गया था यहाँ पे, तब तक इधर से खाली हुआ, तब तक इधर विक्टर इमैनुअल इसको क्या कर दिया, एक कर दिया, ठीक है। और इस तरह से प्रसा और फ्रांस में युद्ध हुआ, कौन सा, 1870 में सेडान का युद्ध कहते हैं, और यहाँ पे पोप लोगों को वेटिकन सिटी भेज दिया गया और 1871 अगले साल पूरे इटली को एक कर दिया गया। तो अब आते हैं हम लोग थोड़ा जर्मनी के बारे में देखने, ठीक है, जर्मनी के बारे में बहुत आसान है। जर्मनी भी बहुत इलाका में टूटा हुआ था, लगभग 300 राज्यों में टूटा हुआ था जर्मनी, बाप रे 300 में 300 राजा हुए, 300 राजा को समझा बुझा करके एक करके उनमें कोनो एगो को राजा बनाना है कितना मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल नहीं है क्योंकि पहला राजा नेपोलियन बोनापार्ट इतना मोटिवेट कर दिया था पूरे यूरोप को कि ऑलरेडी वो जा करके जर्मनी में सब राजा को पीट उट करके 300 को 39 राज्य बना दिया था, 39 राज्य बना दिया था, कौन, नेपोलियन। अब 39 को एक करना था, इसके लिए मात्र 3 युद्ध होगा, कितना युद्ध, 3 युद्ध, और इस युद्ध में छल कल बलि होता है ना, पूरा का पूरा धोखा दे दे के मारा गया, अभी किसी से दोस्ती करो फिर उसको छोड़ा भोग दिया जाता था, इस तरह से युद्ध हुआ था पीठ पीछे छोड़ा भोग करके, क्योंकि मकसद एक ही था, पूरे जर्मनी को एक करना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जर्मनी के एकण में पहला युद्ध डेनमार्क का हुआ, ट्रिक आपको यहाँ बता भी दिए थे डेनमार्क का, ठीक है, 64 रोटी खाई मार्क को गैस हुआ, 64 रोटी, तो 64 में युद्ध हुआ था मार्क यानी डेनमार्क का युद्ध हुआ था, किसके साथ, ऑस्ट्रिया और प्रसा के साथ युद्ध हुआ था। अब देखो
इसमें पूरा का पूरा एक करने में सर्डिनिया पिडमाउंट एक किया है। कौन किया है? सर्डिनिया पिडमाउंट। विक्टर इमैनुअल कहां के राजा थे? सर्डिनिया पिडमाउंट के राजा थे। सर्डिनिया पिडमाउंट ने पूरे इटली को एक किया, लेकिन जर्मनी को एक करेगा प्रसा। इसमें यह चाहता है कि एक हो जाए, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सुनिए, प्रसा सोचा, प्रसा के राजा विलियम प्रथम, याद हुआ प्रसा के राजा कौन थे? विलियम प्रथम। और ये भी जिस तरह से विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री काउंट कवर था, उसी तरह खतरनाक दिमाग वाला विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री बिस्मार्क थे। ये बोले कि ऐसे नहीं, पहले सेना को मजबूत करो, रक्त और लौह की नीति अपनाओ। किसने कहा था? बिस्मार्क ने। याद रखिएगा, खून देना पड़ेगा, रक्त देना पड़ेगा, लोहे की तरह मजबूत बनना पड़ेगा, ये सब बोला गया था। ठीक है, तो विलियम प्रथम के कौन प्रधानमंत्री का नाम बिस्मार्क था। ये लोग चाहते थे कि जर्मनी एक हो जाए, तो अपनी सेना को पहले मजबूत किए। कौन? बिस्मार्क बोले कि मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, पहले सेना को मजबूत किया जाए, फिर लड़ाई किया जाएगा ना। ठीक है, पहले अच्छा से इकोनॉमिक्स स्थिति सुधार लें। अब प्रसा का ही प्रधानमंत्री था कौन? विलियम प्रथम तो राजा था, प्रधानमंत्री ये था। प्रसा बहुत दिमाग लगाया, जिसमें बिस्मार्क बोला ऑस्ट्रिया से कि सुनो ना, एक काम करो ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया तो चाहता ही नहीं था कि कोई एक हो, मेटरनिक कभी चाहता था जी, ऑस्ट्रिया का था चांसलर, ठीक है, नहीं चाहता था। तो जाके प्रसा बोला कि सुनो, तुम तो चाहते नहीं हो कि कोई भी दुनिया में एक मरा है खुशी से रहे, तुम तो सबके सौतन हो, एक काम करो ना, डेनमार्क के पास दुगो बड़ा अच्छा अच्छा शहर है, तुम्हारे पास होना चाहिए, तुमकी बहुत पैसे वाले तुम हो, तुम तो बहुत अमीर हो। तो बोला कि ठीक है, तो क्या करना चाहिए? तो प्रसा बोला सुनो, चलो हम दोनों मिल करके हरा दे डेनमार्क को, इसके दुगो इलाका को आधा आधा बांट लेंगे, सिंपल। तो जा करके कौन? डेनमार्क के साथ युद्ध किया और सेल्सविग को प्रसा के हक में दिया गया और होलेस्टीन को ऑस्ट्रिया के हक में दिया गया। तो ऑस्ट्रिया बोला कि ठीक है, तो लिखित हो जाए कि मान लो कि क्या करना है, हमारे हिस्सा में कौन है? होलस्टीन है और प्रसा आपके हिस्सा में सेल्सविग। तो प्रसा बोला कि सब तो आप ही का है, कहाँ जरूरी है लिखित रखना, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जानते हो अगर लिखित दे देता ना तो फिर कभी प्रसा छीन नहीं पाता ऑस्ट्रिया से। लेकिन प्रसा का मकसद था कि सब छीन उनके और सबको एक कर देना है, पूरे जर्मनी को एक कर देना है, क्योंकि जर्मनी का पुराना नाम ही प्रसा समझ लीजिए। प्रसा एक छोटा सा इलाका है और यही प्रसा चाहेगा कि पूरे जर्मनी को एक करके खुद राजा बन जाए, और होगा भी वैसे ही, ठीक है, क्योंकि वहां के लोग भी चाहते थे। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, होलस्टीन ऑस्ट्रिया के कब्जा में और सेल्सविग किसके कब्जा में? प्रसा के कब्जा में। ठीक है, किसने किया? बिस्मार्क द्वारा यह सब कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, बैठ करके दोनों समझाता है क्या, उसे गैस्टीन की संधि कहते हैं। उसे कौन सा संधि? गैस्टीन की संधि। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम क्या था समझिएगा, जो ऑस्ट्रिया के हिस्सा में सेल्सविग गया था, यहाँ के लोग चाहते क्या थे, ये सबसे ज्यादा पसंद करते थे बिस्मार्क को, ऑस्ट्रिया के चांसलर यानी मेटरनिक को पसंद नहीं करते, ये बात बिस्मार्क जानता था, इसीलिए यही हिस्सा दिया था किसको? ऑस्ट्रिया को, कि क्या करेंगे हम जबरदस्ती इनसे लड़ाई करने जाएंगे, तब तक सभी होलस्टीन के लोग हमसे मिल जाएंगे, ये पड़ जाएंगे अकेले, बस इनको भी हरा देंगे। अब दूसरा युद्ध हो गया किसके साथ? ये दोनों में हो गया, जो अभी बंटवारा किया है। हुआ क्या, ऑस्ट्रिया जो था होलस्टीन के लोगों को परेशान करने लगा। जब परेशान करने लगा तो प्रसा से ये लोग कंप्लेन किया, देखिए ना कितना अच्छा आप लोग बंटवारा किए थे और यहाँ पे हमको कौन परेशान कर रहा है? ऑस्ट्रिया परेशान कर रहा है। एकाएक जा करके प्रसा बोला कि देखिए, आपको दिया गया होलस्टीन ठीक है, लेकिन आप इनको परेशान नहीं कर सकते हैं। तो बोला काहे नहीं कर सकते हैं, बंटवारे के हिसाब से हम दोनों दोस्त हैं और हम अपने राज्य में अच्छा से रहेंगे, जो मन करेगा करेंगे, आप अपने राज्य में। तो ये प्रसा बोला कि नहीं, कहाँ लिखित है, कहीं लिख के दिए कि तुम्हारा है। और इस तरह से ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हो गया किसका? प्रसा का 1866 में। ठीक है, और 1866 में जब युद्ध हुआ, इसका भी ट्रिक आपको बता दिए हैं, इसे सेडेवा, ठीक है, दावा याद है ना, यहाँ पे दावा वाला, ठीक है, तो सेडेवा का युद्ध कहते हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हो गई, उस वक्त प्रसा मजबूत हो गया था, इसे प्राग की संधि कहते हैं। क्या? प्राग की संधि। लेकिन एक चीज था, अब कहिएगा सर और सब देश इन लोग को रोकने नहीं गया, बिस्मार्क बड़ी चलाक था, जाके हाथ गोड़ जोड़ लिया था कि देखिए आप लोग कोई मत आइएगा, ये मेरे मैटर है और ऑस्ट्रिया का मैटर है, ठीक है, तो वो लोग बोल मान भी गया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए कौन गया था, कौन बिस्मार्क गया था फ्रांस के पास, बोल प्लीज आप आइएगा मत, ये दिमाग में रख लीजिए, अब क्या आइएगा, आप जो कहिएगा हम करेंगे। फ्रांस भी बोल दिया कि चलो भाई ठीक है, हम नहीं आएंगे, तुमको ऑस्ट्रिया के साथ जो करना है करो। उसके बाद से पूरा का पूरा इसका ऑस्ट्रिया का जितना भी जीता हुआ इलाका था सबको कब्जा कौन कर लिया? बिस्मार्क। और मजबूत बन गया अब बिस्मार्क, यानी कि प्रसा का शासक विलियम प्रथम और उसका प्रधानमंत्री बिस्मार्क खूब मजबूत हो गया। आधा से ज्यादा इलाका पर किसका कब्जा हो गया था? बिस्मार्क का हो गया। अब थोड़ा सा इलाका बचा था जिस पर फ्रांस का कब्जा था। अब बिस्मार्क सोचा कि ये तो हमारा दोस्त है, इससे कैसे लड़ेंगे? ठीक है, तो एक सोचा कि कोनो ना कोनो झगड़ा खोजने का जड़ तो निकालना पड़ेगा। तो जानते हो हुआ क्या, देखो क्या हुआ, ये मान लो कि पूरा जर्मनी है, जर्मनी के नीचे एगो स्पेन है, क्या है, यही साइड में स्पेन, और स्पेन पर राज कर रहा था फ्रांस, जबकि
प्रासा का पुरानका शासक कोनो जमाना का राजा था जो बहुत पहले स्पेन का राजा था, तो प्रासा झगड़ा का जड़ खोजा कि हमारे दादा के दादा के दादा पहले स्पेन के राजा थे, ठीक, तो आप यहाँ फ्रांस बोला आप यहाँ से हट जाइए, मान लीजिए हम लोग दोस्ते ना है दोस्ती में हट जाइए, तो ये बोला कि नहीं देखो प्रासा तुम गलत कर रहे हो, यहाँ झगड़ा कर रहे हो, तो बोला कि डरता कौन है, लड़ोगे का ज़्यादा बोल रहे हो, तो प्रासा के साथ युद्ध कर लिया कौन, जबकि प्रासा बहुत मजबूत हो गया था, जिसे डॉन सेडोन का युद्ध कहते, एकदम डॉन बन गया प्रासा, ठीक है, और फ्रांस को यहाँ से हरा दिया, सेडोन के युद्ध में फ्रांस हार गया और इस तरह प्रासा जीत गया, और जीतने के बाद होता है संधि जिसे फ्रैंकफर्ट की संधि कहते हैं, वो हुआ था 10 मई 1871, रट लो फ्रैंकफर्ट की संधि, और इस तरह से पूरा जर्मनी एक हो गया। तब से क्वेश्चन पूछा जाएगा किस लास्ट युद्ध के बाद पूरा का पूरा जर्मनी एक हुआ था, तो सेडोन युद्ध के बाद हुआ था, कौन सी संधि के बाद हुआ था, फ्रैंकफर्ट बम फटा था ना, तो फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद ये एक हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा लेसन आपको समझ में आया होगा, और एक छोटा सा टॉपिक है जो कि है यूनान, यूनान एक बहुत ही खूबसूरत देश है, तो यूनान का स्वतंत्रता थोड़ा सा पढ़ना है, तो हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, देखिए बाबू यूनान स्वतंत्र हुआ था 1832 में, कब हुआ था 1832 में, तो इसका मतलब कि कोई उसको गुलाम बनाया होगा, तो आपको पहले यूनान का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे दे दें कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कहीं के ज्ञानी, पूरे यूरोप की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कहीं के ज्ञानी लोग हैं, तो समझ जाना कि यूनान के ही थे, लेकिन उनको बाद में घमंड हो गया, क्या हो गया घमंड, भाई सबसे ज्यादा हम ही जानते थे, जब वो कोई काम करते थे ना तो उसको देख करके दूसरा कोई काम करता था, पूरे यूरोप के अगर कहीं भी काम होता पूरे देश के प्रेरणा का स्रोत यूनान को माना जाता है, यानी सारे लोग यूनान से सीखते थे, लेकिन तुर्की उन पर कब्जा कर लिया करके, क्योंकि वो काम करना यूनान बंद कर दिया, आलस पड़ गया, क्योंकि लोग तारीफ कर देते हैं थोड़ा सा ना तो लोगों के अंदर आलस आ जाता है, यूनान के अंदर वही आलस आ गया वहां के लोगों के अंदर, और तुर्की आके कब्जा कर लिया और वहां पे बहुत लोगों को मारा, जब बहुत लोगों को मारा तो और सब देशों को बड़ा तकलीफ हुआ कि यार हम इसी से सीखते थे, आज तुर्की इनको मार दिया है, हमको यूनान को बचाना चाहिए, तो सभी लोगों ने राय किया, कुछ देशों ने जिसमें ब्रिटेन था रूस था, ये लोग राय करके और जा करके तुर्की को हराए, क्या किए तुर्की को वहाँ पे हरा दिया, और तुर्की को हराने के बाद से यूनान को स्वतंत्र किया गया, वैसे यूनान का स्वतंत्र 1832 में यूनान पूर्णतः क्या हुआ था स्वतंत्र हुआ था, तुर्की को इतना मार मारे ठीक है कि वो मरीज की तरह दिखने लगा, इसीलिए पूरे यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, अब पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा इज्जत यूनान को दिया जाता है, तो पूरे यूरोप का पालना किसे कहा जाता है यूनान को कहा जाता है, और एक इसमें संधि हुई थी जिसमें सभी देश आकर के एकजुट होकर के तब ना मारेंगे किसको तुर्की को, इसे बोलते हैं एंड्रिया निपोल की संधि, याद कर लीजिए एंड्रिया निपोल की संधि 1829 में हुई थी, तो ये पूरा का पूरा लेसन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ये वन लेसन से आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेसन देखते हैं, तब तक इस लेसन को शेयर करते रहे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साम्यवाद और समाजवाद क्या होता है, और ये साम्यवाद की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से है, और दूसरी बात कि जब औद्योगिक क्रांति हुआ यानी कि मशीन जब से लगना शुरू हुआ तब से दो वर्गों का उदय हुआ, एक पूंजीपति वर्ग और एक हो गया आपका गरीब यानी श्रमिक वर्ग, ठीक है, वो किस तरह पूंजीपति वर्ग गरीबों को दबाएगा, किस तरह राजा महाराजा अपने प्रजा को दबाएगी और प्रजा के अंदर गुस्सा आ जाएगा, और जब गुस्सा आ जाएगा तो वो एकजुट बना के राष्ट्रवाद उत्पन्न उसमें होगा, और वो इस राजा को इसके गद्दी से हटाएंगे, इसके बारे में जानेंगे, तो कुछ बुद्धिजीवी लोग इनको चढ़ाएंगे, किनको, जो श्रमिक वर्ग है, तुम लोग इतना मेहनत कर रहे हो, तुम अपने राजा से अपने मालिक से अपना हक मांगो, वही बुद्धिजीवी लोग जिनको हम लोग यूटोपियन कहते हैं, क्या कहते हैं यूटोपियन, इनको स्वप्नदर्शी भी कहते हैं जो सिर्फ सपना दिखाते हैं, और दूसरा कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में पढ़े कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों के अंदर ठीक है अपने देश के प्रति ये भी राष्ट्रवाद उत्पन्न किए और अपना हक लेना सिखाए हैं कि तुम अपना हक कैसे ले सकते हो, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद से रूस में होगी क्रांति, राजा के खिलाफ क्रांति होगी और रूस की क्रांति का क्या क्या कारण है इसको समझेंगे और चैप्टर क्लोज हो जाएगा, जिसमें एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति को पढ़ना है जिनका नाम है लेनिन, इन्होंने एक नीति दिया नई आर्थिक नीति 1921, याद कर लीजिए अभी नई आर्थिक नीति 1921 लेनिन द्वारा दिया गया था। अब देखिए कितना मजेदार तरीका से पढ़ते हैं, सबसे पहले समझते हैं साम्यवाद और समाजवाद और साम्यवाद होता क्या है, तो ये एक विचारधारा है, ये कुछ होता नहीं है, ये एक सोच है, जैसे आप अच्छा सोच रहे ना तो नहीं बोले भाई ये अच्छा सोचता है, तो सोच क्या है, अच्छा सोच बुरा सोच यही हो गया, तो विचारधारा इसी को कहते हैं, भाई तुम कैसे सोचते हो, अपने सोच को विचारधारा कहते हैं, ठीक है, तो दो तरह के सोच के लोग, एक थे समाजवाद और एक थे साम्यवाद, ये दोनों ही चाहते थे कि देश में समानता रहे, आपको पता होना चाहिए कि जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो समानता नहीं हुआ था, एक वर्ग अमीर हो गया था जिसे पूंजीपति कहते हैं और एक वर्ग गरीब हो गया था, अब ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा औद्योगिकरण क्या होता है,
तो यहाँ से राजा महाराजा के जाने के बाद यहाँ फैक्ट्री वगैरह अंग्रेज बैठा दिया, और जब फैक्ट्री बैठा दिया इसी को औद्योगिकरण कहते हैं, माने आधुनिक जमाना हो गया, नया जमाना हो गया। तो इसमें दो वर्ग में बट गया, एक पूंजीपति जो फैक्ट्री का मालिक था, एक श्रमिक। ठीक है, तो पूंजीपति जो था वो श्रमिकों को काम पर रखता था और अच्छा से पेमेंट नहीं करता था, पैसा नहीं देता था, तो उनके अंदर गुस्सा भर गया था। इसी के बारे में पढ़ना है। तो लोग चाहते थे कि ये दोनों समान रहे, तो साम्यवाद वाले ग्रुप के जो लोग थे वो भी चाहते थे कि समान समान रहे, और ये समाजवाद यानी समाज दोनों में चाहते थे कि समान रहे, लेकिन दोनों में थोड़ा सा का अंतर है, मात्र थोड़ा सा। मकसद सेम है कि सभी लोग समान रहे, लेकिन समान करने का तरीका अलग अलग है। ये लोग चाहते थे, समझिएगा ध्यान से, ये लोग चाहते थे कि राज्य हमारा सहयोगी है, राज्य हमारा क्या है, सहयोगी है, वो राज्य के मदद से हम लोग सभी को समानता कर सकते हैं। और ये कहता था कि राज्य के वजह से ही समानता नहीं है, अगर राज्य के मंत्री लोग चाहते तो बहुत पहले सब लोग समान हो गया होता, कोई ऊंच नीच नहीं रहता। तो ये राज्य को विरोधी मानते थे और ये राज्य को समर्थक मानते थे, मतलब ये नरम दल के थे और ये गर्म दल के थे, इतना आप समझ गए। अब देखिए, अब आए कुछ समयवादी लोग जिन्हें यूटोपियन या स्वप्नदर्शी कहते हैं। तो ये लोग आकर के लोगों को समझाएं कि देखो तुम अपना हक छीनो, तो ये स्वप्नदर्शी समझाने तीन थे फ्रांस के, याद रखिएगा, सेंट साइमन, सेंट भी फ्रांस के और फॉरियर, एकदम वो फोरा फोरी वाला भी यहाँ के, कहाँ के, ये आपके क्या बोलते, फ्रांस के, और लुई बल्ला, और बल्ले बल्ले भी कहाँ के थे, फ्रांस के ही थे। तो तीन यूटोपियन थे जो फ्रांसीसी थे, ठीक है, और एक थे जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश अंग्रेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। सेंट साइमन बोले कि प्रत्येक को उनके क्षमता के अनुसार काम दो, बूढ़ा व्यक्ति है तो उनके क्षमता बूढ़ा जैसा है तो उसी टाइप का काम दो, और जितना काम कर रहे हैं उसके अनुसार कार्य के अनुसार पैसा मिलना चाहिए। फॉरियर, ये फॉरियर मतलब फोरा फोरी वाला काम करते थे, डायरेक्टे दोनों के बीच में फोड़ देते थे। फोड़ देने का मतलब क्या था, झगड़ा लगा देना, कि तुम जब गरीब हो तो बड़का बड़का फैक्ट्री में काहे काम कर रहे हो, नहीं करो, ठीक है। बोले कि श्रमिकों को छोटे नगरों या कस्बों में काम करना चाहिए, नहीं तो अपन दुकान वकान कर लो, ठीक है। और लुई बल्ला, इनका तो बल्ले बल्ला था, ये कह रहे थे देखो अगर श्रमिकों, अगर पूंजीपतियों से बदला लेना है तो तुमको राजनीति करना पड़ेगा, नेता होता जरूर बनिएगा ताकि अपने हक की मांग आप कर सके, ठीक है। तो राजनीतिक सुधार, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि राजनीतिक में सुधार लाने की बात किसने कही, तो लुई बल्ला ने बोला था। ब्रिटिश उद्योगपति, ये भी एक क्या थे, यूटोपियन थे। यूटोपियन का मतलब होता है कार्ल मार्क्स के पहले जो लोग भी समाज सुधारने आए थे उन्हें यूटोपियन कहते हैं। ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन थे, ओवन बहुत ही अच्छा व्यक्ति थे, अंग्रेज थे लेकिन अच्छा व्यक्ति थे। ये बोले कि सुनो मैं गरीबों को सब चीज़ दूंगा, ठीक है, जो उनको चाहिए, उनके लड़का लड़की को पढ़ाऊंगा, पढ़ाने का सारा खर्च उठाऊंगा, उनके परिवार का सारा खर्च उठाऊंगा, देखते हैं कि हमारी कंपनी नुकसान में जाती है कि नहीं। सभी कंपनी बोल दी कि इस बार तो रॉबर्ट ओवन का कहानी खत्म, ओवर हो गए, ओवर माने कहानी खत्म, ठीक है। तो ओवन बोले कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ रहने खाने का व्यवस्था, सभी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था करा दी उनके लड़के को, ठीक है, पूरा का पूरा खर्च उठा लिए रॉबर्ट ओवन। और खर्च उठाने के बाद, ठीक है, जब सभी कंपनी बोल दे कि बस इस बार तो बराबर बर्बाद है, लेकिन जब उनका प्रोडक्ट तैयार हुआ और मार्केट में बिकने लगा तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन गया था। पता है क्यों? क्योंकि अब मजदूरों को किसी प्रकार का टेंशन नहीं था, वो मालिक से खुश थे और दिल लगा के काम किए थे, ठीक है, मन लगा के, तब बहुत ज़्यादा उत्पादन भी हुआ था। तब सभी लोगों ने कहा अरे यार ये कैसे हो गया। तब यहाँ पे रॉबर्ट ओवन समझाएं कि एक मजदूर है, अगर वो पूरा खुश रहेगा ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी काम कर देगा तो टेंशन नहीं, खुशी खुशी कर देगा क्योंकि उसका परिवार खुश है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। अब आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं यार, और एक बात बोले, बहुत मजेदार लाइफ है। इन्होंने अपनी बचपन की प्रेमिका जेनी को जानू बना लिया था, नहीं बचपन की प्रेमिका से शादी कर लिया था कार्ल मार्क्स। 5 मई 1818 को जन्म हुआ, याद कैसे कीजिएगा, 5/5/1818। अब इसका मतलब क्या होता है, तो 5 तारीख 5वां महीना, मई को 5वां महीना कहते हैं कि नहीं, तो 5/5/1818 में इनका जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। कहाँ पे, टियर नगर में हुआ था, और ये एक यहूदी परिवार से थे, बाद में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। इनके पिता हेनरी मार्क्स थे जो पेशे के वकील थे, क्या थे, वकील थे। अब देखिए, जब 1818 में जन्म हुआ, जब ये 18 साल के हुए तो विश्वविद्यालय में पढ़ने गए, बर्लिन विश्वविद्यालय। कौन विश्वविद्यालय, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो बर्लिन विश्वविद्यालय में कब गए, तो कहेगा ओ जब 18 वर्ष के हो गए थे तब गए थे, तो 1818 में जन्म हुआ था, फिर 18 वर्ष जोड़ दो तो 36 हो जाएगा, 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय में, और विधि की शिक्षा ग्रहण किए बोन विश्वविद्यालय में, ठीक।
ये बहुत अच्छे अच्छे लोगों का किताब भी पढ़ते थे, और किताब पढ़ने से फायदा ये होता है कि महान महान लोगों की सोच हमारे अंदर आएगी और हम उस तरह बन सकते हैं, ठीक है, उससे प्रभावित होते हैं। तो ये हीगेल से प्रभावित थे, और किसका किताब पढ़ते थे, तो मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचार का अध्ययन करते थे, इनके द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ते थे। अब क्वेश्चन आएगा कि रूसो कहाँ के थे, तो रूसो रूस का नहीं थे, ये तीनों फ्रांस का था ना, तो ये भी रूसो फ्रांस के थे, ठीक। अब देखो 18 में जन्म हुआ, जब 18 साल के हुए तो इन्होंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया, और जब 25 साल के हुए तो सोचे कि अब अपनी बचपन की प्रेमिका का शादी अपने मतलब प्रेमिका से शादी कर लेंगे, और 1843 25 साल देख लीजिएगा, जरूर 25 साल होगा, जेनी से शादी कर ली, और शादी करने के बाद परिवार का खर्च तो चलाना पड़ेगा ना, तो एक साल के बाद जब जॉब के लिए ढूंढ रहे थे तो उनकी मुलाकात एक फ्रेंड से हुई, जिनका नाम था फ्रेंड का फेडरिक नाम था, ये एक ही जैसे ना फ्रेंड और फेडरिक, ठीक है, तो फ्रेडरिक एंगल से मुलाकात हुई शादी के एक साल बाद 43 के बाद 44, ठीक है। आई दोनों ने मिल करके समाज को सुधारने के लिए 4 साल तक मेहनत किया, और इन्होंने 4 साल जोड़ लीजिए 44 के बाद 48 साम्यवादी घोषणा पत्र तैयार किया, एक साम्यवादी घोषणा पत्र, और फिर 1967 में दास कैपिटल की स्थापना की। तो याद रखिएगा 1-9 इसको पलट दीजिए तो 6, 6 के बाद क्या आता है 7, 9 को पलटे हैं तो 6 की तरह हो गया, 6 के बाद 7, 1967 में दास कैपिटल, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है, समझ आया। उसके बाद से इनके 5 सिद्धांत और 6 चरण है, बस इतना ही पूछेगा कि काल मार्क्स के कितने सिद्धांत, तो 5 सिद्धांत, और चरण कितने, तो 6 चरण, ठीक। और उसके बाद से सभी गरीबों को बुला करके और स्पीच दे रहे थे कि तुम लोग अमीरों के नीचे क्यों दबे कुचले हो, ठीक है, उन स्पीच दे रहे थे। इसी को कहते हैं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, 1864 में पहली बार ये गरीबों को समझा रहे थे और कह रहे थे उसमें कि तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है, तुम जाओ ना मालिकों से लड़ो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, जमीन जरा थोड़े क्या कब्जा कर लेगा, वैसे तो करेगा नहीं, तुम अगर उनसे लड़ोगे और जीतोगे तो अपने हाथों की बेड़ियों को जरूर खो सकते हो, ठीक है, ये दिमाग में। श्रमिक, यहाँ देखिए श्रमिक अपनी मुक्ति अपने प्रयत्नों से कर सकता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आगे, ठीक है, अगर श्रमिक चाहे मजदूर चाहे तो खुद आजाद हो सकता है, बस प्रयत्न करो, ठीक है, और जा करके फैक्ट्री में काम मत करो, पहले बोलो कि हमारा अधिकार दो, तब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम काम करेंगे। तो अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, इसी प्रथम स्पीच में बोले हैं। और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जैसे ही हुआ तब तक की कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो चुकी थी, तो अब द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में स्पीच कौन देगा, तो जो कार्ल मार्क्स के फैन लोग थे ना वो बोले कि जाने दो, वो तो चले गए ना, उनके चेले हम लोग हैं ना, हम लोग मीटिंग बुलाएंगे। तो उनका उनकी मृत्यु हो गई थी 1883 में, कब 83 में, लेकिन ये देखिए तो ठीक इसके कितने 5 साल के बाद, ये 5 साल लगभग हुआ, 6 साल के बाद ये मीटिंग हुआ था, 1889 में मीटिंग हुआ था, जिसमें 20 देश के लोग आए थे, सब लोग मार्क्स से प्रभावित थे, और उसमें 400 प्रतिनिधि थे, ठीक है। वहां पर तय हुआ कि मजदूरों को काम करने का समय मात्र 8 घंटा रहेगा, ठीक है, और 1 तारीख को यह तय हुआ था, इसीलिए 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो यही निर्णय लिया गया कि 1 मई को हर साल मजदूर दिवस मनाया जाएगा, ताकि ये दिन हमेशा याद रहे। तब तक पता है क्या हुआ, इसके ठीक 1 साल के बाद 1890 में, कब 1890 में, यूरोप और अमेरिका के मजदूरों ने भी हड़ताल कर दिया, ठीक है, और उन्होंने बोला कि जी 1 मई को ही मजदूर दिवस मनाना है, और पूरी पूरे विश्व में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। तो ये आपको कार्ल मार्क्स समझ में आ गया होगा। इसके बाद से हम लोग अगले लेयर में ये देखते हैं रूस की क्रांति, आखिरकार रूस में क्या हुआ कि वहां पे क्रांति हुई, वहां के राजा को भागना पड़ा, क्योंकि वहां की जो राजा की पत्नी थी जिसका नाम था जरीना राजा की पत्नी थी, लेकिन इसका सेटिंग किसी और व्यक्ति से चल रहा था, और ये व्यक्ति जैसे जैसे जरीना को समझाएगा, जरीना अपने पति देव यानी राजा को समझाएगी, और इस तरह राजा पूरे प्रजा को परेशान करेगा, और अंत में प्रजा गुस्सा होकर के और राजा को हटा देगी, जरीना को जला देगी, मारेगी। और जिनका सेटिंग चल रहा था ना, वो पता है क्या थे, धर्म के गुरु थे, जैसे हिंदू में पंडित जी लोग होते हैं ना, तो वैसे ईसाई में पादरी फादर लोग होते हैं, फादर से सेटिंग चल रहा था जरीना का, ठीक है। तो इसके अगले वाला लेयर में देखते हैं कि रूस में क्रांति का कौन सा कारण था। अब यहां देखते हैं कि रूस में क्रांति के क्या क्या कारण थे, और रूस की क्रांति को कराने में सबसे महान व्यक्ति लेनिन का कौन कौन सा योगदान है, कितने पापड़ बेलने पड़े, कितने राजनीति करना पड़ा जिससे रूस पूर्णतः आजाद हुआ, और लास्ट में जो USSR था जो बहुत बड़ा था वो 15 हिस्सों में टूट गया। इसको डीपली समझते हैं। यहां देखिए रूस में क्रांति के कारण था क्योंकि वहां का राजा
बड़ी निरंकुश था, निरंकुश था नहीं बेचारा, बहुत अच्छा था, लेकिन पता है उसकी बीवी उसको चढ़ा देती, क्योंकि बीवी को चढ़ाने वाला बीवी का एक बॉयफ्रेंड भी था, ठीक है, जिसका नाम था राजपूतीन, राजगुरु था, ठीक है, राजगुरु था पूरे महल का, लेकिन सेटिंग चलता था किससे, जॉर्ज निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना से, और जरीना चढ़ाती थी राजा को, इसीलिए वह निरंकुश हो गया और अयोग्य शासक था जॉर्ज निकोलस द्वितीय, ये याद रखिएगा। दूसरा था कि वो कृषकों की दयनीय स्थिति हो गई, क्योंकि वो किसानों से, मतलब किसानों को परेशान करता था, सबसे ज़्यादा किसानों को टैक्स देना पड़ता था, और आप बताइए कि किसानों का जमीन बड़ा था नहीं, जमीन छोटा था, वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, और धीरे धीरे किसानों पर कर्ज का बोझ लदता गया, जिसके वजह से उनको क्रांति के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं समझा, और उन्होंने राजा का विरोध करना शुरू कर दिया। 1861 में एक राजा आया जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय, इन्होंने कृषि दासता समाप्त किया, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो फिर भी वो लोन यानी कि कर्ज नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनका जमीन छोटा था, इस छोटे जमीन में कितना खेती कर पाएंगे। दूसरा, मजदूरों की दयनीय स्थिति, मजदूरों से जितने भी पूंजीपति कंपनी वाले लोग थे वो काम तो करवा लेते लेकिन समय पे मजदूरी नहीं दे रहे थे, इससे मजदूर भी गुस्सा। और आप बताइए कोई भी झगड़ा कब होता है, लोग कहता है कि बर्दाश्त कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, उसी तरह जनता बर्दाश्त कर रही थी, ठीक है, पहला कि राजा निरंकुश है, चलो बर्दाश्त कर लिए, किसानों को अत्याचार किए गए किसानों पर, चलो भाई बर्दाश्त कर लिए, मजदूरों पर अत्याचार किए तो भी बर्दाश्त कर लिए। अब पता है क्या रूस के राजा कर रहे हैं, रूस में, रूस के साइड से जो भी देश है रूस उस पर कब्जा कर लिया था, अब पता है रूस क्या किया, रूस कह रहा है कि हमारे देश में जो भाषाएं बोली जाती है, जो पर्व त्यौहार संस्कृति अपनाई जाती है, तुम भी वही करो, इसी चीज को कहते हैं रूसीकरण। रूसीकरण किसे कहते हैं कि रूस को छोड़ करके और भी देशों में अपना जबरदस्ती रूस भाषा को थोप देता था, ठीक है, भाषा शिक्षा संस्कृति को जबरदस्ती लाद देता था, इसको रूसीकरण कहते, फिर भी लोग गुस्सा कि भाई हम अपना छोड़ के तुम्हारा राष्ट्रगान तुम्हारा सब कुछ क्यों अपना है, ठीक है, यहां तक तो लोग बर्दाश्त कर लिए, चलो भाई रूस बहुत बड़ा है, ताकतवर है, तो चुपचाप लोग शांत है। लेकिन पता है रूस की कमजोरी कब पता चली, जब दूसरे देश से हार गया, तब वो लोग बोला रे चोट्टा तू एगो बात बताओ, ठीक है, तू इतना ही मजबूत है तो और देश से हार क्यों जा रहा है, इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर कुछ है नहीं, हम लोग भी एकजुट होकर के तुमको हरा सकते हैं। तो वही विदेशी घटना जब जब हुआ तब तब रूस हार गया, क्रीमिया के युद्ध में रूस हार गया, लो भाई 1853-54 में हुआ था ना क्रीमिया का युद्ध, याद रख लीजिएगा। उसके बाद से मजा तब आ गया जब 1904-5 में रूस एक छोटू सा देश जापान से हार गया, और जब जापान से हारना तब लोगों के अंदर गुस्सा आ गया, और उसे हार के जब सेना लौट रही थी तो उनसे पूछा गया कि चचा काहे हार गए आप, तो पता है झूठ मूठ का राजा बड़ा बनता है, ठीक है, खाने के लिए हम लोग पास नहीं था, ठीक है, हथियार नहीं था कि दूसरे देश से लड़ सके, हम लोग सिर्फ बड़ा है, कुछ नहीं था। तब लोगों के अंदर गुस्सा आया और लोग राजा के महल की तरफ दौड़ उठे कि रे चोटा हम लोग भूखे मर रहे हैं, और वहाँ सैनिकों को कुछ खाने के लिए नहीं है, हमारे घर के लोग मरा जा रहे हैं जा करके। वहाँ राजा, वो महल का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग महल, ठीक है, वहाँ सभी लोग रोटी दो के नारे लगाते हुए चल दिए, राजा को डर हो गया कि अब छोड़ेगा नहीं, अब तो हमारा सच पता चल गया है, तो अपने सैनिकों को बोला कि महल के सामने खड़ा हो जाओ और सबको मार दो, ठीक है। वह दिन रविवार का था, 9 जनवरी 1905 वाला ही दिन था, जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। महल का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग महल। उसके बाद से मार्क्सवादी प्रभाव पड़ा, ठीक है, बुद्धिजीवी लोगों का योगदान, कुछ बुद्धिजीवी लोग आए और बोले कि राजा ऐसे नहीं मानेगा, हम सबको गुट बनाना पड़ेगा। लेकिन आप बताइए कभी कभी होता क्या है कि गुट बनाने के बाद अगर दो गो मालिक बन जाएगा ना तो वो गुट टूट भी जाता है, यानी कि जो सभा बनता है वो टूट भी जाता है। वही कुछ यहाँ हुआ, गुट तो बन गया, पहला साम्यवादी प्लेखनोवा था, वो उस एक ही चीज चाहता था कि निरंकुश राजा का अंत हो, क्या हो, अंत हो, इसीलिए उन्होंने रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1898 रट लीजिए, 1898, ठीक है, 1898 में किया, कौन, रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किया, लेकिन वो 5 साल बाद भंग हो गया, लेकिन वो भंग होगा उसके बाद, उससे पहले भी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी की स्थापना 1901 में हुई, ठीक। अब 1858 में जब रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई और 5 साल के बाद भंग हुई 1903 में, तो गिन लीजिए 5 साल, 1903 में जब भंग हो गई तो वो पार्टी दो हिस्सों में बट गया। अब दो हिस्सा बट गया क्योंकि उसमें दो आदमी थे, एक वो कुछ और कह रहा था, एक कुछ और, अब बताइए ये दोनों अपने में फिर लड़ेगा, अब फिर राजा आके कब्जा करेगा, ठीक है। तो अब देखिए किस तरह दो वर्ग, एक वर्ग का नाम पड़ा बोल्शेविक और एक वर्ग का नाम पड़ा मेंशेविक। अब ये बोल्शेविक कौन थे और मेंशेविक कौन थे,
तो मेन सिविक में जितने भी लोग थे ये सिर्फ मध्यम वर्ग को ऊंचा दिखाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन जो बोल सेविक थे, बोलने वाला बोल सेविक, इसमें सभी वर्ग के लोग थे, यानी सर्वहारा वर्ग के लोग थे, और बोल सेविक चाहता कि सभी लोग बराबर रहे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बोल सेविक का सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो बोल सेविक में ज़्यादा जनसंख्या थी और मेन सेविक में कम जनसंख्या थी, इसलिए मेन सेविक खत्म हो गया और बोल सेविक बन गया एक पार्टी। और यही बोल सेविक जो दल है ये पूरे रूस को आज़ाद करेगा, और इसी बोल सेविक का नेता एक सबसे महान व्यक्ति लेनिन बनेगा, ठीक है। और इसी के जरिए रूस क्या होगा, इसी दल को आगे बढ़ाएगा और रूस को आजाद करेगा। यहां देखिए प्रथम विश्व युद्ध भी प्रभाव पड़ा, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था उस वक्त रूस फिर आ गया, हर जगह से रूस हार रहा था, फिर यहां लोग महल के तरफ चले एकदम दौड़ते हुए, रोटी दो के नारा लगाते हुए। 7 मार्च को पेट्रोग्राद सड़क पर जुलूस निकल गया, 8 मार्च को कपड़ा मिल जो होता है उसमें महिलाएं भी 8 मार्च को हड़ताल कर दी, इसलिए 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन महिलाओं ने भी क्रांति कर दिया था, ठीक है। और सभी लोग रोटी दो के नारा लगाते हुए, फिर वही खूनी रविवार दोहराने वाला था, कौन, आपका जॉर्ज निकोलस जो वहां का उस समय शासक था, ठीक है। लेकिन इस बार सेना गोली नहीं चलाई, पता है क्यों, क्योंकि आप बताइए जो सेना में लोग होते हैं हमारे और आपके घर से ही तो होते हैं, तो इस बार वही सेना विद्रोह कर दी कि नहीं हम राजा का बात नहीं मानेंगे, बहुत विश्वसनीय सेना थी लेकिन राजा का विद्रोह कर दी। उस सेना का नाम था, यहाँ देखो, प्रेओबाइसेस्की, उस सेना का नाम क्या था, प्रे माने प्रार्थना करना, प्रेओबाइसेस्की रेजिमेंट उस सेना का नाम था, उन्होंने खुद राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब राजा बोला कि बाप रे हमारी विश्वसनीय सेना ही विद्रोह कर दी, और राजा को वहां से भागना पड़ा। अब देखिए यहाँ देखिए 12 मार्च को राजा पलायन हो गया, ये याद रखिएगा। अब राजा तो वहां से भाग गया, समझिएगा ध्यान से, तो फिर कोई राजा बनेगा ना, तो एक बुर्जुआ वर्ग था वही सरकार चलाए 15 मार्च को, ये भी अच्छा नहीं था, इसको भी हटा दिया गया। तब एक व्यक्ति है क्रेंस्की, ये अपना सरकार वहां बना लिया। अब बोले कि रे तो सब निरंकुश, ये सब घटिए राजा है। तब लेलिन है, बोला कि क्रेंस्की तुम हट जाओ, तो ये बोला कि नहीं हटेंगे। लेलिन भाग चुका था, राजा इसको भगा दिया था। जब वो आया तो पूरे के पूरे रूस के लोग खुश हो गए कि आ गया लेलिन, अब तो कुछ करेगा, अब क्रेंस्की को हटाएगा। तो आया वो 1917 में अप्रैल में पेट्रोग्राद सड़क पर पहुंचा, यानी पेट्रोग्राद पहुंचा, और वहां से क्रेंस्की की सरकार को उलटने पलटने का एकदम कसम खा लिया कि आज के बाद जब हम आ गए ना, तब क्रेंस्की की उल्टी गिनती शुरू। उन्होंने जाते जाते सबसे पहले यहाँ समझिएगा 7 नवंबर 1917, याद रखिए नवंबर यही है, नवंबर अक्टूबर नवंबर की घटना, 7 नवंबर 1917 को रेलवे डाक सभी घरों पर जाकर के कब्जा कर लिया, क्योंकि सभी रूस के लोग किसके साथ थे, लेलिन के साथ थे, ठीक है। सभी सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया, और फिर अंत में क्रेंस्की को क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। जब भागा वो दिन था नवंबर यानी अक्टूबर का समय था, कब था, अक्टूबर, इसी को अक्टूबर या नवंबर की क्रांति कहते हैं, याद रहेगा। इस तरह से आपका रूस आज़ाद हो गया और रूस के सभी छोटे छोटे साइड में जो देश थे वो एक हो गए और एक होकर बनाए यूएसएसआर, ठीक है। 1918 याद रखिए, 1918 में यूएसएसआर का गठन हुआ और उस वक्त अध्यक्ष बना लेलिन और विदेश मंत्री बना ट्रास्की। लेकिन कहा जाता है ना कि हमेशा किसी ना किसी का नज़र लग जाता है, फिर एक बार रूस पर ग्रहण लग गया। कब, यहाँ देखिए, उन्हें देखिए लेलिन बहुत अच्छा नीति अपनाया, लेलिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई, ठीक है, 1921 में नई आर्थिक नीति अपनाई, उसमें बोले कि किसानों को ज़्यादा दबाव आप लोग मत दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए किसानों से निश्चित कर लिया जाए, निश्चित यानी वो फिक्स कर दो, उसके बाद जितना संपत्ति होगा वो सब किसानों का होगा, बाकी संपत्ति किसानों की होगी, जमीन राज्य की होगी, ठीक है। और राज्य के जरिए जमीन का हक किसको मिलेगा, किसानों को भी दिया जाएगा, किसी दूसरे पूंजीपति वर्ग को नहीं दिया जाएगा। विदेशी पूंजी भी सीमित कर दी गई कि भाई ज़्यादा विदेश से लोग नहीं आएंगे, ठीक है, विदेशी तौर पर ही आमंत्रित नहीं किया जाएगा। विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए ताकि किसानों को लोन दिया जा सके, ठीक है, और लोन को माफ भी किया गया। और बीमा योजना, किसानों को अगर किसी भी फसल का नुकसान होता है तो सरकार उसका भरपाया करेगी, ये सब अच्छे अच्छे नियम 1921 के नई आर्थिक नीति में लगाया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1924 में ठीक 3 साल के बाद लेलिन की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से जो बहुत बड़ा यूएसएसआर था वो टूट गया 1991 में, कब, 91 में, कब टूट गया, 1991 में,
यूएसएसआर टूट गया और सोवियत, वही सोवियत रूस, यूएसएसआर को सोवियत संघ बोला जाता है। सोवियत संघ का विघटन 1951 में हुआ, यह याद रखेंगे। लेकिन उससे पहले 1885 में मिखाइल गोरबाचोक राष्ट्रपति बने थे रूस का, यह भी आप याद रखिएगा। और ये भी आप याद रखिएगा 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, ठीक है, टूट गया था। इसके बाद से थोड़ा बहुत कहानी है, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आता है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा लेसन समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इसके बाद वाले लेसन में हम लोग कुछ जहर पुदीना का नाम, काफ़ी मोटे लग रहे हैं एकदम ज़बरदस्त। तो चलिए इस लेसन की शुरुआत करते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद, ये नाम में ही बहुत बड़ा जादू है। और इस लेसन को बाबू जितने भी आप लोग होते हैं अधिकतर कहते हैं सर ये लेसन हमको याद ही नहीं होता है, समझ में ही नहीं आता है, बता रहे हैं क्यों नहीं आता है, ठीक है। वजह ये है कि इसमें नाम होता है जहर पुदीना की तरह, फान बोई चाओ दुई तान हुई, ये सब नाम है, ऐसे ही नाम रहता है जिसकी वजह से याद नहीं होता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम लोग ना इसको हंसते में और इतना ना मजाक बना देंगे कि ये याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से इसको सेशन को आप लोग पहले शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर लेसन को देखते हैं, हिंद चीन इस लेसन का नाम पड़ा क्यों है। और राष्ट्रवाद तो आप लोग जानते ही हैं, राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश के प्रति अगर आपको लगाव हो जा रहा है तो वो अंदर का जो लगाव है, जो भावना है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो आखिरकार हिंद चीन कहाँ है और यहाँ के लोगों को अपने देश से प्रेम क्यों हो गया। लग रहा है कि कोई देश पर आया होगा और आके कब्जा किया होगा, फिर वहाँ के लोगों को अपने देश के प्रति प्यार जगा होगा और उस कब्जा किए हुए जो व्यक्ति हैं उनको मार करके यहाँ से भगाए होंगे, ठीक है, और वहाँ उसको आज़ाद कराए होंगे। तो ये हिंद चीन वाला इलाका है कहाँ, तो अभी ये नहीं है। हाँ, सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। देखिए, ये हिंद चीन वाला इलाका भारत के, आप देखिए, पूर्वी साइड में पड़ता है। भारत के मैप में जो सेवन सिस्टर है उसके पूर्वी साइड ये पूरा का पूरा इलाका पड़ता है। हिंद चीन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कुछ इलाका पर हिंदुस्तान का कब्जा था और कुछ इलाका, कब्जा नहीं बोलेंगे, अधिकार था, और कुछ इलाका पर चाइना का कब्जा था। तो देखिए, ये एक इलाका लाओस और कंबोडिया पर भारत का हिस्सा है और ये पूरा का पूरा वियतनाम पर चाइना का हिस्सा है। चाइना इधर संभाल रहा था, बहुत खुशी खुशी लोग रहते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन एक ऐसी तूफान आई जिसके वजह से आकर के ये पूरा का पूरा गुलाम हो गया। आखिर वो कौन सा तूफान है, तो वही बात है, उधर से यूरोप से चल दिए कंपनी सभी और आकर के यहाँ कंपनी बैठाए, माफी हाथ जोड़ के बोले कि थोड़ा सा कंपनी बैठाने दो, बस अपना सामान बेच के और चले जाएंगे। और धीरे धीरे कंपनी बैठाते बैठाते इस पर पूरा का पूरा कब्जा कर लिए। तो बहुत सारे देश आए थे लेकिन दो ही देश रह गए, वो था इंग्लैंड और कौन था, फ्रांस था, ठीक है। सभी देश आए थे यहाँ पे व्यापार करने, लेकिन सिर्फ फ्रांस इस मकसद से आया था कि आकर के पूरा कब्जा कर लेंगे। अब पूछिएगा सर ऐसा क्यों, तो बता रहे हैं फ्रांस चाहता था कि पूरा पर कब्जा कर लेंगे तो जो यहाँ अनाज हम उपजाएंगे, ठीक है, किसानों को पैसा देंगे उपजाओ, और उस अनाज उपजे हुए से हम जो भी सामान बनाएंगे चाहे जो भी चीज़ें व्यापार करेंगे तो हम अकेले करें। अगर दो चार गो कंपनी आ जाएगी, दो चार गो देश आ जाएगा तो बताओ सामान ज़्यादा बनेगा तो भाव गिर जाएगा। इसीलिए चाहता था फ्रांस की सब पर कब्जा करके अकेले ही राज करें, लेकिन इंग्लैंड उसका सौतन का काम करता था, छोड़ने वाला नहीं था। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि पहले आने की शुरुआत किसने की। सबसे पहले हिंद चीन पूरा का पूरा 2.80 लगभग 3 लाख किलोमीटर में ये पूरा का पूरा फैला हुआ था, ठीक है, ठीक है। प्रभाव क्षेत्र, अब प्रभाव क्षेत्र में आपको बता दिया कि वियतनाम में किसका प्रभाव था, पूरा का पूरा प्रभाव चाइना का था, और लाओस और कंबोडिया पर भारत का प्रभाव था, ठीक है। अब बता रहे कि भारत में यहाँ पे भारत के एक राजा रहते थे और आकर के एक राज्य की स्थापना की, उस राज्य का नाम था कंबोज। कंबोज की स्थापना 4वीं शताब्दी में किए थे और 16वीं शताब्दी में इस राज्य का अंत भी हो गया क्योंकि आ गए थे अंग्रेज। कौन आ गए थे, अंग्रेज, फ्रांसीसी आ गए थे, इंग्लैंड वाले आ गए थे 16वीं शताब्दी में। 4 चौका 16 याद रखिएगा, 4वीं में आए, 16वीं में उनका राज्य खत्म हो गया। उन्होंने ही, वहीं के एक राजा थे भारतवंशी, 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन द्वितीय, रख लीजिएगा, सूर्य ने अंकुरवाट का मंदिर बनाया था जो कि विष्णु भगवान का मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकुरवाट का मंदिर है, ये याद रखिएगा, ठीक है, जो अपने भारत देश में नहीं है, ये कहाँ पे है, कंबोडिया में है, ठीक है। इसको सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, सब लोग कब्जा कर रहे थे। अंत में इनका 16वीं शताब्दी में, कौन से 16वीं शताब्दी में, इनके राज्य का कहानी खत्म हो गया। 4वीं में अपने राज्य कंबोज बनाए, ठीक है, 12वीं में इन्होंने मंदिर बनवाया और 16वीं में पूरा का पूरा राज्य ही खत्म हो गया, ठीक है। अब आ गई कंपनी, कंपनी का आगमन हो गया, सभी लोग बताए थे ना, आए थे अधिकार करने, लेकिन फ्रांस जो था, फ्रांस आया था यहाँ कब्जा करने के लिए, साम्राज्य। सबसे पहले यहाँ आए वास्को डी गामा, वास्को डी गामा कहाँ के, पुर्तगाल के थे। सबसे पहले वो पूरा भुलाते उलाते कहीं कहीं से आए और आ करके और भारत किसी तरह पहुँच गए, ठीक है। जब भारत पहुँच गए उसके बाद से सब लोग सोचे कि अब सब लोग, जब
पहुंच गए ना तो यहाँ व्यापार किए ना तो 60 गुना फायदा हुआ। माने अगर 1 रुपये का सामान खरीदेंगे ना तो 60 रुपये में बेचे, तो इतना फायदा हुआ था। तो सभी कंपनी को लालच आ गया, जा रहे हैं वहीं से सामान लाने, सस्ता मिल रहा है, और वहीं से आते आते सामान ले जाते थे, व्यापार करते थे, और बाद में जानते हो क्या किए, बोले कि अब उतना दूर कौन ले जाएगा बेचने के लिए, यहीं पर बाजार बनाते हैं, यहीं के लोगों से यहीं बना के बेच देते हैं, और इस तरह से कब्जा करने लगे। सिंपल। अब फ्रांस यहाँ पे 1510 में मलक्का के व्यापारिक केंद्र पर कब्जा कर लिया, हिंद चीन के साथ व्यापार शुरू कर दिया। इनके साथ हिंद चीन, इनके साथ आकर के व्यापार शुरू हो गया 1510, मलक्का व्यापारिक केंद्र बन गया। एक मलक्का बन गया कि सभी बाहर के व्यापारी मलक्का केंद्र में रहेंगे। फ्रांस किस पर कब्जा किया, बाकी सबको छोड़ते हैं, फ्रांस में बड़ी मजा है, जानते हो क्यों? क्योंकि फ्रांस चाहता है कब्जा करके अपना राज जमाए। अब कहिएगा सर तो उसको भगाने वाला कोई नहीं था, बता रहे हैं सबसे महान तो नहीं बोलेंगे, सबसे खतरनाक देश फ्रांस का सपोर्ट कर रहा था अमेरिका, पैसा दे रहा था कि टेंशन मत लो, हथियार सब लेते जाओ, कुछ करो लेकिन यहाँ कब्जा करो। बहुत अमेरिका चुट्टा है, सौतन है, केहू को देखना नहीं चाहता है। यहाँ देखिए, फ्रांस द्वारा उपनिवेशिक स्थापना 17वीं शताब्दी में आ गया, 17वीं शताब्दी शुरू हो गया, और आते आते कब्जा शुरू 1947 में अपना देश आजाद हुआ। लेकिन आपको याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, 1747 याद रखिए, 47 है ना, 1747 में आया, और आते आते इस इलाका में ये है उत्तरी, देखो वियतनाम भी टूट गया था, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, ऊपर उत्तर होता है, उत्तर ऊपर एक जैसा होता है ना, तो यही याद रखिएगा। इस साइड एक था तोकिम, कौन जगह है तोकिम, और इस साइड था अन्नाम, अन्नाम लिख लीजिए अन्नाम। आते आते बोला कि सबसे पहले यहाँ कंपनी बैठेंगे, अन्नाम में रुचि लेने लगा कि वाह बहुत अच्छा लग रहा है, इस पर कब्जा, उसके बाद इस पर कब्जा, फिर इस पर कब्जा, फिर पूरा पर कब्जा कर लेंगे, कोई कंपनी नहीं आएगी, अकेले हम राज करेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो ये 1747 में अन्नाम में रुचि लिया, और रुचि लेने के बाद यहाँ के सैनिकों के साथ संधि की, सैन्य संधि 1862 में कर लिया सैन्य संधि, और पूर्णतः कब्जा कर लिया 1884 में। देखिए यहाँ पे 47 में रुचि लिया, 62 में कब्जा किया, 1700 है या 1800 है, 62 में सैन्य संधि, ये सिर्फ किसका बात है, अन्नाम का, लेकिन इससे पहले ही सब कब्जा कर लिया था, 1884 में अन्नाम पर कब्जा किया। लेकिन यहाँ देखिए, बात करते हैं इसके ऊपर वाला एक जगह था तोकिम, इसके बाद से 1783 में, कब बाबू, 1783 में तोकिम में सेना प्रवेश, अपना सेना कहाँ भेज दिया, तोकिम में भेज दिया, यानी कि यहाँ पे तोकिम में अपनी सेना भेज दी, ये भी समझ गए। और यहाँ देखिए अब ध्यान से, 1787 की बात करें, 83 के ठीक 4 साल बाद, तो नीचे एक जगह था कोचीन चीन, कौन सा जगह था, कोचीन चीन, कोचीन चीन में चीन के साथ संधि कर ली। अब कहेगा सर 87 में क्या हुआ, तो यहाँ पे चाइना का कब्जा था, कोचीन चीन लिखा है ना, चाइना का आखिरकार ये सैन्य संधि यहाँ क्यों किया, यहाँ का राजा बड़ी बेकार था, ठीक है, वो जनता को परेशान करता था, जनता इसको मारने दौड़ी, ठीक है, तो ये जाके मिल गया फ्रांस से, क्योंकि यहाँ फ्रांस का कब्जा था, फ्रांस से बोला कि प्लीज़ हमको राजा साहब बचा लीजिए ना किसी तरह, आप जो बोलिएगा सो बोलेंगे, तो बोला कोई बात नहीं, अच्छा जो बोलेंगे करोगे काम, तो हाँ, तो इसको राजा ने बचा लिया, कोचीन चीन के राजा को, कौन, फ्रांस के शासक, यानी कि फ्रांस का जो यहाँ अधिकार कंपनी की थी, वहाँ के लोगों ने इसे बचा लिया, और उसके बाद से ये पूरा का पूरा कोचीन चीन बेचारे को गंवाना पड़ा। याद है कोचीन चीन के साथ संधि, और अंत में 1862 में कब्जा कर लिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अन्नाम भी 62 में ही सैन्य संधि हुआ है, सेना के साथ संधि, और उसी समय उसके नीचे वाला इलाका में, इस इलाका में भी पूर्णतः क्या हो गया है, कब्जा हो गया है, ठीक है। अब आते हैं कंबोडिया, 62 के बाद 63 में इसी के पड़ोसी कंबोडिया ले गए। यहाँ देखिए, यहाँ भी 62, ये भी 62 में गया 1800, और ये 63 में कंबोडिया पर कब्जा हो गया, ठीक है। और 1904 में लाओस भी खत्म, 1904 में लाओस भी खत्म, लगभग ये 19वीं शताब्दी नहीं, 20वीं बोला जाता है, क्योंकि एगो कम करके लिखा जाता है, 20वीं शताब्दी माने 1901 से शुरू होता है, तो 20वीं शताब्दी तक पूरा का पूरा इस पर कब्जा हो गया, इतना आप समझ गए होंगे। अब बात करें संपूर्ण हिंद चीन पर क्या हो गया, कब्जा हो गया। हिंद चीन नाम क्यों, कुछ इलाका पर हिंदुस्तान और कुछ इलाका पर चाइना का कब्जा था, इसीलिए इसे हिंद चीन कहते हैं। अब यहां देखिए,
उपनिवेश बनाने के कारण क्या थे, काहे आखिर गुलाम बना रहा था? तो आपको बताए थे ना काहे बना रहा था, क्योंकि दूसरा देश आकर के व्यापार नहीं करे, अन्य देश से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं रहे कि सब लोग आके यूं में व्यापार करेगा तो सामान का भाव गिर जाएगा, जिसमें इंग्लैंड सबसे ज़्यादा चाहते ही नहीं था फ्रांस की इंग्लैंड आए। ठीक है, अधिकार वाले क्षेत्र कहाँ कहाँ, तो देखो कितना अच्छा अच्छा जगह आके कब्जा किया है, ताकि कोई अइबे नहीं करेगा, कोई भी आएगा तो बड़ा बड़ा नाव से पहले आता था लो। तो देखिए पहले करके व्यापारिक नगर जितना भी है, बड़ा बड़ा बाजार, उस पर कब्जा किया। बंदरगाह, जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा जहाज रुकती है वहाँ कब्जा कर लिया, जिसमें लाल घाटी जो है तोकीम में है। कहाँ पे है? लाल घाटी के तोकीम बंदरगाह एक है, यहाँ पर कब्जा कर लिया। या मेकांग नदी कंबोडिया में है, ये नदी दिख रहा होगा ब्लैक से ऐसे, यहाँ पे आके कब्जा कर लिया। और देखिए लास्ट में ये कुचिनचिन है, तो यहाँ एक डेल्टा बनेगा, डेल्टा माने पानी ऐसे जाता है ना और यहाँ फैल जाता है ऐसे, तो यहाँ पे बना डेल्टा, इस डेल्टा पर भी कब्जा किया था जो कुचिनचिन में है। तो याद रखिएगा मेकांग डेल्टा और मेकांग नदी दोनों पर कब्जा कर लिया। देखते हैं कहाँ से आते हो, कौन कब्जा किया? फ्रांस कब्जा किया। अब देखिए, अब इस लाइन को डीपली समझने के लिए थोड़ा सा बात समझिए। कब्जा कर लिया, अब बोला कि अब व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन मामला ये फंस गया। वो सोचा कि मान लीजिए कि हमको अगर चीनी बनाना है तो फिर ईख तो उपजाना पड़ेगा ना, तो ईख उपजाने के लिए किसानों को पैसा देना पड़ेगा, तब ना किसान उपजाएगा, और फिर किसान उपजा भी लिया तो सड़क अच्छा रहेगा, तो गाड़ी से सब ईख ढो लेगा। ठीक है, तो उसके लिए सोचा कि थोड़ा सड़क बनवा लें, थोड़ा खाद बीज दे देंगे तो ईख अच्छा उपजेगा, हर चीज़ अच्छा उपजेगा। ठीक है, ऐसा होगा कि नहीं? थोड़ा सा नहर बनवा देंगे तो पटौनी यानी सिंचाई के लिए भी व्यवस्था हो जाएगा, तो हर चीज़ डेवलप कर दिया। इससे पता है क्या हुआ? पूरा का पूरा वियतनाम, पूरा हिंद चीन ही बात करें, पूरा डेवलप हो गया, सड़क बन गया, रेलवे मार्ग बन गया। ठीक है, और उस साल चावल खूब ज़्यादा हुआ था, क्योंकि नहर का निर्माण तो हो ही गया था, पानी अच्छा बताइए धान रोपने के लिए पानी चाहिए ना, तो ये सब चीज़ बाबू बन गया था, हर चीज़ का निर्माण हो गया था। और उस साल पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पूरे विश्व में नंबर 3 स्थान पर वियतनाम हो गया था चावल उपजाने में। ठीक है, चावल उपजाने में इतना अच्छा हुआ था, सब कुछ डेवलप हो गया था, लेकिन आप बताइए इससे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब सोचिएगा सर ये क्यों, अच्छा बात है बाबू, ये सारा चीज़ें वो फ्रांस के लिए ना उपजाते थे। ठीक है, तो किसानों की ज़िंदगी वैसे ही रह गई और कंपनी बहुत मतलब बढ़ गया, किसान पूरा का पूरा उब गया। अब सोचे कि नहीं, हम अपने इलाका में इतना सुविधा है, हम क्यों नहीं यहाँ से फ्रांसीसी को भगा दें, सब फ्रांसीसी इंग्लैंड जितना भी सब आया है, सब धनिया तेजपात सबको हटा देते हैं और हम लोग किसान अपना खेती करते हैं। तो उसके लिए आप सोच के देखिए कि उसके लिए गुट बनाना पड़ेगा ना, सब लोग एक होंगे तब ना, तो सब लोग एक होंगे तो कौन करेगा? जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, वो ना करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हुआ कि सभी लोगों को एक करने के लिए कुछ बुद्धिजीवी लोग आए, जिसमें आपको हो ची मिन आ जाएंगे, फान बोई चाऊ आ जाएंगे। फान बोई चाऊ माने चाऊर को फांकते हो ना, फान बोई चाऊ। इन्होंने कुछ कुछ मीटिंग बनाने के, सॉरी, इन्होंने दल बनाया। दल का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम रख दिया। तो फान बोई चाऊ ने दुई तन हुई दल बनाया था, माने लोगों का एक दल। ठीक है, कुछ बनाए थे वियतनाम को एक करने के लिए। ठीक है, कौन सा? हो ची मिन। हो ची मिन पूरे वियतनामे को नहीं, पूरे हिंद चीन को एक करना चाहते थे। तो कुछ बुद्धिजीवी लोग आएंगे, उनके बारे में देखते हैं। पूरी तरह से हिंद चीन पर फ्रांस का कब्जा हो चुका था, लेकिन यह कब्जा कितने दिन तक रह सकता है इसको देखते हैं, या फिर अभी अभी वो हटने वाला है, क्योंकि सभी लोगों के अंदर, किसानों के अंदर गुस्सा छा गया था कि अब किसी तरह फ्रांस को भगाना है। इसके लिए बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग ने सभी लोगों को एक करके गुट बनाना शुरू कर दिया, एक संगठन बनाना शुरू कर दिया, जिसमें 4 से 5 लोगों के बारे में जानना है। यहाँ देखिए पहला व्यक्ति थोड़ा सा अजीब है नाम, लेकिन आप बताइए, धान रोपते हैं ना तो फान बोई चाऊ, चाऊ यानी चाऊ रोपते हैं, चाऊर बोई। तो यहाँ देखिए फान बोई चाऊ याद रहेगा, बो रहे हैं क्या? चाऊ। इन्होंने एक संगठन बनाया, सभी लोगों को इकट्ठा करके एक संगठन बनाया, ताकि फ्रांस के खिलाफ लड़ा जा सके, जिसका नाम था दुई तान होई। जब आप चाऊर कब होता है? जब धान तान हो जाएगा, तो याद रहेगा दुई तान होई, तान से धान याद रखिएगा, यानी चाऊ और धान। जहाँ देखिएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दुई तान होई संगठन किसका है, किसके द्वारा लिखा, मतलब ये संगठन बनाया गया, तो फान बोई चाऊ के द्वारा 1930 में। ये एक क्रांतिकारी संगठन था, और इस क्रांतिकारी संगठन के मेन नेता कौन थे? तो कुआंग दे। कौन नेता थे? कुआंग दे। यानी कि चाऊर धान रोपे तो चाऊर हो गया, बाद में मांग रहे दे। ठीक है, तो मेन नेता कुआंग दे।
फान बैचाओ ने एक किताब लिखा, देखे कि बाप रे बाप पूरा का पूरा वियतनाम में फ्रांसिसियों की वजह से लॉस हो रहा है, तो उन्होंने फ्रांस वियतनाम का इतिहास लिख दिया, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। किसने लिखा है? फान बुई चाऊ, चाऊर व्यक्ति ने लिखा है कि भाई वियतनाम का लॉस हो रहा है, तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। उसके बाद से दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति फान बुई चाऊ, दूसरा फान चू त्रिन, ये भी आए और ये भी चाहते थे कि सब लोग एक हो जाए, और इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन के राजस्तरीय स्वरूप को इन्होंने बोला कि देखिए राजा के अंडर में रह के आंदोलन मत कीजिए, मान लीजिए फ्रांस चला गया तो बाद में फिर राजा राज करने लगेगा, तो यहाँ पे बोला कि देखिए आप लोग आज़ाद हुए तो राजतंत्र राजतंत्रात्मक रूप से नहीं हुए, गणतंत्र बने। गणतंत्र माने, गणतंत्र किसे कहते हैं? गणतंत्र जिस देश का संविधान होता है, ठीक है, उसे गणतंत्र कहते हैं। तो राजा का कौन संविधान होता है? राजा जो बोलेगा वह लिखा जाता है, ठीक है। तो ये वाला आपने फान चूत्री ने क्या बोला था, राजतांत्रिक के स्वरूप को गणतांत्रिक बनाने का प्रयास किया। अब आते हैं प्रथम विश्व युद्ध, दो गो विश्व युद्ध हुआ था, लेकिन विश्व युद्ध तो पूरा विश्व लड़ रहा था, लेकिन इसमें फायदा हो गया वियतनाम का। किसका फायदा हो गया? वियतनाम। आप बताइए विश्व युद्ध मान लीजिए सब कोई लड़ रहा है, तो इसमें आप किसी से आपकी दुश्मनी है समझिएगा, और आपको कोई कब्जा कर लिया है, और आप पर जो कब्जा किए वो दूसरे किसी से लड़ेगा, तो आपको मौका मिल जाएगा भागने के लिए नहीं। तो वही पूरे विश्व में जब युद्ध हुआ उस वक्त वियतनाम को मौका मिल गया आज़ाद होने का, तो विश्व युद्ध का फायदा वियतनाम पर पड़ेगा। यहाँ देखिए प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, वियतनामी यानी कि फ्रांस द्वारा वियतनामी सैनिकों को जबरन भर्ती कराया गया। प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस लड़ रहा था, विश्व युद्ध है, लेकिन फ्रांस चालाकी किया, अपने सेना को पीछे लगा दिया, आज जबरदस्ती वियतनाम को कब्जा में किया था ना, यहाँ के लोगों को सैनिक में भर्ती करके उन लोगों को आगे लगाता था, अपने सेना को पीछे, ताकि मराएंगे तो वियतनामी ही मराएंगे। इससे लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आया, और 1914 में विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक, 1914 से 18 तक चला था, तो 1914 में वियतनामी राष्ट्रीय दल, राष्ट्रवादी दल बना, ठीक है। और यह जो दल बना ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं, ठीक है। इसका फर्स्ट अधिवेशन हुआ था, पहला मीटिंग हुआ था कैडन ने किया था पहला मीटिंग, लेकिन इसको किसने कुचल डाला? फ्रांस ने इसे कुचल डाला। हाँ, ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो हमारे बारे में, चुपचाप सैनिक जितना हम भेज रहे हैं जाने दो, ठीक है, मराएगा तो क्या हो गया, तू मेरा गुलाम है, ऐसा हो गया। इसमें पूरे वियतनाम को एक करने में सबसे मेन हीरो है हो ची मिन, याद रखें, इनके बिना, इन्हें अंकल हो भी कहा जाता है, जैसे नहीं बोला जाता है चाचा हो, उसी तरह अंकल हो, ठीक है। तो हो ची मिन एक सबसे बड़े हीरो हैं, ठीक है। ये किस सोच के थे? साम्यवादी विचार के थे, समाजवादी नहीं थे। समाजवादी माने बुढ़ौती वाले लोग नहीं, कहता है समझौता करता है, ये साम्यवादी विचार कहते हैं, वो मारे तो तुम भी मारो, ठीक है। इन्होंने शिक्षा मॉस्को में अपना ग्रहण किया, कहाँ पे? मॉस्को, रूस में पढ़ता है जो, ठीक है। 1917 में इन्होंने कौन कौन सी पार्टी बनाई, इन्हीं में से तो क्वेश्चन खाली रहता है, यही याद कर लीजिए। इन्होंने साम्यवादी गुट बनाया पेरिस में 1917 में, आपसे पूछा जाएगा 1917 में पेरिस में हो ची मिन ने कौन सा गुट बनाया, तो साम्यवादी थे तो साम्यवादी गुट बनाए। और 1925 में देखो यहाँ पे वियतनामी क्रांतिकारी दल बनाया, रट लीजिए वियतनामी क्रांतिकारी दल, और इस दल का क्रांतिकारी लोग रहते थे, नौजवान लोग रहते थे, जिसमें सैनिकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था, इसमें लड़कों सबको उसमें एंट्री करा करके जो नौजवान थे उन लोगों को सैनिक बनाया जाता था। ये किनका प्लान था? हो ची मिन का, ताकि ये भी अपनी सेना खड़ा करके और फिर लड़ाई कर सके। अच्छा खासा सेना भी लगभग 60,000 सेना बना लिए थे, ठीक है। यहाँ देखिए 1930 में इन्होंने वियतनाम कांग सांग देंग एक पार्टी बनाया। आप कहेंगे ये सर कैसा नाम है, एक मतलब होता है वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब होता है झंडा पर हंसुआ और हथौड़ा का इसे सिंबल रहेगा, उसी को कम्युनिस्ट चाहते थे कि पूरा वियतनाम जब एक हो तो कम्युनिस्ट पार्टी बने। लेकिन इसमें रोकने वाला फ्रांस था, फ्रांस कह रहा था कि नहीं, जब एक होगा वियतनाम दो हिस्सा में टूटेगा बताएंगे, ठीक है, तो पूंजीवादी हिसाब से एक होना चाहिए, ठीक है, पूंजीवादी तरीका से। यहाँ देखिए वियतनाम कांग सांग देन के पार्टी की स्थापना 1903, जिन्हें वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। उसके बाद से यहाँ आगे नीचे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे छापामार युद्ध के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जितने भी हो ची मिन के सेना थे, हो ची मिन समझ रहे थे कि बाप रे वियतनाम, फ्रांस ऐसा नहीं है, ताकतवर भी है, क्योंकि उसका सहयोग अमेरिका कर रहा था। कौन सहयोग कर रहा था? अमेरिका, तो वह उस ताकत भी था उसके अंदर, तो बोला कि डायरेक्ट मत लड़ो, छापामार युद्ध करो। छापामार युद्ध में क्या होता है कि मार के भाग जाना है, क्या कर रहे हैं, मार के भाग जाना है, मार के जंगल में छिप जाना है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि क्या करो, वियतनाम ने कहा, सॉरी हो ची मिन ने कहा कि छापामार युद्ध करो। इस छापामार युद्ध में कौन कौन थे? किसान थे, व्यापारी थे, बुद्धिजीवी लोग थे, जितने भी गरीब किसान पीड़ित थे, सब लोग इस युद्ध में काम करते मार करके
भाग जाते थे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से 1929 की विश्व आर्थिक मंदी भी आ गई और आंदोलन तेज हो गया। जब विश्व आर्थिक मंदी का मतलब हो गया पूरा भूखमरी आ गया, किसी के पास पैसा नहीं था कि खाना खा सके, अपने परिवार को खिला सके, पूरा मंदी आ गया, तो सभी लोगों के अंदर गुस्सा आया। अब फ्रांस के प्रति और तेज आंदोलन हो गया कि नहीं फ्रांस को हटाया जाए, हम लोगों के भूखमरी आ गया। लेकिन फ्रांस भी बहुत ताकतवर था और वो उस फ्रांसीसी क्रूरता यानी कि उस आंदोलन को फ्रांस उछाल देता था। अब आते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनाम इसी में स्वतंत्र बनने की कोशिश करेगा, आजाद होने की कोशिश करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा विश्व लड़ रहे थे, तो फ्रांस और जर्मनी ये दोनों में हो गया लड़ाई। ठीक है, आ इसका फायदा उठा लिया, ये दोनों लड़ रहा था तो देखो फ्रांस बिजी हो गया ना, क्योंकि फ्रांस वियतनाम पर कब्जा किया था, तो जैसे ही फ्रांस बिजी हुआ तब तक अपने आप को वियतनाम बोला कि हम आजाद हो गए। ठीक है, तो ये दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध में जीत गया कौन? जर्मनी। तो फ्रांस और जर्मनी युद्ध में 1940 में जर्मनी जीत गया, और जर्मनी जीत करके तब तक जापान भी उधर से चल दिया, ए तो जीत गया हम, वो है विश्व युद्ध में सब कोई लड़ेगा, जो जीतेगा वो नर सिकंदर होगा जी। ठीक है, तो ये जीत गया और यहां से फ्रांस हट गया और इस तरह से अपने आप को यहां समझेगा। अब वियतनाम पर किसका कब्जा हो जाएगा? जर्मनी का कब्जा हो जाएगा, होगा ना। लेकिन तब तक जापान आ गया, जापान बोला करे कौन जीता है, तो ये डर गया। अब बोला कि ल अब तो मामला फंस गया, बोला कि ना ना कोई जीता नहीं है, फ्रांस से कब्जा किया है। ठीक है, तो जापान उस समय मात्र दो ही देश बड़ी ताकतवर थे, एक था जापान और दूसरा अमेरिका। ठीक है, और याद रखिएगा जब दो आदमी खूब अमीर रहेंगे तो एक को दबाने के लिए एक हमेशा बेचैन रहेगा। जापान भी देखा एक चीज, पता है क्या देखा, कि अमेरिका बड़ी आगे बढ़ रहा है, बड़ी अमीर हो रहा है, तो जापान ना बिना पूछे अमेरिका पर बम गिरा दिया। समझिएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे जापान द्वारा पर्ल हार्बर, अब ये कहेगा सर ये क्या है, तो अमेरिका का एक बंदरगाह था जहाँ पे एक अंदर टापू समझ लीजिए, क्या था, टापू था, द्वीप था, वहाँ पे अमेरिका की सेना रहती थी, तब तक जा करके बिना पूछे बम गिरा दिया। अमेरिका पूछा अरे तू हमारा ऊपर बम काहे गिरा, हम तुमको कुछ किए हैं, तो बोला कि अगर तुम हमसे ताकतवर हो जाएगा तब, ठीक है, इसीलिए हम क्या कर दिए बम गिरा दिए तुम पर। बोला कोई बात नहीं, वो वक्त आएगा, तब तक जब ये बम गिराए थे 1941 में, तब तक 1945 में अमेरिका भी बम बना के तैयार कर लिया, परमाणु बम। कौन सा बम? परमाणु बम तैयार कर लिया था। तो अमेरिका के जितने भी वैज्ञानिक थे पूछे कि कहाँ पे परीक्षण किया जाए, तो बोला कि अच्छा परीक्षण करना है, ले जाके जापान पे मारो, एक तो खुदे उसे लड़ना है, बदला लेना है, हम लोग के सैनिकों पर पर्ल हार्बर पर बम गिरा है। ठीक है, ऐसे ही जाके एगो नागासाकी पर पटका, 9 अगस्त को नागासाकी और 6 अगस्त को पटा हिरोशिमा, जापान का 2 इलाका साफ। ठीक है, हीरो मतलब कौन सा, परमाणु बम गिरा करके 1945 में बना लिया था, 45 में परीक्षण, 41 का बदला 45 में ले लिया गया। वियतनाम में द्वैत शासन हो गया, अब 2 शासन हो गया। जापान आके बोला जर्मनी से, चल जर्मनी हट तू, हम आ गए तुम्हारे जगह पे, ताकतवर तो था ही। ठीक है, तो यहाँ देखिए राजनीतिक प्रभुत्व जापान के हाथों में और यहाँ पे प्रशासनिक मुखौटा फ्रांस के हाथों में, और जापान वाला आपको कहानी बताई दिए, वियतनाम से जापानी सेना बाहर। और यहाँ देखिए जब पर्ल हार्बर पे बम गिराया था जापान, तो अमेरिका भी बदला लिया था 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा करके। ठीक है, और इस तरह से जापान पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया, जापान भी बर्बाद हो गया। अमेरिका, जापान एक बार मारा अमेरिका को, अमेरिका ऐसा मार मारा कि वहाँ का पूरा तहस नहस हो गया। और यहाँ से कब वियतनाम पर जापान का कब्जा हुआ था ना, और जापान की सेना वियतनाम से बाहर हो गई। और यहाँ पे देखिए 25 अगस्त 1945 को बाओदाई प्लान हो गया, क्योंकि फ्रांस के तरफ से ये भी था, बाओदाई फ्रांस के तरफ से था, याद रखिएगा। उसके बाद से प्लान हो गया और 2 सितंबर 1945 को स्वतंत्र घोषित कर लिया अपने आप को वियतनाम। तो ये भी याद रखिएगा, अपने आप को वियतनाम स्वतंत्र घोषित कब किया, 2 सितंबर 1945। लेकिन ये सब चीज़ें अमेरिका को पसंद नहीं था, अमेरिका चाहता कोई स्वतंत्र नहीं रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से फिर वियतनाम एक बार टूट गया, जबरदस्ती पैसा वैसा दिया किसको, फ्रांस को, और वहाँ को बोला कि जाओ ना जबरदस्ती कब्जा करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। अमेरिका हमेशा पीछे ही खड़ा रहता है, ठीक है, समय आने पर भाग जाएगा। ठीक है, तो फिर जबरदस्ती दोबारा आया था और वियतनाम को 2 में, ऐसे वियतनाम है ना 2 में तोड़ दिया, उत्तरी वियतनाम में होची मिन तो थे, लेकिन दक्षिणी में फिर आ गया कौन, बाओ दाई आ गया। ठीक है, अब फिर वियतनाम को एक करना है, तो यहाँ के लोग चाहते थे, लेकिन ये बाओ दाई नहीं चाहता था, क्योंकि इसको रोक के रखा था अमेरिका। ठीक है, लेकिन आखिरकार एक होगा, ये बोला कि ठीक है हम एक कर देंगे, लेकिन वहाँ पे कम्युनिस्ट नहीं होना चाहिए, कम्युनिस्ट की सरकार नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे किस टाइप की सरकार, पूंजीपतियों की सरकार होना चाहिए, यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, सब लगाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गया था। तो यहाँ देखिए वियतनाम में जो ये वाला, पूरे वियतनाम में ऊपर वाले हिस्सा को 2 इलाका सपोर्ट कर रहा था, कौन कौन, चीन और रूस।
वियतनाम को सपोर्ट कर रहे थे और फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था अमेरिका जो पूंजीवादी था। एकीकरण का योजना यहाँ पे बोला कि ठीक है अब दोनों में राय हो गया, दोनों एक करना चाहता था लेकिन एकीकरण नहीं हो पाया। जानते हो बाओदाई भी गुस्सा हो गया, बाओदाई अमेरिका को बोला कि तू हमको चढ़ा दे रहा है, हमार हो रहा है तो भाग जा रहा है, हम एक करने जा रहे हैं जिस हिसाब से भी हो जाए। तब ये जैसे ही एकीकरण का योजना 1956 में बनाया, अमेरिका बोला कि रोक 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 अभी मत करो, अभी रुक जाओ, अभी समय थोड़ा सा रखो, ठीक है। और इसको बोला कि एक काम कर, तुमसे नहीं होगा, तू हट, यहाँ का शासन दूसरा कोई बनेगा। और नीचे वाले दक्षिणी वियतनाम का शासन, नया शासन न्योदिन दियम बना, तो नया न्योदिन दियम, ठीक है। ये बड़ी क्रूर शासक था, ठीक है। यहाँ पे लोग जितने भी आंदोलन करते थे सबको कटवा दिया, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के लोगों को भी कटवा दिया। बौद्ध धर्म के लोग आंदोलन कर रहे थे जिसे हुआ हुआ आंदोलन कहते हैं 1939 में, याद रखिएगा, हुआ हुआ आंदोलन बौद्धिक धार्मिक आंदोलन है, ठीक है। और सबको ये शासक मरवा दिया। तब जाकर के अब देखा कि अरे यार बौद्ध धर्म के लोगों को मरवा दिया, तो न्योदिम दियम के खिलाफ पूरा का पूरा आंदोलन होने लगा। अब ये बताने वाला था न्योदिम दियम कि हमको कौन चढ़ाया, अमेरिका, अमेरिका का नाम नहीं है, इसलिए अमेरिका ने न्योदिम दियम को मरवा दिया। लेकिन ऐसे किताब में नहीं लिखा है, बहुत जगह कहीं कहीं लिखा है, लेकिन इसमें लिखा है कि भाई जो आंदोलन हुआ था ना उसी आंदोलन में न्योदिम दियम क्या हो गया, मारा गया। अब देखो हुआ हुआ आंदोलन के नेता थे हुइन फूसो, याद रखिएगा हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे, हुइन फूसो। लेकिन इस आंदोलन हुआ हुआ आंदोलन को भी दबा दिया कौन, न्योदिम दियम, और ये भी बेचारा विद्रोह में मारा गया, ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है। अब अमेरिका को आ गया गुस्सा कि बाप रे कितना दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है, तभी भी वियतनाम हार नहीं रहे, पता है क्यों नहीं हार रहा, अब अपना डायरेक्ट सैनिक उतार दिया मारने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होगा, विश्व में पहली बार अमेरिका एक छोटा सा देश से आ रहा है वो वियतनाम, वजह जानते हो क्या है, अरे कैसे नहीं हारोगे, मान लो कि तुम अपना पूरा सैनिक उतार दोगे किसको मारोगे, कोई दिखता ही नहीं था वियतनाम में, पता है क्यों, क्योंकि वहाँ पे जमीन के नीचे रहते थे लोग, जितने भी वियतनाम के सैनिक जो लोग बनाया था वो जमीन के नीचे, कहीं कहीं गड्ढा खोद दिया था, अब गड्ढा में जानते हो क्या खोद करके और नीचे से बढ़िया सा एक तलवार जैसा निकाल कर रख देता था और ऊपर पुआल बिछा देता था, ये दौड़ के जाते थे ना उसी में गिर जाते थे और नीचे से निकला हुआ था तलवार, समझिए रहे हो, पूरा का पूरा नीचे से हल जाता था, कहानी खत्म हो जाता था। इसी को कहते हैं छापा मारे, मार के अंदर घुस जाते थे कहीं ना कहीं, जमीन के नीचे नीचे सब घर था, ठीक है, रास्ता था, पता ही नहीं था, एक जगह से तीन चार गो रास्ता जमीन के नीचे था, जब इधर भागो या इधर भागो पता नहीं चलता। अमेरिका के सैनिक परेशान हो गए थे पूरा का पूरा, ठीक है, इसीलिए अमेरिका को अपने सेना को वापस बुलाना पड़ा, मारना मुश्किल हो गया था। यहां देखिए अमेरिका बोला कि कहा नहीं पूरा का पूरा जंगले को जला दे, तब दिखेगा ना भाई कहाँ कहाँ टर्नल है, होल बनाया है लो, ठीक है। इसीलिए उन्होंने अरेंज ऑरेंज का एक इस्तेमाल किया जिससे कि पूरा का पूरा पेड़ जल गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ देखो अमेरिका फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, छापामार युद्ध चलता रहा। अंत में अमेरिका के लोग बोले कि सभी सैनिकों को बुला लीजिए, आपके बस का बात नहीं है। और यहाँ पे 27 जनवरी 1973 को शांति पर हस्ताक्षर किया, ठीक है अब अमेरिका की सेना वापस जाएगी, और 60 दिनों के अंदर अमेरिका की सेना कहाँ हो गई, वापस चली गई, ठीक है। और जर्मनी का एकीकरण हो गया, यानी कि 1975 में जर्मनी का हो गया एक हो गया, तो इतना समझ में आया। अब देखिए अब बात करें कंबोडिया का, तो एक देश कंबोडिया था जिसकी राजधानी नाम पेन है, नाक में पेन याद रहेगा तो नाम पेन है, ठीक है। इनके शासक थे नरोत्तम सिंगानुक, इनके शासन कौन थे, नरोत्तम सिंगानुक। 1970 में कंबोडिया भी आजाद हो गया, ये 75 में आजाद हुआ, कंबोडिया 70 में आजाद हुआ। कौन सी सेना आजाद कराई, लाल खुमरी सेना आजाद कराई थी, कौन सी सेना, लाल खुमरी सेना। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा हो ची मिन्ह वियतनाम बाओदाई समझ में आ गया होगा। तो ये 3 लेसन पूर्णतः कंप्लीट हुआ, अगर बेहतर लगे जबरदस्त लगे तो सीजन को ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए अगला लेसन देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग बहुत शानदार तरीके से पता है क्या समझने वाले हैं, गांधी जी बुढ़ऊ समझ रहे हो ना, मतलब रेस्पेक्ट दिल से करते हैं, लेकिन गांधी जी के बारे में जानते हैं कि आखिरकार गांधी जी कौन कौन से आंदोलन किए हैं और राष्ट्र भारतीय राष्ट्रवाद में उनका क्या योगदान है, डीपली समझते चलिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए भारत में राष्ट्रवाद, आपको पता होना चाहिए राष्ट्रवाद क्या होता है, अपने देश के प्रति फीलिंग जो होता है, लगाव होता है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक राष्ट्रवादी इंसान कैसे है, क्योंकि हम लोग को देश से अपना प्यार है, भारतवासी हैं, भारत से प्यार है, इसलिए भाई तो भारतवासी हैं और देश से प्यार है, तो देश को कोई गुलाम अगर बनाए तो हम लोग छोड़ेंगे क्या, नहीं छोड़ने वाले हैं ना, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राष्ट्रवाद उत्पन्न हो जाएगा। जब हमारे देश गुलाम हुआ और अंग्रेज हमको गुलाम बना के रखे थे, तो उस वक्त हम लोगों ने क्या किया, एकजुट हो करके और सभी लोग एक होकर बहुत सारा पार्टी बनाए और एक होकर के अंग्रेजों को भगाए, तो जो एक हुआ ना तो सबके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होगी, एक होने की भावना, भारत को आज़ाद कराने की भावना होगी, तभी तो एक हुए होंगे ना, तो वही यहाँ पे है। लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये तो ट्रिक से याद करें, इतना बड़ा मत देखिए कि कैसे याद होगा, एग्जाम नज़दीक है, देखिए जितना देर बताएंगे ना उतना ही देर में आपको याद हो जाएगा, फिर दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ देखिए स्वतंत्रता के पहले भारत की स्थिति क्या है, पहला कारण हो जाएगा छोटे राज्यों में विभक्त, छोटा छोटा राज्य में भारत टूटा हुआ था और यहाँ अलग अलग राजा थे,
तो अलग अलग राय थे, तो वो कभी चाहती नहीं थी कि भारत बढ़िया से एक हो जाए और एक हो करके लड़ा जाए। ठीक है, तो यह राज्यों में विभक्त था, स्वतंत्रता के पहले की स्थिति, एकता का अभाव था, असमान न्याय व्यवस्था थी, लेकिन न्याय व्यवस्था भी सही नहीं था। कैसे, तो पता है उस वक्त जो अमीर घर का लड़का था, अगर वो कोई गलती कर दिया, वही गलती अगर गरीब घर का लड़का करे तो अमीर घर के लड़के को सज़ा नहीं मिलता था और गरीब घर के लड़के को सज़ा मिल जाती थी। ये भी एक दिक्कत वाली बात। भारत में राष्ट्रवाद का क्या कारण था? सबसे पहले वो पता है क्या कि यहाँ देखिए नौकरी में भेदभाव करने लगे। भारत के लोग काफ़ी टैलेंटेड थे और यूरोप के टैलेंटेड नहीं भी हैं, कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी यूरोपियों को उच्च पद पर नौकरी मिलता था अंग्रेजों के ज़माने में, और भारतीयों को निम्न पद पर मजदूर वगैरह बना दिया जाता, लेबर वगैरह बना, कितना भी पढ़े लिखे हों लेबर बना के रख दिया जाता था। ठीक है, तो वही बात है, तो लोगों के अंदर गुस्सा आएगा ना, तो यही है राष्ट्रवाद का कारण। तो फिर अपने देश के प्रति राष्ट्र की भावना उत्पन्न होने लगी, अपने देश के प्रति क्रांति की भावना उत्पन्न होने लगी। यहाँ देखिए राजनीतिकरण, शासन विक्टोरिया के हाथों में थी, उस वक्त शासन किसके हाथों में, महारानी विक्टोरिया के हाथों में थी, और विक्टोरिया चाहती थी कि पूरे के पूरे भारत पर कब्जा कर ले, तो यह राजनीतिक कारण था। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी झगड़ा ईगो कारण से नहीं होता है। पहले कहते हैं कि अच्छा ईगो गलती हो गई ना, बर्दाश्त करो, फिर अगर कोई वो गलती करे फिर बर्दाश्त करते हो। कभी क्या हम लोग कहते हैं कि अच्छा बर्दाश्त करने, जब दो तीन को ज़्यादा गलती हो जाएगा तो बड़ी मार मारेंगे। तो पहला गलती देख लिए भाई, पूरा का पूरा कब्जा करना चाहते हैं भारत के लोग, बर्दाश्त किए। उसके बाद से आर्थिक कर, आर्थिक कारण था कि खूब ज़्यादा टैक्स किसानों पर लगाएं, ये भी लोग माफ़ किए, चलो भाई किसान भी परेशान, तो ये भी माफ़ कर दिया अभी। ठीक है, सामाजिकरण में नौकरी में भेदभाव होने लगा, धार्मिक कारण में अलग अलग प्रकार के धर्म के बारे में लोग अपना धर्म लगा सब फैलाने, तब लोगों के अंदर आ गया गुस्सा। क्या आ गया? गुस्सा। और लोग कर दिए आंदोलन, सभी लोगों को गुस्सा आया, जो पढ़े लिखे थोड़ा सा जो बुद्धिजीवी लोग थे ना, वो लगे अंग्रेजों के खिलाफ पेपर में छापने कि अंग्रेज बहुत बुरा है, ज़्यादा टैक्स लेता है, पूरा का पूरा भारत पर कब्जा कर रहा है, फैक्ट्री को और फैला रहा है, यहाँ के लोगों को परेशान कर रहा है, पूरा का पूरा पेपर में लिखे। और जब भारत के लोग पेपर पढ़ते थे तो उनके अंदर तब गुस्सा आता था, राष्ट्रवाद की भावना कि अरे यार हमारा ही देश में हमारा ये कंडीशन होते जा रहा है। ठीक है, तो सबके पास पेपर गया, तब तक ये अंग्रेज सो के पढ़ रहा था, तो देखे कि लो ये तो हमारे खिलाफ ही लोग भड़का लिया है। तो देखो यहाँ पे, तो आते आते सुबह उठा, ब्रश करके फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा के बोला कि पता है पेपर पर पढ़े रोक लगाओ। क्या बोला? पेपर पर रोक लगाओ। तो यहाँ पे देखो अभी ये वाला थोड़ा याद कर ले, 1878 एक डेट याद कर लीजिए, तो 18 और 18, ये 18 याद हुआ, बस ऐसे एक लाइन खींच दिए साथ हो जाएगा। 1878 में पेपर पर रोक लगा दिया गया, कौन था वो अधिकारी? लिट्टन था, लेटा हुआ था। लिटन क्या होता? लेटा हुआ था, लेटते लेटते पेपर पर रोक लगा दिया। उस पेपर पर जो रोक लगाया उस नियम को कहते हैं वर्नाकुलर एक्ट। वर्ना बोला ना, वरना बड़ी मार मारेंगे, तो वर्नाकुलर एक्ट पेपर पर प्रतिबंध लगाया। एक साल बाद बोला कि सुनो भारतीयों को अब हथियार भी नहीं रखना है, नहीं तो हम लोग जाएंगे, अंग्रेज जाएगा सब, पुलिस वाला निकाल के मार देगा सब। तो अगले साल 1879 में आर्म्स एक्ट लगा। आर्म्स एक्ट माने आर्मी वाला समझते हो ना, तो आर्म्स एक्ट में हथियार नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद से 1883, ठीक है आप तीन को लगातार लिख दीजिएगा ऐसे, लेकिन ये मिटा करके तीन लिखिएगा ऐसे। ठीक है, 1883 में इलवर्ट बिल, ये देखो ये लगाया था लिटन, लेकिन ये लगाया था रिपन। इलवर्ट बिल में पता है क्या था? ये बहुत अच्छा था, लिटन बहुत बदमाश था और रिपन बहुत अच्छा था। जानते हो इलवर्ट बिल होता क्या है? पहले भारत के लोग भी कोई ना कोई जज जरूर होगा, यूरोप के लोग भी जज थे, तो पहले ऐसा नियम था एकरा समय में, कौन लिटन के समय में था, कि अगर कोई यूरोप के लोग गलती कर रहे हैं तो उसकी सजा भारत के जज नहीं सुना सकते हैं। लेकिन जब रिपन आया, ये भी अंग्रेज था लेकिन अच्छा था, ये बोला कि नहीं भारतवासी भी जो बहुत बढ़िया जज हैं वो यूरोपियों को सजा सुना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखे हैं कि यूरोपियों के प्रति भारतीय जज को सुनवाई करने का अधिकार मिल गया, ये अधिकार दे दी कि नहीं जी वो भी सजा सुना सकते हैं। वैसे कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में लगा, उसके बाद ये किसने लगवाया था? करजन ने लगवाया था, क्योंकि उस वक्त भारत का वायसराय, मतलब भारत को देख रेख करने के लिए अंग्रेज भेजा था, उसी को वायसराय बोलते हैं, करजन था। आई करजन चुट्टा आया, आ करके देखा कि बाप रे बाप भारत में राज करना बड़ी मुश्किल है, यहाँ हिंदू मुस्लिम खूब अच्छा से एक में रहता है, तो इनको तोड़ना पड़ेगा। तो इनको तोड़ने के लिए फूड, ये क्या बोलते हैं, आपको पता होने कि गाय की चर्बी वगैरह का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया था और बंगाल को तोड़ दिया गया। तो बंगाल दो हिस्सा में 1905 में टूट गया। ठीक, अब बंगाल के लोग बड़ी दुखी थे, मायूस हो गए। ठीक है, जब बंगाल के लोग पूरा का पूरा मायूस हो गए, तो फिर वो बंगाल को एक, तो बंगाली सोचते थे सभी यहाँ के लोग
कि अंग्रेज हम लोग के साथ बहुत गलत किया, हम लोगों में झगड़ा लड़ा दिया, अब जब दिमाग नहीं रहेगा तो अंग्रेज तो फायदा उठाएगा ही, फूट डालो और शासन करो वाला नीति अपना लिया। अब इसके बाद से वो लोग सोचे कि अच्छा इसका बदला लेंगे, अगर लिटन के कोई ऊपर का अधिकारी आएगा तो उससे कंप्लेन करेंगे। तो आने वाला था एक जॉर्ज पंचम, कौन आने वाला था, जॉर्ज पंचम। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया क्योंकि 12 में आने वाले थे इनके ऊपर वाले अधिकारी। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए, अब देखो पूरा का पूरा राष्ट्रवाद फैल चुका है, तो फैल चुका है तो जो विदेशों में भारत के लोग थे वो जाने इंडिया के बारे में तो बड़ी दुखी हुआ, तो वहीं से वो लोग पार्टी बनाने लगे। तो एक थे यहाँ पे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना, ये दोनों आदमी 1913 में गद्दर फिल्म यानी कि गद्दर पार्टी की स्थापना कर दी। कहाँ पे, अमेरिका के फ्रांसिस्को में, कहाँ पे, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना 1913, याद रखिएगा 1913 में स्थापना कर दी। अब पढ़ते हैं यहाँ थोड़ा सा गांधी युग, आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, कब 1869, 1869 इतना याद रहेगा, कब हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अब ये गिन लीजिएगा पूरा का पूरा, देखिए कितना चुटकियों में याद हो रहा है। इसके ठीक इनके 14 साल के बाद इनका शादी हो गया, जब 14 साल जोड़िएगा तो हो जाएगा 1883, जब शादी कर लिए 13 साल में तो आराम से वाइफ के साथ 5 साल बिताए और उसके बाद वो पढ़ने के लिए लंदन चले गए वकालत करने के लिए। तो 5 साल के बाद नहीं 1888 में वकालत की पढ़ाई करने लंदन चले गए, 3 साल का कोर्स था, कितना साल, 3 साल तक पढ़ के वापस इंडिया आए। तो इंडिया कब आए होंगे, 1891 में आए, 2 साल तक खूब अच्छा मुंबई में, कहाँ पे, मुंबई में वकालत का काम किए, केस वोस लड़े, उसके बाद से इनको अफ्रीका बुला लिया लो, कहाँ पे, अफ्रीका, क्योंकि अंग्रेज हर जगह अधिकार किया था। ठीक है, पूरा जगह अधिकार किया था, अफ्रीका में परेशान कर रहा था। तो एक यहाँ गुजरात के व्यक्ति थे जो अफ्रीका में रहते थे, व्यापार करते थे, उनको बड़ी अंग्रेज परेशान किया था, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला, क्या नाम था, दादा अब्दुल्ला। और वो दादा अब्दुल्ला आके गांधी से बोले कि चलिए हमारा केस लड़ना है वहाँ पे, हम अंग्रेजों पर केस किए हैं, बड़ी परेशान कर रहे थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उन महात्मा गांधी को अफ्रीका बुलाकर कौन व्यापारी लेकर गया था, तो दादा अब्दुल्ला, यानी गांधी जी भी बूढ़े थे और दादाजी लेकर के गए थे उनको, तो दादाजी बुढ़ऊ को लेके गए, यानी गांधी जी को लेकर के गए थे। तो दादा याद रखिएगा, दादा अब्दुल्ला कब लेके गए, तो 1893 में लेकर के गए, वहाँ पे गए और केस जीत भी गए। सभी अफ्रीका के लोग गांधी जी को बहुत मानते थे, बाप रे बाप इस बुढ़ऊ में बहुत दम है। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा पार्टी भी बना लिया अंग्रेजों के विरोध करने के लिए, नटाल कांग्रेस की स्थापना की, आप लोग लिख सकते हैं नटाल कांग्रेस, फिनिक्स फॉर्म आश्रम बनाए। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएँ जाहिर किया, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। वैसे हम जानते हैं कब से, जब फाइनली अफ्रीका छोड़ करके और आ गए भारत, तो का 1915 था, कौन था, 1915 का समय था ये, आप याद है 9 जनवरी 1915 में वो इंडिया आ गए। और इंडिया आने के बाद उसी दिन हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस, ये चीज़ें आप याद रखेंगे, 9 जनवरी 1915। फिर उन्होंने आंदोलन नहीं किया, आते आते एक साल तक इंतजार किए, क्योंकि उनके गुरु जी जो थे, आपको पिछले वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं, जो इससे पहले वाला वीडियो अपलोड हुआ है उसमें पूरा कहानी पता है, उनके गुरु जी मना किए थे कि देख गांधी, अगर जाना तो कभी भी एक साल तक कहीं आंदोलन मत करना, पहले लोगों को देखना, भले मीटिंग में जाना, वहाँ पे स्पीच देना, लेकिन किसी प्रकार का एकदम जोड़ वाला आंदोलन मत करना, विरोध मत करना किसी का, पहले एक साल तक वहाँ के लोगों को समझना। तो 15 में आए, 16 में कुछ नहीं किए, 16 में गए, इन्होंने लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था उसमें जा करके भाषण दिए और कुछ नहीं किए, साबरमती आश्रम बनाए गरीबों के लिए, लोगों के लिए। ठीक है, जब ये लखनऊ में स्पीच दे रहे थे, याद रखिएगा 1916 लखनऊ अधिवेशन, एग्जाम में चार चार बार पूछा है बाबू, मस्ट VVI है एकदम, 1916 जब ये स्पीच दे रहे थे, तो उस वक्त एगो आए थे बिहार के, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, वो बोले कि पाप रे चलिए ना गांधी जी हमारे यहाँ आंदोलन कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेज बड़ी परेशान किया है, बड़ी टैक्स लगा रहा है और वहाँ पे नील की खेती करवा रहा है, किस चीज़ का, नील खेती। तो गांधी जी बोले कि नहीं, हम एक साल तक कहीं नहीं जाएंगे, अगले साल आपके यहाँ आएंगे। तो गांधी जी अगले साल 1917 में डायरेक्ट पहुँच गए बिहार के चंपारण में, ये भी पूरे भारत के मैप में ये बिहार है, बिहार के चंपारण में पहुँचे और वहाँ पे देखे कि सब
तीनखटिया प्रणाली चल रही है। तीनखटिया प्रणाली का मतलब होता है कि अंग्रेज 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन में खेती करवाता था। तो आप सोचिएगा सर ठीक है तो 3 कट्ठा ना करवाता था, लेकिन वो 3 कट्ठा कैसी जमीन, सबसे ज़्यादा जो उपजता था ना, ठीक है, वो वाला इलाका चुनता था अपना नील की खेती कराने के लिए। और नील की खेती करने के बाद से जमीन बंजर हो जाता है, फिर जो बचेगा 3 कट्ठा फिर दूसरे में कराएगा। तो इस तरह से था नील की खेती, इसको 3 कट्ठिया प्रणाली कहते। फिर गांधी जी से गुस्सा हो गए गुजरात के, क्योंकि गांधी जी गुजरात के थे, कहाँ के थे, गुजरात के थे। तो बोले कि गांधी, सभी गुजरात के लोग गाय से बोले कि गांधी जी आप गुजरात के हैं तो अपने यहाँ से अंग्रेजों को नहीं भगा रहे हैं, आप बिहार चले गए, आइए हम लोग के यहाँ। तो गांधी जी बोले कि बुलाएगा तब ना तुम लोग आएंगे, हम तो कहीं भी चले जाएंगे, वकील हैं, ठीक है। तो अगले साल 1918 में, ठीक है, गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह किए, ये भी सफल रहा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए, ये भी सफल रहा। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके अगले साल खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत पूरे पूरे भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया था। कारण क्या था पूरे भारत के मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति आंदोलन करने का, क्योंकि पूरे उस समय पूरे मतलब इस्लाम धर्म के गुरु, ठीक है, तुर्की में बसा करते थे, और अंग्रेज जा करके उनको तुर्की में जो गुरु थे उनको मतलब इंसल्ट कर दिया था, बेइज्जती कर दिया था। इससे पूरे के पूरे जितने भी मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो क्या हो गए, पूरा नाराज हो गए थे, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और जब नाराज हो गए तो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, इसीलिए उसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। उस वक्त गांधी जी सोचे कि अब ये मौका है पूरे हिंदू मुसलमान को एक करने का, गांधी जी भाग ले लिए, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि जब पूरे विश्व के मुस्लिम लोग पूरा क्या हो गया है अंग्रेजों के खिलाफ है, तो पक्का यह आंदोलन सफल हो ही जाएगा। तो बस गांधी जी वहाँ चले गए बहती गंगा में हाथ धोने, ठीक है, और पता चला कि गांधी जी का इसमें नाम हो गया, जबकि वो नहीं रहते फिर भी सफल रहता आंदोलन, क्योंकि उतना लोग हैं तो अंग्रेज हार मान ही लेता, पूरे विश्व के मुस्लिम थे, ठीक है। तो इस तरह से 1919 में क्या हो गया, आंदोलन सफल रहा। इससे देख करके अंग्रेज बड़ी नाराज हो गया, यार गांधी जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ वहाँ आंदोलन कर रहा है, अब तो हर लोगे हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है, अंग्रेज ये सोच रहा था, ठीक है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि जहाँ चार वो मीटिंग कर रहा है उसको पकड़ के जेल में डालो। तो नियम लगा दिए कि जहाँ जहाँ चार चार पाँच पाँच आदमी मीटिंग करेंगे उसको पकड़ के जेल में डालो। और इस नियम को रॉलेट एक्ट कहते हैं, कौन सा, रॉलेट एक्ट, यानी बिना वकील बिना दलील, ठीक है, और बिना वकील अपील का जेल में डाल देना है। तो रॉलेट एक्ट 1919 में 21 मार्च को पारित हुआ, 21 मार्च को रॉलेट एक्ट नियम लग गया कि भाई चार को जहां मीटिंग करें ना उठा के जेल में डाल देना है। अब भारत के लोग बोले कि ये कौन सा बात है, हम अपने कहीं बतिया रहे होंगे और चार आदमी ऐसे ही हंसी मजाक तब वो जेल में डाल दोगे। तो अंग्रेज बोले कि हाँ हाँ डाल देंगे। तो सभी लोग फिर एकजुट हुए, और पता है मामला क्या फंस गया, जब मीटिंग चल रहा था तो अंग्रेज, पहले तो लोगों ने उसका आंदोलन कर दिया, क्या कर दिया, लोगों ने आंदोलन कर दिया, और जो सभी लोग आंदोलन किए तो उस समय 2 क्रांतिकारी नेता गिरफ्तार हो गए, सत्यपाल और किचलू, याद रखिएगा सत्यपाल और किचलू दोनों को गिरफ्तार कर लिए। और इन दोनों के गिरफ्तारी के दुख में जबरदस्ती सभी लोगों ने आंदोलन किया। उस वक्त पंजाब में ये आंदोलन हुआ था, कहाँ पे, पंजाब में सभी लोगों ने खूब जम के विरोध किया। उसके बाद से सोचा कि कल त्यौहार है बैसाखी का, बैसाखी का दिन था, फसल कटने पर बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, जैसे बिहार में गेहूं कटने पर चैता गाना बजता है ना, वो वैसे ही ये भी होता है वहाँ पे पंजाब में, फसल कटने पर बैसाखी का त्यौहार 13 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वर्ण मंदिर के पीछे पंजाब में जालियांवाला बाग एक जगह है, बाउंड्री चारों तरफ से था, उसमें मीटिंग कर रहे थे, तब तक जनरल ओ डायर या जनरल डायर, ठीक है, आ करके गोलियां चला दी है। वो दिन था 13 अप्रैल 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो 1919 में बहुत सारा हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, रॉलेट एक्ट हुआ और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसमें गांधी जी थे नहीं इसमें, लेकिन जब पता चला तो बड़ी दुखी हुए, और उन्होंने कहा कि आज के बाद अंग्रेजों का नौकरी हम नहीं करेंगे। अंग्रेज उस समय भाई सरकार था ना, ठीक है, तो सभी सरकारी नौकरियों को लोग छोड़ दिए। महात्मा गांधी अलग अलग, उन्होंने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी, क्योंकि महात्मा गांधी को अंग्रेज कैसरे हिंद की उपाधि दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि मिली थी, वो भी त्याग दिए। सब लोग सरकारी नौकरी छोड़ दिए, अब बोल दिए कि अंग्रेजों का किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना है, आज से हम असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। तो 19 के बाद 20 में 1 अगस्त को, याद रखिएगा 1 अगस्त को, ये लिखे नहीं है लेकिन 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। अब जब असहयोग आंदोलन शुरू हो गया, उसी दिन 1 अगस्त को जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ था, लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी। सभी लोगों ने भाग किया, अच्छा से असहयोग आंदोलन चला, अंग्रेज परेशान हो गया यार, अंग्रेज के यहाँ कोई नौकरी नहीं था, बोला था कि नौकरी नहीं करेंगे, अपना जूता खुद पॉलिश करो, अपना कपड़ा खुद धो, हर चीज़ अंग्रेजों को खुद करना पड़ता था।
था, अंग्रेज बड़ी परेशान हो गए, तब तक आ जाओ बिहार और यूपी वाला, यहाँ के लोग खूब आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, जितने भी पुलिसकर्मी थे उस समय पुलिस अंग्रेज की ही थी ना, उन लोगों को चिढ़ा भी रहे थे, देख लो समझ रहे हो ना, उनको चिढ़ा भी रहे थे बहुत, मतलब बिहार यूपी में जानते ही हो परेशान, जाके वहाँ मुहुआ के सामने जिंदाबाद मुर्दाबाद मुहुआ के सामने कर रहे थे, उन लोगों का आ गया गुस्सा, यूपी वाले लड़के को लगे दौड़ाने पुलिस, खूब मार मारी इन लोग बर्दाश्त कर लिया, फिर होने से वो दौड़ाए पुलिसों को, 22 की बात है, 20 में लागू हुआ, 21 को उन्हें चला, 22 में खूब दौड़ाया लो, और पुलिस वाले को दौड़ाते रहते, पुलिस सोचा कि भागे कहाँ, वो खुद अपने थाना में घुस करके जेल में अपने आप को बंद कर लिया, अंदर से ताला मार लिया, बस एक वहीं में उत्तर प्रदेश का जो लड़का था बोला कि अच्छा ज़्यादा दिमाग लग रहा है, ये बहरिया से ताला मार रहा है, तो अंग्रेज सोचा कि बाहर से क्यों मार रहा है, हम तो खुद ऑलरेडी लॉक है, आई एम ऑलरेडी लॉक इन द लॉकर, तो फिर भाई बाहर से काहे मार रहा है, तो जानते हो क्या कहा, लाया बोला कि बता रहे हैं मिट्टी का तेल लाया, अंदरवा छीट दिया, माचिस मार दिया, 1922 आदमी को 1922 में 22 आदमी को जिंदा जला दिया, जिंदा भूज दिया था जेल में। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि 1922 में उत्तर प्रदेश के कौन से जगह पे, तो चौरी चौरा जगह था, कौन सा था, चौरी चौरा में 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये आप उसके बाद से, और वो दिन कौन था, तो यहाँ याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 था, लिख लीजिए यहाँ पे, रट लीजिए, यही तो पूछता है, 5 फरवरी 1922 सब में रहेगा, 5 फरवरी, जनवरी फरवरी, तो फरवरी में आपका एग्जाम हो रहा है ना, तो यही याद रखिए ना, 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, गांधी जी गुस्सा हो गया कि नहीं उन लोगों को मारना नहीं चाहिए था पुलिसकर्मियों को, ठीक है, ये गलत हुआ, तो उत्तर प्रदेश बोले कि बड़ो एक बात बताइए, जालियांवाला बाग में उतना लोगों को मार दिया था, कुछ नहीं बोले, अब कह रहे हैं कि मारना नहीं चाहिए था, जबकि गांधी जी बड़ी समझदार थे, बोले कि देखो लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा, उन लोगों के पास हथियार है, ये बात गांधी जी समझते थे, आ इन लोगों को लड़का सबको तो लगता नहीं था, बोला था कि मार देंगे, अरे किससे मारोगे, हथियार हथियार तो है नहीं, जिस दिन पूरा का पूरा फौज उतार देगा दिक्कत हो जाएगा, तो गांधी जी बोले कि हम असहयोग आंदोलन को बंद करना चाहते हैं, अब पूरे भारत में खलबली मच गई, और बोला था गांधी जी अब पूरे भारत के आंदोलन को क्यों बंद कीजिएगा, घटना हुआ है उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में जाके बंद कीजिए, है कि नहीं, पूरे भारत में बंद करने की क्या जरूरत है, तो बोले कि नहीं पूरे भारत में बंद करने के, एक हफ्ता के अंदर आंदोलन बंद, तो असहयोग आंदोलन वापस एक हफ्ता के अंदर हुआ था, तो यहाँ देखिए 5 फरवरी को हुआ था, एक हफ्ता गिन लीजिए, 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, ठीक है, अब पूरा का पूरा भारत गांधी जी से नाराज हो गया, बुढ़ऊ तुम क्या किए, मतलब समझ रहे ना, खूब गाली वाली दे रहे थे, अंग्रेज गांधी जी को चाहता तो इतना आंदोलन किए गिरफ्तार कर लेता, जानते हो काहे नहीं गिरफ्तार कर रहा था, क्योंकि पूरे भारत के लोग गांधी जी के सपोर्ट में थे, वह वक्त का इंतजार कर रहा था कि कब सभी लोग गांधी जी का विरोध करें, और वो समय आ गया जब वो असहयोग आंदोलन वापस लिए तो गांधी जी का विरोध शुरू हो गया, और जैसे ही विरोध शुरू हुआ तब तक आया 10 मार्च फरवरी के बाद 10 मार्च को गांधी जी को उठा करके मुंबई जेल में डाल के 6 साल की सज़ा सुना दी, गांधी जी बोले कि लो ये तो कोनो भारतीय अइबे नहीं किया, ठीक है, हमको देखने के लिए कोई व्यक्ति ये नहीं गया, बोला कि ठीक है चला गया, तो लेकिन गांधी जी बहुत तेज दिमाग के थे, और एक और चीज़, 1922 में जब ये वापस लिए थे तो इनसे बहुत लोग नाराज हो गए थे, बहुत लोग कांग्रेस छोड़ के भाग के एक अलग पार्टी बना लिए थे, तो 1923 में 22 के बाद 23 में एक पार्टी बना था स्वराज पार्टी, इसका लक्ष्य था कि हम लोग अलग पार्टी बना के डायरेक्ट अंग्रेजों से स्वराज खुद के राज की मांग करेंगे, पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे और अपने हक की बात करेंगे, ठीक है, इन डायरेक्ट था, इनके अध्यक्ष थे सीआर दास यानी चित्तरंजन दास, अब मोतीलाल नेहरू सचिव थे, ये आप याद रखेंगे। अब मामला यहाँ पे देखिए, समझते रहेगा यहाँ पे, ये तो चले गए जेल, अब गांधी जी सोचे कि 22 में मान लो हमको जेल में डाला है तो 22 में 6 साल बाद यानी कि हमको छोड़ेगा 28 में, बाप रे बुढ़ौती में तो मर जाएंगे उसी में, टंकी बड़ी करते थे, ठीक है, पता है क्या किए, खाना पीना छोड़ दिए, भूख हड़ताल पर बैठ गए, बोले कि हम नहीं खाएंगे हम मर जाएंगे, हमको छोड़ दो नहीं तो मर जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिंग किए, अब वो खाना नहीं खाते थे तो बस थोड़ा सा अजीब हो गए, लरुआ गए एकदम, मतलब अजीब एक्टिंग करने लगे, तो अंग्रेज सोचा कि बाप रे बुढ़वा मर जाएगा तो पूरा भार अभी तो चौराचरी में 22 को फूंका था, इस तरह पूरा को फूंक देगा, ऐसे ही कपड़ा उपड़ा में लपेट करके, ठीक है, अब बहरिया टांग के दूर रख दिया, गांधी जी देखे कि ओ अंग्रेज कुछ दूर गया तो बस वहाँ से करके भाग गए, और भाग करके डायरेक्ट चले आए कर्नाटक में, कहाँ चले आए कर्नाटक में, कर्नाटक में एक जगह है बेलग्राम, और आ करके जानते हो क्या किए हैं, आंदोलन नहीं किए हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, तो आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब थे, तो 1924 में थे, कब थे 1924 में, 23 के बाद 24 में कांग्रेस के अध्यक्ष कर्नाटक के बेलगाम में थे,
और उसके बाद से उन्होंने 6 साल तक कोई आंदोलन नहीं किया और क्या किए, लोगों की सेवा किए हैं। जितने भी क्या बोलते हैं, अभी कोरोना चला है ना, उस वक्त प्लेग बीमारी थी, चूहों से फैलता था। यहाँ पे अगर चूहा से कोई कीड़ा है कि यहाँ पे बैठ जाएगा ना, हट जाएगा तो हथवा सड़ के गिरने लगेगा, इतना खतरनाक है, काली मौत बोला जाता था उसे। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि गांधी जी 6 साल तक कुछ नहीं किए। फिर 6 साल के बाद, 24 से 6 साल गिन लो, 1930 में वो देखे कि बाप रे अंग्रेज बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, नमक पर टैक्स लगा दिया था, बताओ बिना नमक का कोई खाना अच्छा लगता है जी? सोचो, नमक पर जब टैक्स लगा दिया तो उस वक्त सोचे कि अब तो आंदोलन करेंगे। तो उस वक्त मार्च में, 12 मार्च 1930 को यहाँ से, देखिए ये गुजरात है, गुजरात के यहाँ साबरमती से लोगों को इकट्ठा किए और चले गए नीचे यहाँ पे समुद्र के किनारे नमक बनाने के लिए, जिस जगह का नाम था दांडी गुजरात में। तो साबरमती से दांडी तक की पैदल यात्रा किए सभी लोग, 72 लोगों को इकट्ठा किए थे। कितने लोगों को? 72 या 78, ऐसे ऑप्शन में देता है। तो 72 लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करके, कहीं कहीं 78 भी दिखता है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से इकट्ठा करके चल दिए, 24 दिन लगा और सभी लोग पहुँच गए, लेकिन गांधी के साथ ज़्यादा लोग नहीं गए। और यहाँ पहुँचते पहुँचते लोगों की संख्या 20,000 हो गई, गांधी जी खुश हो गए। ठीक है, और यहाँ पे नमक बनाए ठीक 24 दिन लगा था, यानी कि कब, 6 अप्रैल को पहुँचे थे, 12 मार्च को चले थे, यहाँ लिखे नहीं है, 6 अप्रैल को दांडी पहुँच करके और वहाँ पे सत्याग्रह को पूरा किया। एक और आंदोलन शुरू कर दे तो उस सबको समझाए कि देखिए हम असहयोग आंदोलन वापस लिए हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, लेकिन सुनिए, आप लोग काहे लड़ते हैं, प्यार से अंग्रेजों से बात करने में क्या जा रहा है? कुछ अंग्रेज कहे ना, प्यार से मना कर दीजिएगा, देखिए आप जाइए यहाँ से। ठीक है, प्यार से मना कर दीजिएगा। तो इसी को कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज के बाद हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करें। सविनय माने सब केहू मिल करके, अवज्ञा, आज्ञा नहीं, आज्ञा का पालन नहीं करना है, अवज्ञा करना है, माने जो बोलेगा अंग्रेज उसको उल्टा करना है, हाथ जोड़ के प्रेम से। इसी को कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। 6 मार्च को खत्म हुआ था ना, 6 मार्च को यहाँ पे पहुंचा था लो, और यहीं पे पहुंच करके 6 मार्च को एक और नया आंदोलन, सॉरी 6 अप्रैल को एक और नया आंदोलन शुरू हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन काफी अच्छा सफल रहा। ठीक है, उसके बाद से और देखो, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन 1930 में ही हुआ। तो देखो, तो 1930 में कहो दांडी मार्च 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसमें पता है ये गोलमेज सम्मेलन हो रहा था लंदन में, लंदन में मीटिंग बुलाया गया था कि बाप रे, लंदन में जानते हो क्या हो गया था? एक था मैकडोनाल्ड, ठीक है, वहाँ का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, वो बोला इरविन से। अब कहोगे सर ये इरविन कौन है? तो उस समय भारत को देखने वाला इरविन ही था जो वहाँ से आया था, जिसको वायसराय बोलते हैं। ठीक है, तो बोला इरविन से कि गांधी को भेज दो, कहा इतना आंदोलन कर रहा है। तो ये गया इरविन, कौन गया? इरविन गया, इरविन गांधी जी को बोला कि बड़ो जाइए, भोज वोज का व्यवस्था है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हो रहा है। तो बोले कि हमारा 10 गो बात मानेगा ना, तब जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो इरविन बोला कि तुमको जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, हम तुम्हारा कोनो बात नहीं मानने वाले हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 30 में, नहीं गए। ठीक है, इरविन वायसराय था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो मैकडोनाल्ड बोला कि जल्दी भेज नहीं इरविन, नहीं तो तुम्हारा नौकरी खत्म हो जाएगा, भारत से बुला लेंगे, नौकरी खत्म, ऐसे ही मरना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो दोबारा गया कौन? इरविन। फिर गांधी जी के पास बोला कि सुनिए ना, 10 को कौन मांगवा रखे थे, लाइए सिग्नेचर कर देते हैं, लेकिन जल्दी जाइए। ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ, इरविन सिग्नेचर उचर कर दिया और फिर गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हो गए। ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा, 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ, 30, 31, 32, इन तीनों में गांधी जी मात्र 31 में बीच वाले में गए हैं, लेकिन तीनों सम्मेलन में कौन गया था? तो तीनों सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर शत्रु भारत की तरफ से गए थे, बार बार गए थे, लेकिन ये गांधी जी सिर्फ एगो में गए थे। पता है इस मीटिंग में क्या बात हो रही थी? भारत को तोड़ने का बात हो रहा था। ठीक है, तो बोले कि भारत को तोड़ने का बात कर रहा है, उस भरी सभा में उठ करके गांधी जी चले आए गोलमेज सम्मेलन, बोले कि बाग एक बात हम मानेंगे, चलो हटो। ठीक है, तो ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कुछ खास मीटिंग वोटिंग नहीं हुआ। उसके बाद से गांधी जी का लास्ट आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 में, ये आप याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। अब ये थोड़ा सा टॉपिक समझ लेते हैं जो कि बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन क्या होता है? तो पहले बात समझ लीजिए, अंग्रेज आए थे यहाँ संविधान बनाने, तो यहाँ के लोगों ने विरोध कर दिया कि रे चोटा, संविधान हमारे नियम घर का बनेगा तो तू कहे बनाएगा, मेरा घर है तो हम अपने घर का नियम खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेज साइमन आया था यहाँ पे साइमन कमीशन लेकर के, इसका गठन 1927 में होता है, यहाँ आया था संविधान बनाने के लिए।
गठन तो हो गया यहाँ पे, आगमन हुआ 3 जनवरी को, जनवरी जो होता है ना फर्स्ट ईयर वाला, तो 2 दिन बाद में 3 जनवरी को 1928 में ये आया। कब आया? 1928 में। तो यहाँ के लोगों ने साइमन को काला झंडा दिखा करके, साइमन गो बैक का नारा, साइमन वापस जाओ का नारा लगाया। अब ये लोग गुस्सा क्यों थे? क्योंकि उसमें अंग्रेज जो भी थे, सातों के सातों सदस्य जो थे अंग्रेज थे, उसमें कोई भारतीय नहीं था, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ था, दिक्कत हुआ था। तब यहाँ पे जो मेन था उसमें, वो बहुत गुस्सा हो गया। अब बोला कि अगर तुम्हारे में है ताकत भारतीयों, तो तुम अपना संविधान खुद बनाओ ना, ठीक है, ये बोला गया था। वो कौन बोला था? लार्क वर्किंग हेड, यानी वर्क करने में सबसे पहला हेड यही था, तो उन्हें चुनौती दिया। तो नेहरू बोले, मोतीलाल नेहरू बोले कि हम बनाएंगे, ठीक है। तो बोले एक शर्त है। कौन बोला? वर्किंग हेड बोला कि एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? तो पूरे भारत के लोग उस संविधान से खुश होना चाहिए, उसमें सभी जात धर्म के लोगों के बारे में बात लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आ इधर अंग्रेज जानते हो चढ़ा दिए था सभी मुस्लिमों को, मुस्लिम लीग में जितने भी पार्टी में लोग थे उनको, कि तू वो जो संविधान लिख के देगा लो ना, तू मनबे मत करना, आज तुम ही अपना संविधान लिखो, ठीक है। मुस्लिम लीग के पार्टी को लगे तुम्हारा हम सिग्नेचर कर देंगे, और उन लोगों का करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमने शर्त दिया है कि पूरे भारत के लोग खुश होना चाहिए, और तुम लोग ना खुश रहोगे तो इस तरह से उन लोगों का नहीं लगेगा। अब ये मोहम्मद अली जी ने सोचा कि हाँ ये बात सही है। मोहम्मद अली जी ने बोला कि नहीं भाई, ये संविधान को नहीं मानते, हमारे बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से नेहरू रिपोर्ट 1928 में अपना रिपोर्ट दिए और इसको रद्द कर दिया। कौन ये रद्द कर दिए? कौन बोलते हैं? साइमन कमीशन के जो भी अध्यक्ष थे, यहाँ वर्किंग हेड, रद्द कर दिया, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जी ने उसको नहीं माना, ठीक है। तो ये बहुत मैंने दुखी हुए, कोई बात नहीं। उसके बाद से थोड़ा सा किसान आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। किसान आंदोलन सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि केरल में एक किसान आंदोलन हुआ था 1921 में। कब हुआ था? उन्हें जिसे मोपला विद्रोह कहते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में। कब हुआ था? 1931 में, ठीक है। नेता कौन थे? अली मुसालियर थे, एक मुस्लिम व्यक्ति अली मुसालियर थे, याद रखिएगा, मोपला विद्रोह के नेता मुसालियर थे, ठीक है। उसके बाद से बारदोली सत्याग्रह एक किसान आंदोलन ही है, ठीक है, 1928 में हुआ था, गुजरात में हुआ था, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुआ था, ठीक। उसके बाद से सोचा गया कि अखिल भारतीय किसान सभा का एक गठन कर देते हैं, जो किसानों के बारे में सोचेगा। कई बार पूछा गया, इसको मस्ट भी आई डाल लीजिएगा, ठीक है। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष मान लो सहजानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसान बड़ी सहते हैं, हर चीज़ बर्बाद हो जाता है फसल, फिर भी सहते हैं, तो सहजानंद सरस्वती, ठीक है, कौन? अखिल भारतीय किसान सभा के नेता थे। बिहार में जो किसान सभा हुआ उसका गठन 1929 में हुआ था, उसको याद करना है तो कर सकते हो। उसके बाद से मेरठ षड्यंत्र, अंग्रेजों ने 31 मजदूरों को एक साजिश में फंसा करके उन पर कार्रवाई कर दी 1929 में मेरठ में, इसलिए इन्हें मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है 1929। अब आ गया मुस्लिम लीग, इन लोगों को बोला गया था, ठीक है, कि ये लोग विरोध कर दिए थे, क्या करे विरोध, कि नहीं भाई हम नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। अब बाद में जब हट गया तो मोहम्मद अली जीना लिए, तब हमारा सिग्नेचर कर दीजिए, तब बोला चल भाग तुम्हारा कहा सिग्नेचर करेंगे। इन लोगों को भी कुछ नहीं हो पाया। 1906 में 30 दिसंबर 1906 में ढाका में, कहाँ पे? ढाका में, बांग्लादेश वाला जो बांग्लादेश के नहीं, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष आगा खां थे। अब यह क्यों बना था? तो बता रहे हैं क्यों बना था, भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, कि भाई भारतीय मुसलमानों को भी अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए इसलिए की स्थापना। ये भी अच्छे ही किए थे एक तरह से, ठीक है। उसके बाद से जब ये देखे कि मुस्लिम लीग बन गया, तो हिंदू लोग भी कुछ का किए, यो अपना में कम नहीं है, यो जानते हो क्या किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल बनाया, ठीक है, मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS, जिसके अध्यक्ष 1925 में इसका गठन हुआ, KB हेडगेवार, इसमें हेड कौन थे? KB हेडगेवार RSS के अध्यक्ष बने, ठीक। 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ, मदन मोहन मालवीय ने किया था, इनको महामना भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? महामना भी कहा जाता है। फिर 1975 में आर्य समाज की स्थापना हुई, कहाँ पे? मुंबई में। किसने किया? दयानंद सरस्वती। ये सरस्वती से ये वाला सरस्वती मत देख लीजिएगा, एक और कहीं सरस्वती था, एक और किधर जी हैं जी, सरस्वती जी, यहाँ पे सरस्वती सहजानंद समझिएगा, ये दयानंद सरस्वती है।
आर्य समाज की स्थापना 1975, ये भी 4-5 बार पूछा गया है, ठीक है। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो हिंदुओं, वेदों की ओर लौटो, वेद पढ़ो, ठीक है, ये बोला था। उसके बाद से हमको पूरे इस लेसन में सबसे मजेदार व्यक्ति ये लगे हैं, लेकिन पता है इनको देशद्रोही घोषित कर दिया गया था। जितना इस देश पर गांधी जी का हक है ना, उतना ही इनका भी हक है, और उतना ही महान ये भी है, देश के लिए ये भी कुछ किए हैं। ये आते हैं सबसे ज्यादा आंदोलन ये जम्मू कश्मीर से करते हैं, खान अब्दुल गफार खान, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, इन्हें बादशाह खान कहा जाता है, इन्हें बच्चा खान कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, लाल कुर्ती सेना का गठन, गैरी बाल्टी मत सोचिएगा, लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया, तो खान अब्दुल गफार खान। इन लाल कुर्ती आंदोलन को एक और नाम से जाना जाता है, खुदाए खिदमतगार आंदोलन। क्या बोला जाता है? खुदाए खिदमतगार आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन या लाल शॉर्ट आंदोलन, कुछ भी कहे, तो खान अब्दुल गफार खान या सीमांत गांधी या बादशाह का। अब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, मजेदार लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, फिर बिना देर के हम लोग नेक्स्ट लेसन देखते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि होता है, यानी खेती होता है। आप जानते हैं कि अगर आप खेती, कोई भी देश हो, वो पहले खेती करना सीखा, उस खेती में जो अनाज उपजा वो जाके धीरे धीरे मशीन बने और मशीन में डाल करके और अलग अलग चीज़ें बनाने लगा। यानी पहले अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, उसके बाद से उसी के जरिए उद्योग का विकास हुआ। आज आधुनिक जमाने में उद्योग यानी फैक्ट्री का जमाना आ गया है, जिससे कुटीर उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। उसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले उस जगह पे कहां पे सबसे पहले मशीन का आविष्कार हुआ, और मशीन के आविष्कार से पहले वहां की स्थिति क्या थी। तो वहां के लोग खेती पर डिपेंड थे, कितना परसेंट लोग खेती करते थे उसको समझते हैं। यहां देखिए, अर्थव्यवस्था और आजीविका, आप बताइए कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। अर्थ का व्यवस्था करना, पैसा का व्यवस्था करना अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। जिस काम को करने के बाद पैसा की व्यवस्था हो जाए, पैसा को अर्थ कहते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, या उसी से तो हमारा आजीविका यानी जीवन चलता है कि नहीं बाबू। यहाँ देखिए, कृषि उद्योग जगत में मशीनीकरण की शुरुआत है। आप बताइए, पहले कृषि था लेकिन उद्योग जनक में, यानी कि अगर बात करें कि खेती को ला दिया लो व्यापार में, बिजनेस में ला दिया लो, और इस तरह से मशीनीकरण की शुरुआत सबसे पहले अंग्रेजों ने किया, ब्रिटेन में 18वीं सदी में सबसे पहले, पूरी दुनिया में सबसे पहले मशीन का आविष्कार अंग्रेज सब किया था। ये समझ में आ गया। अब देखिए, 1870 में वहाँ पे लगभग 80%, कहाँ पे, ब्रिटेन में लगभग 80% लोग गांव में रहते थे, और उनका जीवन का एक ही साधन था, खेती करते थे। लेकिन आप बताइए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता गया, खेती से काम नहीं चल रहा था, तो लोग क्या करते हैं, घर छोड़ के दूसरी जगह काम करने जाते हैं ना, बिजनेस करने, व्यापार करने, तो वहाँ से लोग एक इधर उधर जाने लगे, क्योंकि खाने पीने को कुछ था नहीं, और वहाँ दूसरे जगह जा करके व्यापार करके और फैक्ट्री बैठाने लगे, और वहाँ पे कब्जा भी करने लगे। लेकिन उससे पहले फैक्ट्री कहाँ बना, कैसे बना, सबसे पहला फैक्ट्री किस चीज़ का बना, क्या बनाने वाला बना, तो वस्त्र बनाने वाला, कपड़ा बनाने वाला बना, ठीक है। यहाँ देखिए, औद्योगिकरण का कारण क्या था, तो उत्पादन की मांग बढ़ गया। आप बताइए कि अगर आप छोटा सा एक कंपनी, पहले तो मान लीजिए हाथ से काम कर रहे हैं तो कोई भी सामान कम लगेगा, लेकिन अगर मशीन से कुछ चीज़ बना रहे हैं तो बताइए कच्चा माल ज़्यादा लगेगा कि नहीं। सपोज मान लीजिए कि चीनी आप बना रहे हैं या मीठा बना रहे हैं, अगर मशीन से बनाने लगे, ठीक, तो ज़्यादा ज़्यादा सामान लगेगा, तो यानी कि अब जरूरत पड़ा सामान का। और आपको पता होना चाहिए कि आप किसी चीज़ का आविष्कार कब करते हैं, जब जरूरत पड़ता है, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की क्या है, जननी है। तो उसी तरह से उत्पादन की मांग बढ़ी कि भाई जल्दी जल्दी लाओ, तब तक चारों सभी लोग क्या कर, कृषि पर ध्यान देना शुरू कर दिए और मशीन बनाना शुरू कर दिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना कपड़ा की जरूरत पड़ेगी ना, तो उतना ज़्यादा फैक्ट्री बैठाना पड़ेगा ताकि जल्दी कपड़ा बने, ठीक है। तो वही बात है, उत्पादन की मांग में वृद्धि हुई और आविष्कार शुरू हो गया। तो सबसे पहले कपड़ा बनाने के लिए एक फ्रेम बनाया गया, इसका नाम था स्पिनिंग फ्रेम, ठीक है। जैसे फ्रेम, किसी प्रकार का फ्रेम जिसमें कोई सामान बनता है, वो बना। एक डेट बस याद रखिए, बाकी सब हम यूं चुटकियों में याद करा देंगे बाबू, ठीक है। 1769, यानी कि 1769, 1769 में एक स्पिनिंग फ्रेम बना, जिसको रिचर्ड आर्क राइट ने बनाया। ये कहाँ के निवासी थे, बाल्टा निवासी। तो फ्रेम यानी यहाँ बनाया है ना, बाल्टी वाला फ्रेम, तो याद रखिएगा एक फ्रेम बना बाल्टी टाइप का, ठीक। अब इतना याद रखिएगा, ये जल शक्ति से चलता था, पानी से चलता था। क्या अब क्वेश्चन पूछेगा कि स्पिनिंग फ्रेम का जो आविष्कार किया वह व्यक्ति कहाँ का है, तो बाल्टी याद रखिएगा, बाल्टन का है, जो जल से चलता था। अगला है स्पिनिंग जेनी, ऐसे ट्रिक तो आपको याद होगा, शॉर्ट्स में जाके देखे होंगे, फ्रेम लगा के जानू, जेनी या जानू, फ्लाइंग किस किया, तो फ्लाइंग यहाँ पे लिखा है ना, फ्लाइंग किस किया।
और देह कर मेरा पावर और फ्यूल, फ्यूल माने तेल होता है, देह कर मेरा पावर और फ्यूल गुम हो गया। ये ट्रिक बताए थे हम आपको, जाकर के शॉर्ट्स में बाबू आप देख लीजिएगा। देखिए आप अगर देखिएगा ना तो आपको यूं चुटकियों में याद हो जाएगा, इतना आपको पूरा डीपली इसमें आइए सिर्फ समझने के लिए, समझ लीजिएगा और आपका एग्जाम चुटकियों में मैराथन क्लास के माध्यम से कंप्लीट हो जाने वाला है। टेंशन मत लीजिए और एग्जाम में आप ही का रिजल्ट आप देखिएगा। अगर पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं इस मैराथन के रूप में तो आप अपने गाँव में गर्दा उड़ा देंगे, जबरदस्त तरीके से रिजल्ट लाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए स्पिनिंग जेनी दूसरा मशीन बना, ठीक है, जिसको किसने, जेम्स हारग्रीव्स ने बनाया था। किसने बनाया, कौन बनाया था, जेम्स हारग्रीव्स, यानी जेनी बेचारी फ्रेम बनाते बनाते हार गई, तो हारग्रीव्स, ठीक है। ये कहां के थे, तो स्टैंड हिल के थे। कहां के थे, स्टैंड हिल के थे। इन्होंने जो मशीन बनाया उसमें 8 सूत लगते थे। ये जो मशीन था जल शक्ति वाला, एक ही को धागा काट सकता था, लेकिन जानी जो थी जेनी, ठीक है, वो 8 को धागा काट, है ना लड़की बड़ी तेज, ठीक है, जेनी 8 को सूत काट सकती थी और एक पहिया में इसमें 16 तकुए लगे थे। 16 तकुए माने गिट्टी होता है, जो मशीन में गिट्टी लगा जाता है ना, तो भाई एक गो पहिया में 16 को गिट्टी लगता था धागा बनेगा। तो धीरे से एक साल बाद ये डेवलप हो गया, 69 में ये हुआ, 70 में थोड़ा डेवलप हो गया। अब 3 साल के बाद बना फ्लाइंग, किस पर, फ्लाइंग शटल, क्या बना, फ्लाइंग शटल जॉन के ने बनाया, लंका शहर। अब पूछिएगा सर लंका शहर कहाँ है, तो ये लंका शहर पड़ता है ब्रिटेन में, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसके द्वारा हुआ, तो जॉन के द्वारा, ठीक है, 73 में, ठीक इसके 6 साल के बाद एक म्यूल बना जिसको सैम्यूल ने बनवाया था, ठीक है, ये भी कपड़ा उद्योग का ही एक मशीन है, ठीक है। उसके बाद से पावर लूम वाष्प से चलता था, किससे चलता था, भाप से, ठीक है, पावर लूम, इसको एडमंड कार्टराइट ने बनवाया था 85 में। तो आप याद कैसे रखिएगा, 1 साल बाद ये, 3 साल बाद ये, और उसके बाद लगातार दोनों 6-6 साल पर, 1-3 फिर 6 साल के बाद, फिर 6 साल के बाद, तो ये आपको याद हो गया होगा। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाष्प इंजन, भाप से जो मान लो कि कोई चीजें वाष्प से चलने लगा, यहाँ देखो तो वाष्प से अगर चल रहा है, तो सोचा गया काहे नहीं हम वाष्प से चलने वाली ट्रेन बना दें। आप गद्दर मूवी देखे ना, जिसमें सनी देओल जो होता है कोयला वाला ट्रेन चलाता है, तो उसी का आविष्कार किए जेम्स वाट। जब इन्होंने वाष्प इंजन बनाया तो समझो कि सभी कंपनियों की वाट लग गई और इन्हीं के द्वारा सभी लोग ट्रेन वगैरह खरीदने लगे, भाई हमको भी एक ट्रेन दिलवा दीजिए, माने सरकारी ही था, ठीक है, ताकि एक जगह से दूसरी जगह सामान ढो सके। तो वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, कब किया था, तो 1769 में ही किया था, याद रखिएगा 1700। लेकिन सुनिए, जब आप गूगला से पूछिएगा ना तो गूगला बताएगा 1765, ठीक है, लेकिन आप अपने SCERT किताब देखिएगा तो उसमें ये बताया, तो किताब वाले को आप ज्यादा मानिए क्योंकि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं ना। कि यहाँ देखो, उसके बाद से जब सब मशीन बन गया तो अब मामला ये फंसता है कि तनिक कपड़ा उपड़ा बढ़िया बढ़िया डिजाइनदार बनाया जाए, ठीक है, यहाँ फ्रेम बन गया, यहाँ जेनी ने फ्रेम बना दिया, फ्लाइंग किस कर दी, ठीक है, फ्यूल और पावर भी गुम हो गया, इतना ना बिजोड़ की थी यहाँ पे, तो ये सब। तो बाद में यहाँ पे हुआ क्या कि सूती वस्त्र का विकार, ठीक है, विकास होगा, यहाँ पे विकास होने लगा, लिवरपूल में ज्यादा हुआ था जो कि ब्रिटेन में है, लंका शहर जिसको मैनचेस्टर कहा जाता है। आप बताइए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। आप ये भी आपको बता दे रहे हैं, हिंट कर दे रहे हैं कि वहाँ सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र बनता है, ठीक है। यहाँ देखिए, अब यह क्वेश्चन पूछा है एजेंट और गुमास्ता, एजेंट गुमास्ता क्या है, अब ये कौन जानवर का नाम है, जानवर का नहीं नाम है, एक वर्कर का नाम है, समझिएगा किस तरह। एजेंट लोग किसी व्यक्ति को कहते हैं जो कोई, अब जैसे मान लीजिए होता क्या है कि बिचवनिया समझते हो, जो आपका काम कराता है उसे एजेंट कहते हैं। तो इस एजेंट गुमास्ता किसको कहते हैं, तो ये एजेंट करते क्या थे कि मान लीजिए कि पूरा फैक्ट्री बहुत सारा हो गया तो उसमें मजदूरों की जरूरत है ना, तो कंपनी के मालिक किसी एक व्यक्ति को कहता है कि तुम जाओ और जा करके मजदूर ढूंढ करके लाओ। तो जिस व्यक्ति को चुना जाता है मजदूरों को ढूंढने के लिए, वो मजदूरों के पास जाता है, उनको पैसा देकर के उनको बुला के लाता है। इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं एजेंट गुमास्ता, यानी कि एजेंट लोग गुम हुए मजदूरों को खोज करके ला के काम करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आपको लिख दिए हैं, ये पूरा का पूरा कारोबार जब खूब अच्छा से चलने लगा, उसके बाद से कंपनी जितनी भी थी अब मजदूरों पर करने लगी अत्याचार, और नए व्यापारियों को तो आने ही नहीं देना चाहती थी। जितने पुराने पुराने बड़े बड़े व्यापारी थे वही चाहते थे कि हम राज करें,
ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे 1813 में ठीक है चार्टर एक्ट एक नियम लगा दिया गया और बोला गया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कंपनी आज़ादी से अपना व्यापार कर सकती है, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य समाप्त कर दिया गया। अब तुम स्वतंत्र रूप से क्या करो व्यापार कर सकते हो, कब? चार्टर एक्ट 1813 के हिसाब से ये हुआ था। यहाँ देखिए, चलो यहाँ तक तो हो गया, थोड़ा सा ये जान ले गिल्ड्स प्रथा क्या है, ये एग्जाम में दो दो बार बाबू पूछा है। गिल्ड्स प्रथा व्यापारियों द्वारा, अब गिल्ड्स प्रथा का मतलब होता है कि मान लीजिए कि हम अपने यहाँ खूब अच्छा व्यापार फैला लिए, तो हम अगर खूब बड़का व्यापारी हो गए तो व्यापार में जो भी नियम लगाएंगे हम ही लगाएंगे। तो सभी बड़े व्यापारी व्यापार में नियम लगाने लगे, क्या करने लगे? नियम लगाने लगे। इसी को कहते हैं क्या? गिल्ड्स प्रथा, जिसमें वो नियम था कि छोटे व्यापारी अब दोबारा व्यापार नहीं करेंगे। कोई नया व्यापारी बन रहा था ना, तो बड़ा बड़ा जो व्यापारी था उसको दबा दे रहा था, ठीक है, कह रहा था कि नहीं तुम नहीं बन सकते हो, हम लोग पहले से है नहीं। इसी को गिल्ड्स प्रथा कहते हैं। व्यापारी नियम बड़े व्यापारियों द्वारा लगता था, ठीक है। उसके बाद से आदि औद्योगिकरण क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा। औद्योगिकरण माने मशीन का जमाना, आदि माने होता है आदिकाल माने पीछे के समय, मशीनों के पीछे के समय जो था उसमें मानव श्रम द्वारा माने मानव के मेहनत के द्वारा जो कुटीर उद्योग का विकास हुआ था, मशीन नहीं था, मशीन के पहले जो बिजनेस हो रहा था उसी को आदि औद्योगिकरण कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा इसको जान ले। सब मशीन बन जाने के बाद से एक्स्ट्रा क्या क्या बना, अब देखो मान लीजिए कि फैक्ट्री को चलाना है तो कोयला वेला की जरूरत पड़ेगी ना, तो कोयला की जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए रेल का आविष्कार हो गया, क्योंकि जानते हो कोयला का खान जमीन के अंदर से खोद करके और वहीं से ट्रेन पर लाद करके कोयला आता था, लेकिन अंदर जाने के बाद कोयला के खानों में जाने के बाद अंधेरा हो गया, तो अंधेरा हो गया तो लोग जाके कहीं लड़ जाते थे, कोयला तोड़ने जाते थे और क्या हो जाते थे, जाके लड़ जाते थे। तो अब भाई फ्री होके वो कैसे कोयला के खान में घूम सकते हैं, जब उनको एक कोई लाइट दिखाने वाला टच दिखाने वाला होगा तब। तो इसी के लिए लैंप, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया 1885 में, कह लिए ताकि फ्री होके घूम सके, तो हम फ्री डेवी, ट्रिक याद हुआ, हम फ्री माने हम फ्री होके कब घूमेंगे, तो हम फ्री याद होगा, हम फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप बनाया ताकि आराम से अगर सेफ्टी लैंप लगा लेंगे, सर पे ऐसे बांधने वाला होता है, लाइट सामने जलेगा, ठीक है, और आराम से अपना काम कर सकते हो, इसी को कहते हैं सेफ्टी लैंप, ठीक है। 1815 में ही शक्तिशाली भट्टी बना, जिससे कि लोहा को मजबूत बनाया जाता था आग में तपा करके, इसको बेसमर प्रोसेस बोलते हैं। कौन प्रोसेस? बेसमर प्रोसेस कहते हैं। ये ढलैया मशीन जो होता है ना उसी तरह ही मशीन वहां दिखता है, ठीक है। कपड़ा छापने की मशीन, अब तनी कपड़ा बढ़िया बने डिजाइनदार छपाने लगा, जिसको बैनर कहते हैं, वैसे पोस्टर बैनर ठोकने कभी जाते हो ना, तो वही वाला बैनर, ठीक है, कपड़ा छापने वाला मशीन हो गया। उसके बाद से जब कपड़ा छपाने वाला मशीन बन गया तो गोल गोल खूब डिजाइनदार यानी कि बेलनाकार छपाई कब हुआ, किसने किया? तो टॉमस बेल ने किया। तो बेल ने बेलनाकार छपाई किया, बैनर ने कपड़ा छापा। तो ये आपको पूरा का पूरा इतना याद हुआ होगा। 1813 में चार्टर एक्ट लगा जिससे कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार को समाप्त कर दिया गया, अब आप आराम से व्यापार कर सकते थे। अब आते हैं कि सूती मिल का फैक्ट्री बैठा कहाँ कहाँ। सबसे पहले भारत की बात करते हैं तो 1947 में अपना देश आजाद हुआ, तो 1930 से 40 के बीच में 6 कंपनी बैठा द्वारिकानाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के बाबूजी हैं शायद ये, ठीक है, द्वारिकानाथ टैगोर को द्वारा 6 कंपनी बना। उसके बाद से इसका विकास होते गया, 1854 से लेकर के 80 तक 30 कंपनी बैठा, कब 30 उसके पास से 80 से लेके 95, यहाँ 9 दिख रहा है ना, तो 9 बढ़ गया, तो 9 दिख रहा है तो 9 यानी कि 39 हो गया। फिर 95 से लेकर के 1954 या 1895 है, कौन 95, 1895 से लेकर के 1914 तक, तो लास्ट में 14 है तो 14 लिख लो, 144 कंपनी हो गया। 30 39, यहाँ 95 था तो क्या हो गया 9 लिख दिए, यानी कि 30 39 और ये 144, इतना कंपनी बैठ गया। और 1920 में जियाजी मत बोलिएगा, ठीक है, जियाजी राव ने सूती का कारखाना खोला। तो आपसे पूछेगा जियाजी राव ने सूती का कारखाना कब खोला, तो ये 1920 में खोले हैं, ये भी आप चीज़ें याद रखेंगे। वैसे 1920 में असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था, आपको बताए थे 1 अगस्त को। यहाँ देखिए ये बन गया सूती वस्त्र वाला। अब बात करते हैं जूट का, सबसे ज़्यादा सूती का वस्त्र की फैक्ट्री आपको बता दें मुंबई में है, और जूट का यहाँ भारत का अगर मैप बनाए तो इस साइड है सूती वस्त्र जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं जिसका, और इस साइड जूट जो जानवर को बोरा पहनाया जाता है वो हो जाएगा। तो जूट के आविष्कार के बारे में थोड़ा सा जान लें, लेकिन पहली सूती 1951 में बना, और उसके बाद से 1954 में
कावस जी नाना जी डाबर ने बनाया था, याद रखिएगा, कावस जी नाना जी डाबर ने सूती फैक्ट्री की स्थापना कब की, तो ये हो जाएगा 1954। वो एक पारसी थे, क्या थे वो, पारसी थे। उसके बाद से यहाँ की बात करते हैं जूट, तो 1917 में कोलकाता में सबसे पहला फैक्ट्री जूट का खुला, ठीक है, जिसको हुकुम चंद ने बनवाया था, किसने बनवाया था, हुकुम चंद ने। फिर 1918 में बिरला ब्रदर्स, एक बिरला नाम का, टाटा बिरला का नाम सुने हो ना, 18 में 19 में दोनों आदमी का फैक्ट्री वही है, जूट की कंपनी लिमिटेड। तो ये आपको पूरा का पूरा याद हो गया होगा, ठीक है। तो पहला था फ्रेम, दूसरा थी जेनू, तीसरा था फ्लाइंग किस, ठीक है, तीन को फैक्ट्री हो गया। उसके बाद से फ्यूल, तेल डालना पड़ा था, फ्यूल या म्यूल, ठीक है, सैम्यूल ने बनवाया था, एक जैसा नाम है। उसके बाद से पावर गुम हो गया, भाई भाई तेल डालो तो फिर भी पावर काहे गुम हो गया, इसको कार्टराइट ने बनवाया था, वास्प इंजन जेम्स वाट। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लें कि भारत में इसके आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ा है। और हाँ, टाटा आयरन स्टील, सबसे पहले टाटा एंड आयरन भारत में स्टील बनाया गया, लोहा का औद्योगिकरण हुआ, लोहा बनाने वाला फैक्ट्री। आपको अगर सर लोहा में लोहा कैसे बनेगा, अरे रॉड वगैरह कहीं ढलाई होता होगा ना जी, जितना भी घर में लगता है। तो सबसे पहले 1907 में जमशेदजी टाटा ने, ठीक है, जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील की स्थापना की। फिर 1905 में, ठीक है, 1910 में इन्होंने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना की, याद रखिएगा, टाटा हाइड्रा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना 1907 में टाटा स्टील वाला, और 1910 में तीन साल बाद टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना की। उसके बाद से बहुत सारा लोहा का फैक्ट्री खुला, इस्पात खुला, ठीक है, वो राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है जो कि भारत में विकास हुआ था। लेकिन ये वाला हमेशा पूछा है कि सबसे पहले जमशेदजी टाटा, देखना इसे लिखा रहता है ना, फैक्ट्री की स्थापना कब किया है, तो 1907 में, कहाँ पे, तो जमशेदपुर, पहले बिहार में था, अब कहाँ हो गया है वो, अब झारखंड में हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो सेशन को शेयर कर दिए। आपसे बस कुछ नहीं चाहिए, हम पूरे ज्ञापन अकेडमी को कुछ नहीं चाहिए, बस अगर कुछ नहीं बाबू कर सकते तो एक तो प्लीज़ सहयोग कीजिए कि सेशन को ना शेयर कीजिए, ठीक है। आपसे जो कोऑपरेशन हो सके, जो सपोर्ट हो सके, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बाबू जो हो सके आप कीजिए। अगर लग रहा हो कि ज्ञापन अकेडमी के हम मुस्कान मैम एवाद सर कुछ आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी कुछ तो है कि आप ज्ञापन अकेडमी को सहयोग करें, ठीक है, आपकी मर्जी है, वो आप पर डिपेंड करता है, हम आपको प्रेशर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं ले रहे हैं, बस दिल खोल के पढ़िए, उसके अगर ज्यादा प्रेशर में ही मत पड़िए कि सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छा से पढ़ाई कीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट सेशन देखते हैं। औद्योगिकरण यानी मशीनीकरण का जमाना तो शुरू हो चुका था, लेकिन जितना भी फैक्ट्री चलना था वो कोयला से चलने वाला था, तो कोयला से शुरू करते हैं। 14 में कोयला, याद रखिए, 14 में कोयला, 24 में चीनी, 24 में चीनी याद रखिएगा, 14 में कोयला औद्योगिकरण की, कोयला उद्योग की शुरुआत कब हुई, 1914 में, ठीक है। 1921 में यहाँ याद रखिएगा, राजस्व आयोग के प्रधान बने थे इब्राहिम रहीमतुल्ला, याद रखिए, इब्राहिम रहीमतुल्ला राजस्व आयोग के प्रधान बने 1921 में, इसको बस याद रखिएगा। 24 से चीनी और कागज, टीन और केमिकल जितना भी था 1924 में इसका उद्योग लगा था, यानी कि ये शुरुआत हुआ। सीसा और यहाँ पे सीमेंट दोनों सस है, जो 30 में बना था, यानी 14, 24 और 30, 14 में कोयला, 24 में चीनी और 30 में क्या हो जाएगा, सीसा और सीमेंट। जो इतना भी ये फैक्ट्री मान लीजिए कि बैठाना है तो भाई कितना, बहुत पैसा लगेगा ना, तो इसके लिए कोई पैसा देगा, कर्जा और जाता बनाते, इसके लिए भारत में बैंकों की स्थापना की गई। किसकी, बैंक बनाया। बैंक का काम सिर्फ ये मत समझिए कि पैसा जमा करना, अरे सबसे मेन काम तो लोन देना है, ताकि पैसा लेकर के उसको ब्याज देंगे, तो जिससे वो पैसा जमा कराए उसको पैसा थोड़ा बढ़ा के दे सकता है, ये बैंक का काम है। तो 95 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पहली बार हुई थी। तो सुनिए, 95 ऐसे लिखाता है पन से, अब पंजाब भी ऐसे पन लिखाता है, तो 95 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी, इसको रट लीजिएगा यहाँ पे, 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना। 6 और 7 बड़ी आसान है, भारत का नाम सुने हो ना, छक्का छुड़ा देता है सबका, ठीक है, इंडिया ऐसा कंट्री है। तो यहाँ देखिए, बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया वाला, और 7 इसके बाद वाला, इसी को पलट दो, इंडियन बैंक, 6 में बैंक ऑफ इंडिया और 7 में इंडियन बैंक, और यहाँ पे देखिए 11 में सेंट्रल बैंक, 11 में सेंट्रल बैंक की स्थापना हुई, और 13 में दो बैंक, बैंक ऑफ, द बैंक ऑफ मैसूर कर्नाटक वाला, ठीक है, और ज्वाइंट बैंक इसका स्थापना हुआ था। औद्योगिकरण या मशीनकरण का परिणाम, मान लीजिए कि पूरा का पूरा मशीन वशीन सब जगह लग गया, तो भाई इसका क्या रिजल्ट हुआ, अच्छा हुआ, नहीं बाबू,
बड़ी लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि जो लोग हाथ से चीजें बना बना बेचते थे उनकी कंपनी यानी कि वो नहीं बना पा रहे, वो कोई खरीदता ही नहीं था। नगर का शहर तो खूब बना, जहां जहां फैक्ट्री बनेगा नगरों का विकास हुआ, लेकिन कुटीर उद्योग का पतन हो गया था। याद करिए, कुटीर उद्योग कहते हैं छोटा मोटा उद्योग धंधा को, कुटीर उद्योग खत्म हो गया, पतन हो गया, बर्बाद हो गया। साम्राज्यवाद बढ़ गया, यानी लोग कब्जा करना शुरू कर दिए थे, तो इसी को साम्राज्यवाद कहते हैं, राज करना शुरू कर दिए थे दूसरे देशों से। ठीक है, यही औद्योगिकरण का रिजल्ट है। यहाँ देखिए, समाज में वर्ग विभाजन, इससे जानते हो क्या था, समाज टूटने लगा। अब कहिएगा सर मशीन के आने से टूटा कैसे, तो भाई जी मशीन ला लिया वो तो फैक्ट्री का मालिक बन गया ना, और उसी के साथ में जो दोस्त रहेगा उसके पास नहीं हो तो वह जाएगा नीचे, तो समाज टूटेगा कि नहीं, दोस्ती टूटेगा कि नहीं, पैसा आने की वजह से ना भाई, पैसा बहुत बड़ा चीज़ होता है। ठीक है, फैक्ट्री में मजदूरों का जन्म, अब धीरे धीरे लोग मजदूर ढूंढने लगे, तो भाई अपने ही दोस्त को बोले आओ ना हमारे इधर उधर आखिर घूम रहे हो, कोई काम धंधा नहीं है, आओ मेरे यहाँ काम करना, तो इस तरह से मजदूरों का भी जन्म होने लगा। ठीक है, स्लम पत्ति की शुरुआत। अब कहिएगा सर ये स्लम पत्ति क्या है, तो जब मान लीजिए कि गाँव से उठ करके शहरों में मजदूर आएंगे तो रहेंगे कहाँ, तो रहते कहाँ थे, जितना भी कचरा वचरा नाला वाला टाइप का होता है ना उसी पर टाटी मड़ई पलानी रख करके उसी पर रहते थे, तो उस जिस गंदा जगह पर रहते थे ना, तो वहाँ एक आया, दो गो आया, तीन गो आया, तो ये सिस्टम चलने लगा, बहुत सारा लोग एक गंदगी में रहने लगे, तो इसी पत्ति को क्या कहते हैं, स्लम पत्ति, यानी छोटे गंदे स्थानों पर मजदूरों का निवास करने लगना, उस स्थान को क्या कहते हैं, स्लम पत्ति कहते हैं। ठीक है, उस एरिया को कहते हैं। अब मजदूर जब इतना मजदूर देखो बहुत मेहनत करते थे लेकिन मामला फंस जाता था, उतना कंपनी के मालिक मजदूरी नहीं दे पाते थे, तो उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया कि अब इनको आंदोलन कर लेते, क्योंकि फैक्ट्री के मालिक अधिकतर ब्रिटेन के थे, क्योंकि अभी अपना देश इधर वाले हिस्से में आज़ाद नहीं हुआ है। ठीक है, तो 1832 में सुधार आंदोलन सभी मजदूरों ने मिल करके चलाया, लेकिन ये सफल नहीं रहा। उसके बाद से चार्टिस्ट आंदोलन 1838, ठीक इसके 6 साल के बाद चार्टिस्ट आंदोलन चलाया, जो बहुत अच्छा आंदोलन था, लंदन श्रमिक संघ द्वारा ये चलाया गया था, ये भी सफल नहीं रहा, लेकिन लोगों के अंदर ये मोटिवेशन आ गई कि हम अमीरों यानी कि जितने भी औद्योगिकरण करने वाले लोग हैं, जो इसके जिनके पास फैक्ट्री है, उनका विरोध करें अपना पेमेंट बढ़ाने के लिए। ठीक है, और अपना अधिकार मांगने के लिए। इसके लिए 1918 में, रट लीजिए, 3-4 बार पूछा है, 1918 में व्यस्क माने जो 18 वर्ष के ऊपर के लोग व्यस्क हो जाते हैं, यानी कि युवा स्त्री पुरुष इन दोनों को वोट देने का अधिकार मिला 1918 में, सबसे पहले कहाँ पे, तो इंग्लैंड में। तो क्वेश्चन पूछेगा इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार कब मिला था, तो 1918 में। 18 को पलट दीजिए 81 में पहला फैक्ट्री एक्ट लगा, पहली बार फैक्ट्री में नियम लगा 7 वर्ष से नीचे के व्यक्ति जो भी लड़के होंगे, क्योंकि उस वक्त महिला और छोटे बच्चे बूढ़े सब काम करते थे फैक्ट्री में, क्योंकि खाने की कमी हो गई थी, एक आदमी कमा करके नहीं खिला सकता था, वहाँ देह देह कमाना होता है, यानी कि एक एक आदमी कमाएगा तो अपना भरण पोषण कर पाएगा, तो फैक्ट्री में नियम लगा दिया कि 7 वर्ष से नीचे के लड़के या लड़की या कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा, छोटे बच्चे, और 7 वर्ष के ऊपर भी जो बच्चा है, अब 12 वर्ष तक ये जो बच्चा अगर ये काम कर भी रहा है तो उसको काम करने का समय कम होगा, 1-2 घंटा काम करा के छोड़ा देना है, महिलाओं को भी काम का समय कम किया गया, कब, पहला फैक्ट्री एक्ट 1981 के तहत। ठीक है, ये नियम लगा दिया गया, यही आपको लिखे। फिर 1982 आ जाओ, 82 से 90 तक आखिरकार ये नियम बहुत सारा सरकार लगाया लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं थे, अब बार बार जाकर के मजदूर कंपनी के खिलाफ केस कर देते, तो मद्रास में, कहां पे, मद्रास में फिर भी 82 से लेकर 90 तक लगभग 8 सालों में 25 गो हड़ताल दर्ज हो गया था थाना में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन लोगों का आंदोलन अब पूरे राष्ट्र में फैल चुका था, कहां पे, पूरे देश में फैल चुका था। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर का संगठन बन चुका था, इसके लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 31 अक्टूबर 1920, 3-4 बार क्वेश्चन पूछा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई, इसके प्रधान लाला लाजपत राय थे, लाजपत राय नहीं बोलना, लाला लाजपत राय बोलना है। ठीक है, उसके बाद से इसी में 1920 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ भी बना, मजदूरों का संघ बना, 1926 में फिर मजदूर संघ अधिनियम, 1900 तब तक इतना नियम बनाने के बाद मजदूर सोचे कि अब फैक्ट्री में सुधार हो गया, तब तक 1929 में आ गया भुखमरी, मतलब सभी कंपनी का हालत खराब हो गया, किसी के पास कोई प्रोडक्ट कुछ था नहीं, और मजदूर वो सोचे कि सुधार होगा, तब तक मजदूरों की स्थिति और खराब हो गई, क्योंकि 1929 में विश्व आर्थिक मंदी, यानी पूरे विश्व में भुखमरी आ चुकी थी। हमारा देश आजाद हुआ उसके 1 साल के बाद न्यूनतम मजदूरी कानून लगा, जिसमें एक फिक्स किया गया कि मजदूरों का पेमेंट कोई घटाएगा नहीं, एक निश्चित दर पर उन लोगों को मजदूरी देना है। ठीक है, कब आजादी, अब देश आजाद हो गया तो अपना ही नियम लगेगा ना। ठीक है, और यह चीजें प्रथम पंचवर्षीय योजना में डाल दी गई, उसमें लिख दिया गया, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से हुई थी, उसमें यह लिख दिया गया था मजदूरी का दर निश्चित होना चाहिए, हर 5 साल में कितना डेवलप हुआ है इसी को पंचवर्षीय योजना कहते हैं, तो 51 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना है।
मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए 1962 में, अब बोला कि ये राज्य में नहीं, एको केंद्र सरकार समझते हो, जैसे मोदी जी है ना तो केंद्र सरकार के मालिक है, अब बिहार में नीतीश चाचा जो है वो राज्य सरकार के मालिक है, तो वही केंद्र सरकार द्वारा ही नियम लगा दिया गया। 1962 में राष्ट्र श्रम आयोग की स्थापना हुआ जो ये मजदूरों की स्थिति को देखेगा और उसको सुधारेगा। और एट लास्ट जुलाई 1980 में औद्योगिकरण नीति घोषणा पत्र जारी किया गया। तो ये पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। तो आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे 95 में पंजाब नेशनल बैंक, तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई और इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई, इसको कमेंट में बताइएगा। ये लेसन बाबू कंप्लीट हुआ, इसके अगले वाला लेसन बिना देर किए देखते हैं, लेकिन उससे पहले रुकिए, उससे पहले आपको कमेंट में ये बताइए कि ये क्लास कैसा लगा। देखिए हम स्थिति ठंडी में बहुत खराब चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको टॉप ऑफ द बेस्ट मार्क्स दिलाना है, बहुत बेहतर नंबर लाना है, इसीलिए मेहनत हम कर रहे हैं और आपको मेहनत करने पर मजबूर कर रहे हैं। आपको वीडियो को देखना है और इससे ऑब्जेक्टिव निकाल लेना है। देखिए मेहनत आपको भी करना है, ठीक है, खाली हम करेंगे कि सर जी खाली मेहनत करेंगे तो बस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है, सर जी को नहीं लिखना है, ठीक है। तो फिर हम लोग बिना देर किए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इस लेसन से एक या दो क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में रहता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा होगा ही नहीं, इतना लिखने से नहीं होगा, सब नहीं पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, बस जानने के लिए बता देंगे, जो बोलेंगे सिर्फ वही याद करना है। अब इतना देखिए बाप रे याद नहीं होगा ऐसा मत कहिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए शहरीकरण का मतलब होता है शहर कैसे बना, ऐसा थोड़ी है कि शुरू से शहर था, यानी गाँव से शहर, मतलब गांव ही बदलता है शहर में, शहर से महानगर होता है, ठीक है। तो आखिरकार ये कैसे बनता है, आखिरकार शहर धीरे धीरे डेवलप कैसे होता है, इनमें क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं, शहर और गांव और शहर में क्या अंतर होता है, यहाँ पे कौन सी सुविधाएं होती है, शहर में कौन सी सुविधा होती है, ये बस लिख दीजिएगा, आपको नंबर आराम से, अगर 5 नंबर में पूछेगा गाँव और शहर में क्या अंतर है तो ईजी वे में लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि गाँव से शहर तक की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझते हैं। शहरीकरण क्या है कि गांव का शहरों में बदल जाना क्या कहलाता है, शहरीकरण कहलाता है। देखिए पहले गांव होता है, गांव से थोड़ा सा बड़ा अंचल होता, सॉरी गंज होता है, गंज का मतलब होता है गांव से हट करके, देखिएगा बाजार वजार लगता है, क्या लगता है, बाजार, छोटा मोटा बाजार को गंज कहते हैं। तो ये गाँव थोड़ा सा जब डेवलप होता है और बाजार वजार लगने लगता है, वहाँ पे लोग व्यापार करने जाने लगते हैं, मतलब कोई भी छोटा मोटा व्यापार, बहुत बड़का व्यापार मत समझना, ठीक है, तो उसे हम लोग गंज कहते हैं। और वही गंज और बड़ा हो जाता है जब सबसे ज़्यादा लोग आ जाते हैं, जैसे आपका अंचल, अंचल माने ब्लॉक जो होता है कहीं ना कहीं होगा ना, देखिए वो थोड़ा सा डेवलप होगा, ठीक है, तो उसे हम लोग कस्बा कहते हैं, अंचल को क्या बोलते हैं, कस्बा। और कस्बा जब और बड़ा हो जाता है, जहाँ सभी प्रकार की चीज़ें मिलने लगती है, जैसे आपका जिला हो गया तो हो जाएगा शहर, क्या हो जाएगा, शहर, और जिला वगैरह शहर में आ सकता है, और वो जिला खूब ज़्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है, और उसमें सभी सामान मिलने लगे, पूरा फैक्ट्री वगैरह खुलने लगे, तो उसे नगर, जैसे पटना एक क्या है, नगर है, शहर नहीं है, ठीक है। लेकिन जिला की बात करें तो ये सब क्या हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, अलग अलग प्रकार का जिला है, चंपारण जिला है, छपरा, गोपालगंज, सिवान, ये सब जितना है, ठीक है, ये शहर है, और नगर हो जाएगा पटना। अब महानगर का मतलब होता है कि जहाँ दूसरे दूसरे देश के भी लोग आकर व्यापार करें, वो महानगर, जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ये सब क्या है, महानगर है। तो धीरे धीरे डेवलप होते गया और इस तरह का इसका निर्माण होता गया। तो गांव और शहर में क्या अंतर है, तो गांव और शहर में बहुत सारा अंतर है, ठीक है। गांव में हर प्रकार की सुविधाएं नहीं होती है, जैसे कि गांव में अच्छे स्कूल, ठीक है, अच्छा परिवहन व्यवस्था, ये सब नहीं होता है, लेकिन शहरों में होता है। प्रॉपर गाँव में लाइट की व्यवस्था नहीं रहती है, शहरों में व्यवस्थाएँ होती है, ठीक है। गाँव में उतना व्यापारिक केंद्र नहीं होता है, अच्छे स्कूल्स वगैरह नहीं, स्कूल वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन शहरों में ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। गाँव में हर चीज़ दूर दूर पर मिलता है, अगर कोई सामान खरीदने जाओ तो बहुत दूर बाजार जाना होता है, लेकिन शहरों में ये सभी सुविधाएँ नज़दीक ही उपलब्ध होता है। आधुनिक शहर की स्थापना में 3 ऐतिहासिक प्रक्रिया है। जब आधुनिक शहर बन गया है तो उसमें 3 गो क्वालिटी है, यहाँ समझिएगा, क्वालिटी 3 गो मेन मेन का है। नया, जब नया शहर जो बना है उसमें पूंजीवादी का उदय हुआ है, पूंजीवाद माने उसमें पैसा रुपये वाले लोग ढेर होते हैं, किसमें, शहरों में, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा कि विश्व के भूभाग पर औपनिवेशिक शासक, और देखिए शहर बन जाने के कारण, महानगर बन जाने के कारण दूसरे देश के लोग आकर के हमको गुलाम बनाए थे ना, तो ये नुकसान ही नहीं हुआ है। और तीसरा लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, और इस तरह से जब वहाँ अंग्रेज आए तो अंग्रेज का ही देन था कि यहाँ पे राजतंत्र खत्म हुआ और लोकतंत्र आया। आपको पता होना चाहिए पहले राजा महाराजा आराम से राज करते थे, राजा का लड़का कितना भी निकम्मा क्यों नहीं हो वही राजा बनता था, लेकिन आज थोड़ा सा कोई नेता लापरवाही कर दे 5 साल के बाद टिकट खत्म, ठीक है, ये चीज़ें हो जाता है।
तो धीरे धीरे विकास हुआ। ग्रामीण सामंत व्यवस्था को हटा करके, गांव में जितने भी ग्रामीण व्यवस्था और सामंत व्यवस्था को हटा करके और धीरे धीरे उसे प्रगति करके, प्रगति माने आगे बढ़ा करके गांव में दुकान ओकान करके उसे शहर में बदला गया ताकि हर लोग शिक्षित हो सके और वहां पे हर लोग व्यापार कर सके। ठीक है, प्रगतिशील शहरों की व्यवस्था की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी। ठीक है, ग्रामीण लोग नए, ग्रामीण लोगों को नए अवसर मिले और ये सब खेती गृहस्थी छोड़ करके, ठीक है, और नया नया अवसर मिला गाँव के लोगों को कुछ सीखने का और व्यापार करने का। ठीक है, ये चीजें ये एग्जाम में कुछ नहीं पूछने वाला है। ठीक है, ये पूछेगा 1810 से लेकर के 1880 तक जनसंख्या में बदलाव क्या है। तो यहाँ देखिए 1810 में 10 लाख जनसंख्या था, लेकिन 80 में 80 का आधा कर दो, 1880 में ये 40 लाख हो गया। याद हुआ, 1810 से 80 के बीच में 10 लाख से लेकर के 40 लाख तक जनसंख्या ये नगरों में बढ़ जाता है। और ये बेसिकली बात करें तो ये अधिकतर लंदन की जनसंख्या है। कहाँ की जनसंख्या है? लंदन की जनसंख्या है, लंदन की जनसंख्या का ये कंडीशन था। ठीक है, यहाँ देखिए प्रवासियों के लिए आवास निर्माण। अब आप एक बात बताइए, सभी लोग गांव को छोड़ करके और शहरों की तरफ चले गए क्योंकि वहाँ फैक्ट्री वगैरह बैठ गया और वहाँ पे हर चीज़ नज़दीक ही अवेलेबल है। हम लोगों को अगर कहीं गाड़ी पकड़ने गांव के लोगों को जाना होगा तो कुछ दूर जाना पड़ता है, वहाँ पे घर से बाहर कुछ जल्दी व्यवस्था मिल जाती है, हर चीज़ बहुत आसानी तरीके से मिल जाता है। बड़ा बड़ा जितना भी कंपनी होता है वो सब कंपनी कहाँ पे? शहरों में होता है, नगरों में होता है। बड़ा बड़ा ऑफिस कार्यालय जितना भी होता है अधिकारी को वहाँ पे होता है, तो उन लोगों को सुविधा जल्दी मिल जाता है और गांव में वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है। ठीक है, यहाँ देखिए उसके बाद से जब सभी लोग यहाँ से लगभग लोग गांव के तरफ से शहरों के तरफ रुख कर लिए और जाके काम वगैरह सीखने लगे तो वहाँ मामला फंस गया रहने का। तो वहाँ पे बन गया घनी आबादी। तो शहरों में होती है घनी आबादी और गाँव में घनी आबादी नहीं होती है, कहीं कहीं घर रहता है, तो ये भी एक अंतर हो गया। ठीक है, तो वहाँ रहने के लिए भी लगा दिक्कत होने लगा। तो जो लोग पैसे वाले होते हैं ना वो जानते हो क्या किए, एक दिमाग लगाए, सोचे कि इतना पैसा क्या करेंगे, कहीं कहीं छोटा छोटा घर बनवा दे रहे भाई, एक रैन बसेरा टाइप का आकर के लोग रहेंगे। ठीक है, जिनको तकलीफ होगा ठंडा वंडा में आकर के वहाँ पे बैठेगा, आराम करेगा, तो धर्मशाला टाइप का एक बना दिया गया सार्वजनिक जिसमें आकर के बैठेंगे। तो वही उसको बोलते हैं टेनमेंट्स। क्या बोला जाता है? टेनमेंट। टेनमेंट किसे कहते हैं? खैराती संस्था, किसी अमीर अमीर द्वारा बनाया गया जो घर होता है जिसमें कोई भी जाकर रह सकता है, ठीक है, बैठ सकता है, आराम कर सकता है, उसे टेनमेंट्स कहा जाता है। या फिर वहाँ के शासकों द्वारा या फिर जो वहाँ पे सरकार है उसके द्वारा बनाया जाता है, कम चलाऊ रैन बसेरा है। उसके बाद से एक है एस्टेंजर्स होम, दो प्रकार का, ये दो गो घर है जिसमें किसी प्रकार के लोग आकर के रह सकते हैं, अजनबियों का घर इसे बोला जाता है। अब यहाँ बात करते हैं लंदन की, ये सब लंदन की चीजें हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि सब लोग शहर में आ गए, पैसा रुपये खूब कमाए, तो बताओ अपराध बढ़ता है कि नहीं? अपराध मतलब क्या? आप देखिएगा जितना भी मूवी, जब खूब कंपनी वगैरह डेवलप होता है तो वहाँ आता है वो विलेन, गुंडा जिसे बोलते हैं, और आकर के फैक्ट्री के जो मालिक होता है वगैरह बेटी के किडनैप कर लेगा। ठीक है, और पैसा मांगेगा, तो धीरे धीरे अपराध बढ़ता है। वो किडनैप क्यों करता है? क्योंकि उसका वही काम है। हम लोग जैसे मेरा काम है आपको पढ़ाना, ठीक है, और जो भी काम करे उसमें, मतलब कोई भी मजदूर है वो अपना काम करता है, तो उन लोगों का भी वही मजदूरी है किडनैप करके पैसा कमाना। तो धीरे धीरे अपराधी बढ़ने लगा। 1870 में लंदन में लगभग 20,000 अपराधी थे और ये अपराध करके अपने जीवन चलाते थे, अपने परिवार को चलाते थे। किसी को पैसा लेके गोली मार दो और पैसा आ जाएगा तो घर चलेगा। ठीक है, तो दूसरे का घर उजाड़ करके वो चलाते थे। और 1870 में ही, याद रखिएगा, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा माने 1 से लेकर 5 तक किसी तरह पढ़ना ही पढ़ना है सबको, उसी को बोलते हैं अनिवार्य है, एकदम जरूरी है। तब से पूछा जाएगा कि लंदन में या फिर इंग्लैंड में अनिवार्य शिक्षा कब शुरू किया गया? 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। और उसके बाद से 1902 में बोला गया कि जितना भी कम बरस के लड़के हैं ना, कम उम्र के लड़के, उनको नौकरी पर नहीं रखना है, उनको पढ़ाना है। यानी इसको फैक्ट्री एक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैक्ट्री एक्ट 1902 लंदन में लगा था। हम भारत के फैक्ट्री एक्ट के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम लंदन के फैक्ट्री एक्ट के बारे में बोल रहे हैं। बच्चों को काम पर नहीं रखना है, काम से बाहर करो। ठीक है, उसी तरह से देहात और शहरों के बीच की दूरी कम करने का उपाय किया गया। सोचा गया कि बाप रे बहुत दूर पड़ रहा है ना, तो ऐसा करो कि ऐसा माइंडसेट दिमाग में डाल दे, कुछ ऐसा व्यवस्था कर दे, ठीक है, कि लोगों को शहर में जाना होगा तो जल्दी आराम से चले जाए, तो उनके दूरी को कम करने के लिए, ठीक है, गिर्द हरित पट्टिका विकसित किया गया। ठीक है, और ये होता क्या है? एक प्रकार का बगीचा कह सकते हैं। यहां देखिए एवेंजर हावर ने इसे गार्डन सिटी नाम दिया है। ठीक है, इस रास्ता को, इस पट्टी को क्या दिया है? गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। और ये सिटी में अधिकतर कौन लोग जाएंगे? अब सुनो ना, हम क्या बता रहे हैं कि गाँव में ही सब बना था। क्या बना? गाँव में, ताकि लोग उसमें जाए तो फील हो कि बाप रे हम शहर में आए हैं। गाँव में मान लो कि पार्क वर्क बना दिया जाए, आ जाके बूढ़े लोग खैनी मलते हैं, बैठेंगे कहीं का चाचा, तो थोड़ा सा लगे कि भाई हम शहर में हैं, डेवलप रहेगा तो। ठीक है, लेकिन उसमें भी कौन जाते हैं? जो जिसके पास पूरा समय है, फुर्सत है। किसानों के पास समय कहाँ है? वो तो एकदम हालत खराब रहता है खेत में काम करके।
ठीक है। अब देखो आवागमन है तो दुनिया में पहली बार, अब मान लो आने जाने के लिए शहरों में दुनिया में पहली बार भूमिगत रेलखंड का उद्घाटन 1863 में 10 जनवरी को हुआ है। लंदन में 10 जनवरी 1863 को पहली बार भूमिगत ट्रेन का मतलब उद्घाटन हुआ था, ठीक है। यह रेलवे लाइन जो होता है लंदन के कहां से कहां तक थी, किसके बीच थी, तो पैडिगल और कैरिगटन के, कैरिगटन ठीक है, एसटी के बीच स्थित है, यानी पैडिंगल, याद रखिए पॉडिल याद रहेगा, तो पैडिंगल और कैरिगटन के बीच स्थित है कौन, ये जो स्थापना हुआ था भूमिगत रेलवे का, ये वाला थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि भाई अब देखो इस कुछ है नहीं। 1840 में जानते हो क्या होता है, लंदन में आग, मान लो कि इंग्लैंड के जितने भी इधर साइड के गांव देहात के लोग थे वो सब लोग चले गए, लंदन शहर है मतलब इंग्लैंड का एक शहर है, इंग्लैंड की राजधानी है, ठीक है ये आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वहां से लोग आ गए सब लोग लंदन में, अब लंदन में रहने के लिए जगह नहीं था। यहां देखिए लंदन में अगर बात करें 1840 में लंदन का क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति 155 वर्ग किलोमीटर था, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर, गज की बात करें, ये गज में लिखा था, एक गज की बात करें तो एक गज में 155 आदमी आते थे, इतना वो घना था। अब मुंबई की बात करें, अगर मुंबई में तो 9.5 वर्ग मतलब वर्ग गज उसको बोला जाता है, नहीं एक प्रति व्यक्ति 9.5 वर्ग गज यहाँ पे जगह छेकते थे। 1872 की बात करें तो एक मकान में लंदन में 8 लोग रह सकते थे, ठीक है, क्योंकि उतना घन था। लेकिन वही अगर इसी डेट की बात करें तो मुंबई की बात करें तो यहाँ पे एक मकान में 20 व्यक्ति रह सकते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति 8 व्यक्ति, प्रति मकान 8 व्यक्ति, कब के हिसाब से डेटा निकल गया, 1872 के हिसाब से। फिर उसके बाद 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट, अब बॉम्बे में इतना ना घना आबादी हो गया, सोचो एक रूम में 20 को ठूस आया था, ठीक है, तो उसे लिए सोचा कि बॉम्बे के सिटी को इम्प्रूव किया जाए, मैंने बढ़ाया जाए, थोड़ा सा गांव वगैरह इलाका वगैरह पकड़ लिया जाए, ताकि पता बोल दिया कि भाई आगहू तक शहर है। तो देखना जितना भी शहर होता है ना उसके और पहले जो गांव होता है वो धीरे धीरे शहर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई, और 1918 याद रखिएगा मुंबई में महंगे मकानों के किराए पर कानून लगाया गया है। इतना ना मुंबई के लोग महंगा किराया कर दिए, 10-10 हज़ार एक छोटा सा रूम का लेने लगे, कि धीरे से इसको 1918 में ये कानून लगाया गया कि इतने किराया कम करो, ठीक है, ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ देखिए आवासीय समस्या के कारण मुंबई में 1784 में भूमि विकास परियोजना, अब रहने में होने लगा परेशानी, तो सरकार भूमि विकास परियोजना के तहत जमीन को बढ़ाने लगी, यानी कि जो भी गांव में धीरे धीरे गांव को भी शामिल करने लगी, भाई तुम भी यही मुंबई में हो, मुंबई के आजू बाजू गांव को मुंबई में तब्दील कर दी, ठीक, अब 1784 में, ठीक है। उसके बाद से शहर में समुद्र से बचने के लिए, मान लो कि आप जितना आपको पता होना चाहिए जितना भी शहर बसा है वो समुद्र के किनारे बसा है, तो सोचा गया कि एक काम करते तनी मनी समुद्र के और उधर मतलब समुद्र के एकदम नज़दीक हम गांव बसा देते हैं या शहर बसा देते हैं। तो फिर डर था कि कभी भी पानी आएगा तो डुबा देगा, तो बोला कि उपाय है उसके समुद्र जहाँ गांव बसेगा ना उससे कुछ किलोमीटर दूरी पर खूब बड़ा हम बाउंड्री मरवा देंगे ताकि पानी इधर आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे शहरों में समुद्र से बचने के लिए विशाल तटीय दीवार बनाया गया था, ठीक है, कौन बनवाया था, तो मुंबई के गवर्नर थे विलियम हार्वी, याद रखिएगा विलियम हार्वी, हर्वे ना हार्वी, वो थक गए थे बाढ़ से हार गए थे, तो हार्वी ने बना दिया बहुत बड़ा दीवार, ठीक है। उसके बाद से वहां पे मरीन ड्राइव, मुंबई में पूछेगा मरीन ड्राइव कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में है, कहाँ किस जगह पे है, तो मुंबई में है मरीन ड्राइव, याद रखिएगा। सिंगापुर की स्थापना कब हुई, भाई सिंगापुर पहले तो इतना गरीब सिंगापुर था, खाने के लिए कुछ नहीं था, और आज देखिए वहां गाँव है ही नहीं, पूरा का पूरा शहर में बदल गया है। तो सिंगापुर की स्थापना 1965 में किया था, ठीक है, आजाद हुआ था, किसने किया था, तो ली कुआंग येव, कुआंग ने किया था, याद रखिएगा सिंगापुर की स्थापना कुआंग ने किया था, और ये एक नेता थे, किस पार्टी के नेता थे, पीपुल्स एक्शन पार्टी के द्वारा हुआ था, यानी पीपुल एक्शन पार्टी के ये नेता थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि कुआंग ये किस, कुआंग ये ली कुआंग ये किस पार्टी के नेता थे, पीपुल एक्शन पार्टी, जिन्होंने लंदन की स्थापना की थी, लंदन को आजाद कराया था। अब बात करते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो आपको बता दें कि पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु ने की थी। अब सुनिए ध्यान से, अजात शत्रु ऐसा राजा था, बिंबिसार इसके बाबूजी का नाम है, बिंदुसार नाम है उनके पिता का, क्या नाम है, बिंदुसार, ये अपने पिता को मार के राजा बने थे। बोले कि सर क्यों, ब्याह करने के लिए, कह लिए शादी करने के लिए, उनके पिताजी लगे लगातार शादी करने, ठीक है, तो बोले कि बाबूजी हमारा नंबर कब आएगा, बुढ़ऊ तो ऊपर चलो, ठीक है, इनको मार दिया, आजाद शत्रु अपने पिता को मार दिए, तो उपाय था आजाद शत्रु को इनका बेटा मार दिया उदयन, वो क्यों मार दिया उदयन, उदयन इसलिए इनको मार दिया क्योंकि वो अब लगा ब्याह करने,
ठीक है, तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। लेकिन उदयन चलाक था, जैसे ही थोड़ा सा उदयन का लड़का बड़ा हुआ ना, तब तक अपना लड़का का शादी करा दिया जो उन्हें अजराइल रहो, ठीक है। तो ये चीज हो गया था। तो इन्होंने पाटलिपुत्र यानी मगध की स्थापना की थी, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बनाया, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे अपना जो पटना है। अब इसकी चर्चा कहाँ है भाई, कहाँ लिखा है कि मगध अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना कराया था? तो ये मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज एक राजा का दूत था, ठीक है, किन कौन राजा का, चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे उन्हीं का, मतलब उन्हीं के दरबार में आया था। अब ये किस लिए आया था, चंद्रगुप्त मौर्य एक रानी से शादी कर लिए, एक राजा आए थे चंद्रगुप्त मौर्य को मारने के लिए, क्या करने आए थे, मारने के लिए आए थे, और मारने के लिए आए बस चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के बेटिया पसंद आ गई, जब वो पसंद आ गई उससे क्या कर लिए, शादी कर लिए और राजा को भगा दिए, ठीक है। जब कर्नेलिया नाम था राजा का, क्या सॉरी जो लड़कियाँ से शादी किया था उसका नाम कर्नेलिया था, ठीक है। अब राजा बोले मेगास्थनीज को कि मेगास्थनीज तुम जाओ देखो तो हमारी बेटी बिहार में खुश है। तो मेगास्थनीज आया तो देखा कि वाह बिहार में तो बड़ी बढ़िया से आपकी बेटी है, बहुत खुश है। तो वही चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज ने अपनी किताब लिखा जिस किताब का नाम था इंडिका, पूरे इंडिया के बारे में लिखा है। और इन्होंने लिखा है कि भारत में सब कुछ अच्छा है लेकिन एक चीज़ का खराबी है, लड़का या कोई भी लोग वहाँ लिखना नहीं चाहते हैं, सब लोग सुनना चाहता है। जैसे आप भी सुन रहे हैं कहाँ कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, तो सब लोग कहानी सुनना चाहते हैं, लिखने से बड़ा दिक्कत है, पढ़ने से बड़ा दिक्कत है, ठीक है, सुन सकते हैं। तो ये चीज़ें 1541 में गंडक और गंगा पर दुर्ग बनाया शेर शाह सूरी ने, ठीक है, ये भी बिहारी था और ये तो बबरा के लड़का हुमायूं को तो पानी में पटक के मारा था, कौन, शेर शाह सूरी, याद रखिएगा। अब देखिए अब्दुल्लाह की रचना तारीख़ दाऊदी, ये याद रखिएगा, इसमें भी भारत के बारे में, बिहार के सॉरी पाटलिपुत्र के बारे में जिक्र है, ठीक। अब्दुल्लाह की रचना का क्या नाम था, तारीख़ दाऊदी, याद रखिएगा। अब बात करते हैं 1856 में एक अंग्रेज यात्री जिसका नाम था राल फिच, इन्होंने भी पाटलिपुत्र का भ्रमण किया। अब बात करते हैं कि और पाटलिपुत्र किस लिए फेमस है, तो सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था 1866 में, इसलिए भी ये फेमस है, ठीक है। उसके बाद से एक मुगल वंश का शासक था जिसका नाम था अजीमुशाह। देखिएगा आप जब जोधा अकबर देखेगा तो उसमें कहता है अजीमुशाह सहिंसा, ऐसा बोलता है ना, ठीक है। तो अजीमुशाह ने एक पटना को अच्छा तरीका से, नया तरीका से निर्माण कराया, इसीलिए पटना को मगध को अजीमाबाद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अजीमाबाद, ये भी 18वीं सदी की बात है। उसके बाद से गोलघर बनवा दिया गया, गोलघर के लिए अनाज रखने के लिए बनवा दिया गया, और हम लोग बोले कि बाप रे वो गोलघर है, वो अनाज घर है, गोदाम है, ठीक है। तो अनाज का भंडार, गोलघर का निर्माण 1786 में, याद कैसे रखिएगा, 1786 में गोलघर का निर्माण हुआ था। उसके बाद से 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट लगाया गया, इसका मतलब प्रशासन व्यवस्था लागू हो गया, यहाँ पे पुलिस व्यवस्था लागू हो गया, कब, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1911 में दिल्ली दरबार होने वाला था और उस समय बिहार को अलग करने का प्रयास किया गया, और 12 में रट लीजिए 1912 में बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग भी हो गया, और 12 में ही बिहार की राजधानी पटना बनाया गया, ठीक है। राजधानी पटना जिसका क्षेत्रफल 250 किलोमीटर स्क्वायर था, नहीं था, अभी तो पटना पूरा बढ़ गया ना, इधर और इधर जितना भी आ जाओ बिहटा वगैरह के साइड में, तो वो और पटना पटना फैलते जा रहा है, या गायघाट के तरफ पहले तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो ये सब फैलते जा रहा है, कभी जाओगे पटना तो देखना जरूर अपना प्यारा सा पटना। तो आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था, इसको अब रेगुलेटिंग एक्ट कब लगा, ये आपको बताना है। और उसके बाद से एक और क्वेश्चन बताना है, कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछे, नहीं रहने दीजिए, ठीक है, बिना देर के हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इस लेसन को बहुत आसान तरीके से समझेंगे क्योंकि ये भारत से रिलेटेड ज़्यादा है, और इंडिया से रिलेटेड हो और थोड़ा सा ब्रिटेन से भी है। अच्छा, हम लोग जितना भी इतिहास में पढ़ रहे हैं मात्र दो ही देश का अधिकतर जिक्र आ रहा है, कौन कौन सा, एक ब्रिटेन और एक आ रहा है भारत, यानी पहले ब्रिटेन में विकास हुआ है किसी भी औद्योगिक चीज़ों का, मशीनों का, और वही चीज़ें भारत में है। तो यहाँ देखते हैं कि प्रेस, प्रेस समझते हो ना, प्रेस का मतलब कपड़ा प्रेस करना नहीं, जो छपाई होता है ना, कार्ड वोड देखे हो छपाते हुए, या जो हम लोग किताब वगैरह रहता है तो किताब में जो छपाया है वो प्रेस से छपाया है। तो यहाँ प्रेस और संस्कृति और राष्ट्रवाद, हम लोग देखेंगे कि प्रेस की क्या भूमिका है, जो छपाई हुआ है तो आखिरकार पहले लोग हाथों से लिखते थे, हाथों से लिखी गई लिपि को पांडुलिपि कहते हैं, आप तो जानते हैं लिपि में लिखा था, लेकिन ये छापना कब से, किताब उताब छपना शुरू कब से हुआ, जब प्रेस बना। और ये प्रेस छापने का आविष्कार, ये सब जितना भी मशीन का आविष्कार कहाँ हुआ, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ, तो ये सब चाइना में हुआ है। कहाँ पे हुआ है बाबू, चाइना में, चीन के द्वारा हुआ है।
और वो हमारे संस्कृति पर भी प्रभाव डाला। आज हम लोग रामायण और महाभारत पढ़ पाते हैं, इतिहास पढ़ पाते हैं, क्यों? हमारे संस्कृति में हम लोग जानते हैं कि पीछे क्या घटा है, ठीक है। हर चीज़ें प्रेस के माध्यम से हम लोग छपा हुआ चीज़ों को पढ़ के ज्ञान अर्जित कर ले रहे हैं, और वो अंत में राष्ट्रवाद की भी भूमिका निभाएगा। कैसे? तो पेपर वगैरह अच्छा अंग, मान लो कि राष्ट्रवाद की अपने राष्ट्र को एकजुट करने के लिए अगर किसी व्यक्ति को समझाना हो कि तुम अपने देश के लिए कुछ करो, तो उसको लिख करके समझाया जाता था, तो लिख करके अगर उसको दे दो तो वो पढ़ लेता था। जैसे कि मान लो कि सबके पास तो जा करके नहीं समझाया जा सकता है, लेकिन एक माध्यम है, अगर पेपर में ही छपवा दें कि अपने राष्ट्र के प्रति सोचो, अंग्रेज आपको बहुत ही नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो बताइए छपाई हुआ ना, तो राष्ट्रवाद को फैलाने में भी किसका योगदान है? प्रेस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आजकल तो मीडिया वाला देख ही रहे हो, यूट्यूब से भी लोग मतलब क्या कर रहे हैं, मीडिया का काम कर रहे हैं। जैसे कि प्रेस की भूमिका है, ज्ञान को बढ़ाने में भी प्रेस की भूमिका है, सूचना को ग्रहण करने में, मनोरंजन में, रोजगार भी प्रेस है। आप देख रहे हैं कि प्रेस के माध्यम से भी लोग रोजगार कमा रहे हैं। न्याय, न्याय व्यवस्था को भी सुधारने का काम प्रेस कर सकता है। अगर खराब किसी के साथ गलत कोई व्यवहार कर दिया, या फिर कोई न्याय में क्या बोलते हैं उसको, कोई गलत सजा सुना दिया, तो इस प्रेस के माध्यम से, मीडिया वालों के माध्यम से हम लोग अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। आंदोलन में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ देखिए, सबसे पहले टस प्लाई लून, ज़्यादा नहीं याद करना है, सबसे पहले टस प्लाई लून 105 ईस्वी में, एडी को ईस्वी कहते हैं, कपास और मलबल दोनों को फेंट करके कागज बना दिया। क्या बना दिया? कागज। आपसे पूछेगा कागज का निर्माण सर्वप्रथम किसने और कब किया, तो 105 ईस्वी में टस प्लाई लून ने किया था, जो चीन के एक नागरिक थे, ठीक है। उसके बाद से 594 की बात है, इसी में इसकी शुरुआत लकड़ी के ब्लॉक के रूप में हुई, जिसे ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। अब कहिएगा ब्लॉक प्रिंटिंग सर बना कैसे, तो मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान है। देखो मान लो नीचे एक काठ रख दो, और काठ के ऊपर ऐसे पेपर रख दो, ऊपर से एक और काठ से दाबा जाता है, काठ मतलब लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है। अब कहोगे सर तो छपा जाएगा, तो सुनो बता रहे, जो ऊपर से दाबा जाता है ना, चाहे नीचे जो रखा जाता है, उसी पर अक्षर ऐसे खोद खोद करके काट काट करके डिजाइन काट दिया जाता है। जैसे मोहर देखे हैं आप, तो मोहर मारा जाता है तो उखड़ कैसे जाता है, क्योंकि इधर पलट के देखिएगा तो उस पर अक्षर टाइप हुआ रहता है। वैसे ही लकड़ी को काट करके और उसमें क्या, उसको अब इंक में डालो और उसी पर चिपका के उसे जोर से दबा दोगे, वही है ब्लॉक प्रिंट। अब यहाँ पे बात करें कि से, यहाँ पे पी सेंग, ये चीनी यात्री थे, इन्होंने मिट्टी की मुद्रा बनाई। मिट्टी की मुद्रा का मतलब पैसा नहीं होता है, बता रहे हैं। जैसे को है ना, तो एकहन को बनाए थे, वो क्या बनाए थे, एकहन को। जैसे मान लो एक बॉक्स रहता था, ऐसे मान लो कि एक पटरा कुछ ऐसे रख दिए, पटरा टाइप का, ठीक है। अब क है तो क ले जाकर रख दिए थे कहीं, सब अक्षर बनाए थे मिट्टी का, क म ल क से लेकर सब कुछ बनाए थे कुछ देर के लिए मान लो, ठीक है। अगर कमल लिखना होगा तो एक ऐसे इस टाइप का लकड़ी का होता था, क ले जाकर रख दिए, पास में लिख दिए म, यहाँ रख दिए न, यहाँ एक खांचा टाइप का होता था, और इसी को इंक में बुड़ा करके और इसे छाप देते थे, तो इसको कहते हैं मुद्रा। क्या बोलते हैं? मुद्रा। तो एक अहन को बना था, क्या पी सेंग ने बनाया था मिट्टी का मुद्रा। ले यहाँ पे देखिए, कोरिया द्वारा लकड़ी को खोद करके जब हई बनाए मिट्टी का, ई चलाखी किए कोरिया वाले लकड़िए को खोद करके, जिस तरह मुहर होता है ना, खोद करके और टाइप बना दिए थे और छापने वाला। लेकिन पता है कितना खुदाई होगा? सबसे देखो, हम लोग के यहाँ कखा होगा चसा जाए यही सब होता है, लेकिन आप चले जाइए कोरिया में, जापान में, चाइना में, तो यहाँ पे बड़ा ज़्यादा अक्षर है, लगभग 40,000 अक्षर है। अब 40,000 ही छोटे छोटे थे काट काट के बनाओ ना, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत हो जाता था, ठीक है। यहाँ पे आगे पढ़ने को मिलेगा अभी, मूवेबल टाइप द्वारा प्रथम पुस्तक 13वीं शताब्दी में छापा गया था, और कहाँ पे, तो कोरिया में छापा गया था। लेकिन कोरिया में छापने का काम, पहला किताब छपा गया, लेकिन विकास अच्छा तरह से डेवलप हुआ ये कहाँ पे, यूरोप में, क्योंकि यूरोप में ना बड़ी ज़्यादा मशीन वशीन के बारे में जानता है, जितना भी आजकल फैक्ट्री दिख रहा है ना, ये सब यूरोप में है, आपको पता होना भी चाहिए, ठीक है। तो यूरोप में मशीन का विकास हो गया, प्रेस बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया, ठीक है। पता है क्यों ये कोरिया में नहीं हो पाया, चीन में डेवलप क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ पे 40,000 छोटे छोटे वर्ण होते हैं, हम लोग लगभग 13 को होता है, लेकिन इसमें उतना दिमाग नहीं लगे, उसमें 40,000 वर्ण थे चीन, जापान और कोरिया में, इसीलिए यहाँ पे विकास नहीं किया। लेकिन वही यूरोप में ज्यादा वर्ड नहीं होता है, इंग्लिश वर्ड ए से लेकर जेड तक 26 को लिख दो, ठीक है, और उसी को कहीं कहीं सेट कर दो, आराम से छपाई होने लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो पूरे विश्व की बात करें तो चाइना से गया था इधर रेशम मार्ग, यहाँ से रेशम का व्यापार होता था, इसीलिए इसका नाम रेशम मार्ग है, और यहाँ यूरोप आया था। तो रेशम मार्ग द्वारा
रोम पहुंचा, इटली जो है ना, इटली के रोम है, इटली की राजधानी रोम, तो रोम पहुंचा, कौन पहुंचा है, मार्को पोलो ने पहुंचाया था, मारते मारते यहाँ पहुंचा दिया मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में, कौन, मुद्रण को पहुंचा दिया था। ठीक, अब बता रहे 1336 की बात है, 13वीं शताब्दी है, 1336 उसके आगे हो जाएगा, प्रथम पेपर मिल जर्मनी में बना, पेपर मिल जर्मनी में बना, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ और किसने किया, तो टस प्लाई लून ने मलमल और कपास को मिला करके बनाया था। ठीक है, और ये पेपर मिल की स्थापना 36 में जर्मनी में किया गया। अब जब जर्मनी में हो गया तो पेपर भी बनिए गया, छपाई वाला बनिए गया, तो अब बताओ लोगों को शिक्षा देने में अब कहाँ कमी होने वाली है, अब तो कमी नहीं होने वाली है, और सारी बातें सारी सूचनाएं अब लोगों तक पहुँचाया जा सकता है आसानी से। ठीक है, तो इससे विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ, किसी प्रकार का मैंने इस सब का प्रसार प्रचार हुआ। अब बात करते हैं गुटेनबर्ग, इस सबसे इस लेसन में सबसे फेमस व्यक्ति हैं गुटेनबर्ग, इन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत अच्छे तरीका से किया था। अब कहिएगा सर ये कैसे कर दिए, तो देखो पहले ये तेल पेरने वाला मशीन चलाते थे, तो तेल पेरने वाला मशीन तुम गौर से देखना, उसमें जब कुछ डालोगे ना तो खूब बढ़िया टाइट चल के पेर करके निकाल देता है, तो वो देख रहे थे कि जब सरसों या तोड़ा डाल रहे हैं तो पेर के निकाल रहे हैं, तो उसी टाइप का इस तरह उसमें से निकलता है जिसको खरी बोला जाता है, ऐसा देखे हो ना, उसका तेल निकलने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है तो उसमें भी लकीर लकीर खींचा जाता है, तो सोचिए कि हम भी अगर प्रेस बनाएं तो उसमें भी कुछ छपाई हो सकता है, तो ये जैतून के तेल पेरने वाली मशीन से प्रेरित होकर के इन्होंने मुद्रण बनाया। ठीक है, किधर गया, यहाँ देखिए, यहाँ प्रिंटिंग प्रेस, यहाँ इनका जन्म जर्मनी में किसान परिवार में हुआ था, जैतून पेरने वाली तेल के मशीन से प्रभावित थे, और उन्होंने पहली बार, याद रखिएगा, गुटेनबर्ग ने पहली बार 1440 में मुद्रण का शोध किया और पहला किताब बाइबिल छापा, 42 लाइन वाला 36 लाइन वाला बाइबिल छापा। एक साहूकार आके बोले कि तनी बाइबिल छाप दिया, लेकिन चुट्टा बड़ी हरामी था, वो जानते हो क्या किया, वो अपने आप को बोला कि नहीं ये हम छापे हैं अपना नाम होने के लिए, क्योंकि कोई भी पहली बार चीज़ें होती है तो इतिहास में नाम उसका हो जाता है। ठीक है, तो वही आ गया, साहूकार था, लेकिन 421 लाइनें वाले बाइबिल गुटेनबर्ग द्वारा छापा गया था, और 1448 में, यहाँ देखो 1440 में 42 लाइन वाला और 1448 में 36 लाइन वाला बाइबिल गुटेनबर्ग ने पहली बार छापा था। तब से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली किताब कौन सा छापा गया था, बाइबिल कितने लाइने वाला था, आप बता सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये चारों तरफ छापने वाला मशीन फैलने लगा, तो यहाँ 1475 में, ठीक है, याद है क्या, विलियम कैक्सन मुद्रण को इंग्लैंड लेकर के आए। ठीक है, और ये कहाँ पे उसका फैक्ट्री बैठा है, तो वेस्ट मिंस्टर में प्रेस की स्थापना कर दी, ये याद रखिएगा। और ये देखिए 1475 के बाद डायरेक्ट 1544 में, बहुत बाद में, पुर्तगाल में ये सब छपाई का शुरू हुआ, उसके बाद से मुद्रण चारों तरफ विकास करने लगा। मुद्रण ने तर्कवाद और मानवतावाद का द्वार खोल दिया, मुद्रण का ही देन है कि आज हम आपको बता पा रहे हैं, आज हमारा इतना सोचने की शक्ति हुई है, क्योंकि हम भी कहीं से पढ़ के ज्ञान अर्जित किए हैं, ज्ञान इकट्ठा किए हैं। ठीक है, तो हमको अगर कोई दबाने की कोशिश करे, बातों में दबा दे, ये तो हो नहीं सकता, और नहीं आपको बाबू कोई दबा सकता है, क्योंकि आपके पास उतना ज्ञान हो गया है। ठीक है, यहाँ देखिए अब उसके बाद से मार्टिन लूथर, अब देखो कोई, अब कोई किसी प्रकार के धर्म के व्यक्ति भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, ऐसा बात है कि नहीं, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी पंडित मौलाना, कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, क्योंकि आपको अगर किसी धर्म के चढ़ाए में बहकाए में किस तरह कोई गलत काम करा रहे हैं, तो आप आराम से कोई किताब पढ़ के, गीता पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, ज्ञान ले सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे गीता कुरान में ऐसी कोई बातें नहीं लिखी है। ठीक है, इतना तो हमारे पास ज्ञान हो गया। तो मार्टिन लूथर बोले कि कैथोलिक धर्म में जितने भी पादरी लोग हैं, चर्च में जितने भी सब भवंडल किया है, सब गलत है। तो ये देखिए, मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे, धर्म को सुधारने आए थे। ठीक है, कैथोलिक चर्च में कुरीतियों, जितना भी बेकार बेकार काम होता था, अपनी 95 संस्थाएं में लिखी है, बहुत सारे स्थापनाएं किए हैं, लेकिन 95 नंबर किताब में उन्होंने कैथोलिक धर्म के बारे में, उन्होंने कुछ कुरीतियों के बारे में लिखा है कि वहां क्या क्या गलत होता है। पता है, ये बोले हैं कि बहुत बढ़िया हुआ कि मुद्रण आ गया, नहीं तो ये तो धर्म वाले जितने भी ठेकेदार हैं सब लोगों को बेच के खा जाते हैं, सबको गरीबी के दलदल में ढकेल के रखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि मुद्रण आया, यानी छापने वाला चीज जो आया, बहुत अच्छा हुआ, इसलिए मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन और तोहफा है। इन्होंने कहा कि जो मुद्रण है ना छापने वाला, ये भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है, गॉड का दिया हुआ एक तोहफा है, याद रखिएगा। और इसके वजह से नई संस्कृति भी मुद्रण द्वारा जन्मा, और नया नया तरीका से संस्कृति सभ्यता भी मुद्रण के द्वारा जन्म लिया। 18वीं सदी में प्रेस धातु की बनी, ठीक है, लोहा वगैरह उसमें लगा, धातु की बनी, और रिचर्ड एम हो, चाचा हो तो वही है, रिचर्ड एम हो, ठीक है, न्यूयॉर्क थे, इन्होंने बेलनाकार प्रेस बनाया। ठीक है, और ये बेलनाकार प्रेस में क्वालिटी क्या थी, तो ये 8000 ताव एक बार में एक घंटा में छाप सकता था। ताव समझते हो ना, इतना बड़ा जो पेपर होता है उसे एक ताव बोलते हैं, तो एक घंटा में 8000 ताव छाप सकता है,
कौन? बेलनाकार प्रेस किसने बनाया? रिचर्ड एम हो ने बनाया। उसके बाद से ऑफसेट प्रेस एक बना जो 6 कलर में छपाई कर सकता है। कितने काल कितने कलर में? 6 रंगों में छपाई कर सकता है। एंड एट लास्ट यहाँ पे इसमें देखें कि अशोक द्वारा लिखे गए अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। और हाँ, पांडुलिपि किसे कहते हैं? तो हाथ द्वारा जो लिपि लिखा जाता है पत्ता वगैरह पर, उसी को पांडुलिपि कहते हैं। और ब्राह्मी लिपि, अशोक के सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। इसके बाद से हम लोग भारत में प्रिंटिंग प्रेस कब आया और इस प्रेस से यहाँ के लोग कितना फायदा उठाए, अंग्रेजों के बारे में इसमें कितना बुराई लिखे सबसे ज्यादा, और पढ़ने के बाद पेपर लोगों के अंदर कौन सा मोटिवेशन जगा, और मोटिवेशन जगने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग विद्रोह करने लगे, जिसमें सबसे खतरनाक लिखते थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उनके पेपर जो था सोमनाथ पत्रिका, आग उगलने वाला पत्रिका था, डायरेक्ट सोमनाथ पत्रिका। तो सोमवार को लोग अधिकतर पूजा वगैरह करते हैं, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ईश्वर की पूजा सोमवार को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सबसे खतरनाक पत्रिका सोमनाथ पत्रिका था। उसमें इतना डेंजर लिखते थे, वो डायरेक्ट लिखते थे जानते हो क्या, कि अंग्रेजों का जो सपोर्ट करेगा वो अंग्रेजों की औलाद है, ठीक है। तो अब मान लो उसका बेइज्जती करो, तो तुम मान लो कि कोई अंग्रेज का सपोर्ट करेगा तो तुमको कहा तुम अंग्रेज का सपोर्ट करो, पक्का तो अंग्रेज का औलाद है, अंग्रेज का बबुआ, ऐसे कुछ कहोगे ना, ठीक है। तो उससे गुस्सा आता था अंग्रेजों को, और उन्होंने सोमनाथ पत्रिका को बंद भी करा दिया। तो फिर हम लोग इसमें देखने वाले हैं अगले बार कौन कौन सा पत्रिका भारत में कब छपा। तो यहाँ हम लोग प्रेस का यानी प्रिंटिंग प्रेस का विकास को देखते हुए किस तरह से गुटेनबर्ग ने एक जैतून पेरने वाली तेल के मशीन से शिक्षा लेकर के एक बहुत बड़ा मशीन बना दिया, और टस प्लाई लून ने कागज बना दिया। तो देखते हैं कि भारत में आने के बाद जब भारत में प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो आखिरकार इसका इस्तेमाल हम लोग किस तरह करते थे। खाली देखते हैं कि भारत में सबसे पहला पत्रिका बंगाल गजट, जिसको किसने लिखा है? जेके हिक्की वाला, वही है। सबसे पहले देखते हैं पांडुलिपि कैसे, पांडुलिपि किसे कहते हैं? तो देखिए अभी पांडुलिपि नहीं है, हाथ द्वारा जो ये हम लिख रहे हैं ना यही पांडुलिपि है, लेकिन जो छपाई हो गया तो पांडुलिपि नहीं है। तो हस्तलिखित लेख को पांडुलिपि कहते हैं, यानी हाथों के द्वारा लिखी गई लिपि को क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। सबसे पहले अगर पेपर की बात करें तो यहाँ से पुर्तगालियों द्वारा भारत में पेपर लाया गया था, यानी कि भारत में प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा 16वीं सदी में हुई थी, सदी इधर से होगा, ठीक है। पहली तमिल पुस्तक छापा गया तमिल भाषा में, तमिलनाडु वाला समझते हैं, तमिल भाषा में 1579 में छापा गया था। और ये कौन छापे थे? तो उस वक्त के पुजारी लोग, कैथोलिक पुजारी, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज यहाँ थे ना, तो कैथोलिक पुजारी को द्वारा यहाँ छापा गया था, लेकिन ये यहाँ नहीं छपाया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत में समाचार पत्र की स्थापना, तो 1766 में पहला बार प्रेस को शुरू किया गया इंडिया में, ठीक है। किसने? बोल्टन ने शुरू किया, बोल्ट ने पहली बार नट बोल्ट कसा 1766 में प्रेस की शुरुआत की। और पहला पेपर 1780 में छपा, भारत का पहला समाचार पत्र इंग्लिश में छपा था, बंगाल गजट, ठीक है। याद रखिएगा बंगाल गजट दो ठो है, एक यहाँ पे भी बंगाल गजट पेपर है और एक यहाँ पे भी, लेकिन सबसे पहले 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की यानी जेके हिक्की ने बंगाल गजट को छापा। इसी समय इसमें क्या था, अंग्रेजों के प्रति, यानी कि यहाँ जब छापा गया था उसमें देखो ये जेके है कि बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है, वो भारत की समस्याओं को समझते थे, ठीक है। और इन्होंने पेपर छापा अंग्रेजों के खिलाफ छापा, तो अंग्रेजों ने इन्हें पैक करके भेज दिया इंग्लैंड, जाओ यहाँ से। उसके बाद से इंडिया गजट छपा इसी समय, दूसरा समाचार पत्र, ये सब कहाँ छप रहा है? बंगाल या कोलकाता में कह सकते हैं। 18वीं सदी के अंत तक बहुत सारा पेपर छप गया, 18वीं सदी की बात करें तो बहुत सारा पेपर कोलकाता मद्रास, कोलकाता कैरियर, मद्रास कैरियर, मद्रास गजट, ये बहुत सारा पेपर छप गया था। लेकिन भारत में ये देखिए, ये अगर बात करें तो कौन ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जो बंगाल गजट छापे थे, तो भारतीय व्यक्ति थे गंगाधर भट्टाचार्य, ई था अंग्रेज, जेके हिक्की, बंगाल गजट। और यहाँ पे भारतीय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र 1816 में पहली बार भारतीय द्वारा, क्वेश्चन में डाउट होगा, पहली बार भारत में समाचार पत्र, तो ये मारिएगा कौन सा टीका, आप मारिएगा जेम्स अगस्टस हिक्की। लेकिन भारतीयों द्वारा कब छापा गया, तो 1816 में छापा गया था, इसको याद रखेंगे। और वो भारतीय कौन थे, तो गंगाधर भट्टाचार्य थे, इतना याद हुआ। कोलकाता में यहाँ पे कोलकाता जनरल का संपादन सिल्ट वर्किंगहम ने किया था, और इसमें अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी थी, इनको भी पैक करके भेज दिया, कहाँ पे, इनका सेवा समाप्त कर दिया व्यापारियों ने 1818 में, और 1823 में वर्किंगहम को जेल भेज दिया गया, यानी कि इंग्लैंड भेज दिया गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस लेसन का, दो ही आदमी है, एक है राजा राम मोहन राय और दूसरा बाल गंगाधर तिलक। ये वही बाल गंगाधर तिलक थे जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तो 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त को। देखो राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे,
समाज सुधार का मतलब क्या था कि समाज में जितनी भी कुरीतियां चल रही थी, जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह, विधवा विवाह, इस सब का अंत कर किए राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा का अंत क्यों किए? सती प्रथा का मतलब होता है जब किसी के पति मर जाते हैं तो उनकी पत्नी को उनके साथ ही जला दिया जाता था, इनका अंत किया था। इनको इस चीज़ों से बड़ी तकलीफ लगा। वो उस समय की घटना है जब इनके माँ बाप नहीं थे तो इनका पालन पोषण इनकी भाभी की थी, और एकाएक इनके भैया की मृत्यु हो जाने के बाद से इनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया था। उस वक्त इन्होंने ठान लिया कि हम बड़े होकर के सती प्रथा का अंत करेंगे, और एक अंग्रेज से मिल करके सती प्रथा का अंत कर दिया। उस अंग्रेज का नाम था विलियम बैटिक। ठीक है, यहाँ पे आपको कहीं लिखे भी होंगे, नहीं लिखे। वैसे सबसे पहले ये ब्रह्म समाज की स्थापना की आपकी, सर ये ब्रह्म समाज होता क्या है? तो सुनिए, महिलाओं को अधिकार दिया गया ब्रह्म समाज के जरिए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, और 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया कि आज के बाद पति के मरने के बाद पत्नी को नहीं जलाया जाएगा, नहीं तो पत्नी जिस दिन मरेगी पति को भी जलाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह राजा राम मोहन राय ने दो पत्रिकाएं लिखी, यहां समझिएगा, संवाद कौमदी, अच्छा देखिए, और मीरातुल अखबार। लेकिन ये नहीं पूछता है, पूछता है कि संवाद कौमदी किस भाषा में लिखा गया है। तो ट्रिक थोड़ा सा देखिएगा, संवाद में ब है ना, और बंगाल में भी ब है, और मीरातुल में र है, और फारसी में भी र है। तो बस इतना ही ट्रिक से आप मार सकते हैं। ठीक है, संवाद कौमदी बंगला में, और मीरातुल अखबार फारसी में, ये लिखा गया था 1821 में, और दूसरा 22 में। 22 में एक और पत्रिका इन्होंने लिखा जिनका नाम था दैनिक मुंबई। कहाँ से लिखे हैं? गुजराती भाषा में लिखे हैं। और कहाँ से? मुंबई में बैठ करके दैनिक मुंबई लिखे हैं, और वो भाषा था गुजराती, गुजराती में लिख रहे थे। ठीक है, उसके बाद से 1830 में, इंपॉर्टेंट नहीं है, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर और राजा राम मोहन राय, तीन आदमी मिल करके एक पत्रिका लिखी है बंगदत्त। किने लिखा है? बंगदत्त, 1830 में, यानी 21, 22, 22, फिर उसके बाद से 31 में यहाँ जामे जमशेद लिखा गया, और 51 में गुफ्तार। वैसे आपको बता दे कि रफ्त गुफ्तार एक पत्रिका है। कौन सा है? रफ्त गुफ्तार, जिसको दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, ये आप याद रख लीजिएगा, रफ्त गुफ्तार। ठीक है, अखबार सौदागर। भारत में दो प्रकार का प्रेस था, अब दो वो प्रेस था, एक वो भारतीय लोग उसमें रहते थे, एक वो एंग्लो इंडियन रहते थे। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिनके बाबूजी इंग्लैंड के हो और मम्मी कहाँ की हो? भारत की हो। तो इन दोनों से जो लड़का पैदा होता है उसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के लोग यहाँ पत्र चलाते थे, पत्रिका छापते थे। पता है एंग्लो इंडियन वाला ब्रिटिश के सपोर्ट करता था, यानी अंग्रेजों का सपोर्ट करता था, इंग्लिश में छपता था, जिससे अंग्रेज खुश रहे वैसे पत्रिका छपता था। लेकिन भारतीय प्रेस को इस चीज़ से दिक्कत था, बोला कि नहीं, जो सत्य है वही छापेंगे। ठीक है, और ये क्या करता था, ये हमेशा फूट डालो और शासन करो के पक्षधर था, और सरकार की तारीफ करता था, सरकार का चमचागिरी एंग्लो इंडियन करता था, और भारतीय प्रेस इसका विरोध करता था। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। इस तरह से मामला चलते गया, लोग अपने देश की आज़ादी में प्रेस के जरिए लोगों के पास आंदोलन की भावनाएं पहुंचाने लगे, जिसमें सबसे खतरनाक व्यक्ति एक निकलेंगे, भगवान यानी ईश्वर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इतना खतरनाक पत्रिका लिखते थे, वो पढ़ लेने के बाद अंदर से लोगों के अंदर खून खौल जाता था। ठीक है, और अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं कर पा रहा था। ठीक है, कोई कोई होता है ना घुसखोर टाइप का, वही मान लो सहयोग कर रहा है, तो जा करके उससे ही लोग बोल, उस पत्रिका में लिखा था कि अंग्रेजों का सहयोग करने वाला अंग्रेजों की औलाद है। ठीक है, इतना खतरनाक जब कोई सुनेगा तो भड़क किया जाएगा। सोमनाथ पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा 1858 में छापा गया, और यह चीज़ जब अंग्रेज देखा तो इस पत्रिका को बंद कर दिया, वर्नाकुलर एक्ट लगा करके, एक नियम लगा 1878 में, वर्नाकुलर एक्ट एक नियम पारित किया, जिसके तहत, अब वर्नाकुलर एक्ट में होता क्या था पहले बात समझिएगा, वर्नाकुलर एक्ट में जो अंग्रेजी भाषा में पत्रिका कुछ हो छापो, कितना भी बुराई छापो, अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं था। जानते हो क्यों नहीं दिक्कत था? क्योंकि भारत के लोगों को उतना अंग्रेजी पढ़ने आता नहीं था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन समझिएगा ध्यान से, लेकिन अगर दूसरे भाषा में है तो आप छापिए, आपको रोकेगा नहीं वर्नाकुलर एक्ट, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं छापना है। अगर अपने भाषा में छाप रहे हो तो लिखो अंग्रेज बहुत अच्छा है, उतना अच्छा तो दुनिया में कोई है ही नहीं चोटता कहीं का। ठीक है, ये वाला चीज हो जाता है, तो ये वर्नाकुलर एक्ट था। तो इसके अब देखा गया कि सभी पेपर बंद होने लगा, तो एक अमृत बाजार पत्रिका था, ये कह रहा था कि हम अमृत पिए अमर रहेंगे, हम अपना पेपर बंद नहीं करेंगे। इन्होंने बंगाली में ये लिखते थे अमृत बाजार पत्रिका, रातों रात अपने पत्रिका को चेंज करके और अंग्रेजी में बदल दिया। ठीक है, बंगाली से हिंदी नहीं, बंगाली से अंग्रेजी, इसमें अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया, ये आप याद रखेंगे। कौन सा? ये अमर था, ये बंद नहीं होने वाला था। इसको लिखे थे मोतीलाल घोष और सुशील कुमार घोष ने लिखा था। उसके बाद से टाइम्स ऑफ इंडिया छापा गया, बाल गंगाधर तिलक की भी दो पत्रिका, और राजा राम मोहन राय की इंपॉर्टेंट दो पत्रिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संवाद कौमुदी मीरातुल अखबार, ये हो गया राजा राम मोहन राय का, बाल गंगाधर तिलक का दो पत्रिका, केसरी और मराठा। आप बताइए, जो बालक होते हैं छोटे छोटे, बचपन में उन्हें केसर वगैरह खिलाया जाता है, या जब
मम्मी के पेट में, यानी कि कोई भी औरत के पेट में अगर बच्चा रहता है तो वो केसर खाती है ताकि लड़का गोरा पैदा होगा, ऐसा होता है कि नहीं? तो उस वक्त देखिए, तो पहला याद देखिए, पहले केसर खाता है बाद में वही लड़का पराठा खाता है, ये बालक पहले केसर खाया और बाद में पराठा खाया। लेकिन इससे पहले इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा कि केसरी पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है और मराठा पत्रिका किस भाषा में, तो केसरी मराठी में, अमराठी अंग्रेजी में, याद हुआ? केसरी मराठी में, अमराठी अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। उसके बाद से गांधी जी द्वारा भी कुछ पत्रिका छपा गया, यंग इंडिया। यंग इंडिया देखिएगा, न्यू इंडिया मत समझिएगा, न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है, मतलब वो चाहती थी नया इंडिया। यंग इंडिया का मतलब होता है, जैसे ये भी कॉपी मारे हैं महात्मा गांधी, किससे? मेजनी से। मेजनी बनाया था ना यंग यूरोप, यंग इटली, वैसे ही ये भी कॉपी मारे हैं यंग इंडिया, ठीक है। और एक पत्रिका लिखा हरिजन, हरिजनों को खुश रखने के लिए हरिजन पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने ही किया था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, और ये तीनों लाइन से याद कीजिएगा, मोतीलाल नेहरू का कहना था इन लोगों का, ठीक है, कि हम लोग इंडिपेंडेंस यानी किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब हिंदुस्तान का टाइम आ गया है। किसका टाइम आ गया है? हिंदुस्तान का टाइम। अब हिंदुस्तान रिव्यू करेगा, अब दोबारा एक बार देख लो सही से हिंदुस्तान को, ठीक है, हिंदुस्तान रिव्यू। तो तीनों याद रखिए, इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू, हिंदुस्तान टाइम्स पनीकर और सच्चिदानंद सिन्हा ने हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना की। ये तीनों आप डेट याद रखिएगा, 1919, 1922 और 1899, ठीक है, तीनों। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, इन्होंने अल बिलाल और अल हिलाल दो पत्रिका लिखा 1912 और 13 में, याद रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल और अल बिलाल पुस्तक लिखा, समाचार पत्र लिखा 1912 और 13 में। और 1913 में ही सेंस प्रेस की, जिसको मैं याद है लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की भी स्थापना की और गदर नाम की पत्रिका भी चलाए, गदर पत्रिका भी सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल। एंड एट लास्ट समाचार पत्रों को हथियार के रूप में इस्तेमाल एनी वेसेंट किया और इन्होंने न्यू इंडिया नामक नाम दिया उसको। क्या नाम दिया? न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया किसका है? एनी वेसेंट का। और यंग इंडिया किसका है? तो महात्मा गांधी का। मीरातुल अकबर, इधर आ जाओ राजा राम मोहन राय। अगर बात करें मराठा तो इधर हो जाएगा कौन सा? तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और तिलक से एक और चीज याद रख सकते हो, तिलक चढ़ेगा तब ना शादी ब्याह होगा, तो लड़का होगा तो केसर खिलाओगे पराठा खिलाओगे, है कि नहीं? यहाँ देखिए, भरतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हें हिंदी का पिता कहा जाता है, हिंदी के पिता। इन्होंने, ये कवि थे, तो कवि थे तो कवि वचन लिखा और हरिश्चंद्र लिखा, तो ये कितना अच्छा है ना, ऐसे ही पत्रिका रहता तो याद नहीं करना पड़ता। राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं, भरतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र पत्रिका 1972 में लिखा था, हरिश्चंद्र 1972, और कवि वचन इन्होंने ही लिखा है। अब थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने भी अंग्रेजों का बहुत विरोध किया था और इन्होंने हमदर्द पत्रिका लिखा, ठीक है, हमदर्द पेपर चलाया और कॉमरेड, कॉमरेड माने दोस्त, इन्होंने कॉमरेड पत्रिका का प्रकाशन किया। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। और इस तरह से इसके बाद पेपर पर प्रतिबंध भी लगा था, तो वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा इतिहास आपको समझ में आया होगा। अभी इतना बनाने के बाद अगर नहीं लाइक करोगे ना तो कोई बात नहीं, मतलब लाइक कर देना, ठीक है। फिर मैं, आपका तैयारी बहुत ही शानदार हो रहा होगा, ऑब्जेक्टिव का सीरीज बहुत ही जबरदस्त तरीके से शुरू होने वाला है। और याद रखिएगा, ये आपसे कभी एग्जाम में कम मार्क्स नहीं आएगा, 80 नंबर में आप 80 नंबर कीजिएगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो और मजा आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक के बटन को दबा लीजिए और बेल आइकन को तो जरूर दबाइएगा, ताकि बार बार वीडियो अपलोड होगा और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा।